हेलो एवरीवन गुड इवनिंग कैसे हैं सभी दोस्त आई होप बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही है गेट का क्रैश कोर्स चल रहा था यहाँ पे हाइड्रोलॉजी बढ़िया तरीके से खत्म करी सारे क्वेश्चंस किए बढ़िया से प्रैक्टिस करी नोट्स वगैरह सब तुमको मिल ही गए हैं ठीक है हाँ कंबाइंड नोट्स हम भूल गए तो उसको हम जल्दी से डाल देंगे टेलीग्राम के ऊपर आज ही इसके ऊपर काम कर लिया जाएगा तो कोई टेंशन बात नहीं है आज नया दिन है नई शुरुआत होने वाली है किस सब्जेक्ट की बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन तो यार बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर जो भी हमारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है गेट 2023 के लिए उनको डिस्कस करेंगे ठीक है और क्या क्या पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ना है कौन कौन से क्वेश्चन लगाने क्वेश्चन निकल दूंगा ने बहुत सारे ऐसे अभ्यास वैस करा दिए और लेक्चर के बीच में तो उनको बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे तो कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होगी कॉन्सेप्ट तुम्हारे पूरे क्लियर हो जाएंगे ठीक है अभी हाल ही में ऐसा देखा गया है कि बिल्डिंग मटीरियल्स के अंदर सिलेबस की अगर थोड़ी बात करें तो सिलेबस में बहुत कम चीज़ें दी गई हैं लेकिन अभी पिछले दो सालों में टॉपिक के बाहर से भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं ठीक है जैसे टिम्बर लिखा नहीं था पिछले दो सालों से लेकिन टिम्बर का क्वेश्चन लास्ट लास्ट ईयर आ गया था तो हम लोग बेसिक बेसिक सारा पढ़ लेंगे ठीक है बेसिक बेसिक और भी बना लेंगे तो एक हफ्ते के अंदर सर अपना ये भी हम लोग पूरा निपटा लेंगे ठीक है लेकिन हाँ जो चैप्टर बहुत जरूरी हैं उन पर बढ़िया तरीके से फोकस किया जाएगा काफी बच्चे जुड़ गए हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर देंगे और कौन कौन जुड़े हैं अपने साथ गुड इवनिंग यार गुड इवनिंग सभी बच्चे जितने जुड़े हैं पुष्पक अंकित सुशील आदित्य संदीप सिद्धार्थ शहबाज सुशांत हैं घनश्याम हैं आदित्य कह रहे हैं सर आपको देख दिल खुश हो जा रहा है बस चलो बढ़िया हमको भी पढ़ाने का तो हमारा भी दिल बहुत खुश हो जाता है एकदम है ना तो ऐसा ही रहना चाहिए एकदम बढ़िया टू वे कनेक्शन चलना चाहिए लगना नहीं चाहिए कि हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं ठीक है आज ऐसा तुमको पढ़ाएंगे कि मज़ा ही आ जाएगा ठीक है एकदम मज़ा ही आ जाएगा बस मन लगा के सुनो कहानी की तरह सुनेंगे और सब कुछ याद कर लेंगे ठीक है बस रिक्वेस्ट यहाँ पे सभी से ये है एकदम जगते हुए पढ़ेंगे जो सवाल सर पूछेंगे सीधे उत्तर आना चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर ठीक है कमेंट बॉक्स में खूब एक्टिव रहना है दिमाग में जो चीज़ें आ रही हैं पूछ सकते हो और बता सकते हो ठीक है तो हम क्वेश्चन पूछते चलेंगे और आंसर देते चलेंगे सब लोग ठीक है गुड इवनिंग यार और भी अच्छे जुड़े हैं दिवाकर मनीष शालिनी ए ओ नाइन पुण्य चलो ठीक है तो आज हम लोग बिल्डिंग मटेरियल्स स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर है क्या क्या पढ़ेंगे जरा सर ओवरव्यू दीजिए बताइए सर गेट में क्या ज़रूरी है क्या नहीं देखो सर एकदम समझ लो बिल्डिंग मटेरियल में बहुत चैम्पियन है ठीक है तुमको ऐसा पढ़ाएंगे तुमको मज़ा ही आ जाएगा ठीक है चलो अब बिना समय वेस्ट करते हुए वे बात करते हैं देखो अभी फ़ोकस चल रहा है गेट का वैसे ई की अगर बात करें तो ई में तो बहुत सारे और भी टॉपिक हैं फ्लाई एच है स्टोन है एग्रीगेट है फिर तुम्हारा पेंट वार्निश है और स्टील एफ आर पी एल्यूमिनियम प्लास्टिक और बहुत सारे टॉपिक एक्स्ट्रा मिसलिनियस मटेरियल्स के अंदर ई के अंदर आते हैं लेकिन हम लोग अभी वहाँ ज़्यादा नहीं जाएंगे हम लोग अपना फोकस गेट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के रखेंगे बाकी प्लेलिस्ट हम और भी अच्छी बनाएंगे चिंता ना करो उसकी फुल कोर्स जो आएगा अपना अभी फिलहाल फोकस क्रैश कोर्स के ऊपर सर कुछ ऐसा कर दीजिए कि सर अपने जो भी एग्जाम हम देने जा रहे हैं वो सारे मेन क्वेश्चन सारे हो जाएँ तो वैसा यहाँ पर फोकस किया गया है तुम्हारे कॉन्सर्ट बिल्ड हो जाएंगे ठीक है ये क्वेश्चन ये जो सिलेबस रहेगा ये नाइन्टी से कम नहीं है ठीक है बट येस इसमें जो एकदम मिसलिनियस टॉपिक्स हैं वो हम लोग छोड़ेंगे तो फिलहाल सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग करने वाले सीमेंट और कॉन्क्रीट के ऊपर आम जिंदगी ने सबने सीमेंट जरूर देखा होगा ज़रा नज़र घुमाना आसपास घुमा लो नज़र एक बार हमको तो सीमेंटी, सीमेंट ही सीमेंट नज़र आ रहा है सब जगह जिन दीवारों और जिन स्टूडियो के बीच में हम खड़े हैं सब कुछ सीमेंट और कंक्रीट से ही बना हुआ है तो एक इनएविटेबल कह सकते हैं मटेरियल है जिसके बिना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं है इनएविटेबल मतलब जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते ये तो होना ही होना है सर ठीक है ईंट कितनी ज़रूरी है जो हम लोग ब्रिक uh, मेसनरी बनाते हैं ठीक है वो भी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उनके बारे की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है हम लोग सिविल इंजियर ठहरे कॉलेज में जानते सर मस्ती की पढ़ रहे थे नहीं तो हम लोग थोड़ा जानेंगे इनके बारे में ठीक है टिम्बर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने पड़ेंगे हालांकि ब्रिक ब्रिक मिशनरी टिम्बर जो है इन्होंने गेट मेंशन नहीं कर रखा है सिलेबस में बट स्टिल हम लोग बेसिक बेसिक देख के जाएंगे कि ऐसा ना हो सर बेसिक क्वेश्चन है हम लोग वहाँ करना पाए इसका वेटेज अगर गेट में देखें तो हमारे हिसाब से एक से तीन नंबर का वेटेज रहेगा ठीक है कम हाँ हमको पता है कम वेटेज है इसका लेकिन हम लोग इसको देख के जाएंगे बढ़िया से क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं और इसका हेल्प तुमको आर सी सी में बहुत ज़्यादा मिलने वाला है ठीक है क्योंकि आर सी सी में सर कॉन्क्रीट है वहाँ बस कॉन्क्रीट के अंदर सरिया तो डालते हैं नहीं पता है अरे जुगलबंदी होती है यार किसके किसके किसकी कॉन्क्रीट की और सरिया के बीच में सरिया कहती है थोड़ा काम हम सम्भालेंगे कॉन्क्रीट कहता है थोड़ा हम संभालेंगे आओ मिलके प्रेम बढ़ाएं ताकत लगाएं है कि नहीं तो बस यही है <coughs> चलो बहुत अच्छी बात है बेटा सर एस्टिमेशन भी आप ही हाँ पढ़ाएंगे बेटा सब हम पढ़ाएंगे समझ लो जो कोई नहीं पढ़ा रहा वो सब हम पढ़ाना है ठीक है और बढ़िया तरीके से हो जाए काम ठीक है चलो शुरू करते हैं सीमेंट अभी फिलहाल हम लोग अगले आने वाले तीन चार दिन तक हम लोग इन दोनों पे फोकस करेंगे और तुमको हम बहुत बढ़िया तरीके से पूरा क्लियर कर देंगे और बस रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सेशन में इंटरेक्टिव वे में बात करते चले कि जो पूछेंगे सवाल का आंसर आना चाहिए ठीक है चलिए सर बाकी टिम्बर स्टोन एग्रीगेट और भी बहुत सारे चैप्टर हैं पेंट वार्निश है फ्लाइए है एफ आर पी है सिरेमिक है ग्लास प्लास्टिक एल्यूमिनियम ये वो पता नहीं कितने दुनिया भर के मटेरियल इस्तेमाल होते हैं आजकल ठीक है इस है बहुत सारे मटेरियल हैं हम लोग फिलहाल अभी सीमेंट और कॉन्क्रीट फोकस करते हैं अच्छा सर ये हो गई बात तो आज का दिन सीमेंट के नाम आज का दिन सीमेंट का नाम कल का दिन भी सीमेंट का नाम होगा क्योंकि तो थोड़ा बड़ा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो इंपॉर्टेंट है सर टाइम लगता है कॉन्सेट बनाएंगे अच्छे से ठीक है अब सुनो भैया सीमेंट क्या है सीमेंट नाम में ही लिखा है इसका काम बताओ सीमेंट का मतलब क्या है जरा कमेंट करो सीमेंट का मतलब क्या नाम से समझ में आ रहा है कुछ कुछ जुड़ने जैसा है सर कुछ जुड़ने जैसा लग रहा है सीमेंट का मतलब क्या होता है तुम्हारे हिसाब से क्या होगा बताओ जरा कमेंट करके ठीक है हाँ बिल्कुल 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 <coughs> अच्छा प्रेम से ही नैया पार होगी शुभम कह रहे हैं अच्छा कितने लोगों ने ब्रह्मास्त मूवी देखी यार अभी हाल ही में आई थी बहुत हाइप बनाई गई थी वैसे तो हम ज़्यादा मूवी देखते नहीं हैं लेकिन इतनी हवाबाजी कर दी कि घर वाले खींच के ले गए तो जाना पड़ गया अब वहाँ पहुँचे ब्रह्मास् वहाँ चली चलो बढ़िया था जो भी था एनिमेशन वगैरह तुम लोगों ने देखी होगी मैं लगता है आखिरी में देखे कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कौन सी है जो यहाँ पे लड़के ने कमेंट किया हुआ है एक लड़के ने यहाँ कमेंट किया है कि प्रेम से ही नैया पार होती है तो ब्रह्मा अगर तुम लोगों ने देखिए तो उसमें आखिरी दिखाया है कि रणवीर कपूर जो है सारे ब्रह्मास्मा सबको हरा देते हैं एकदम है ना और ताकत सबसे बड़ी दुनिया कौन सी है प्यार की ताकत है ना तो एकदम ही मतलब भयंकर कॉमेडी कर दी आखिरी में चलो ठीक है ठीक है, ठीक है चलो वो सब छोड़ते हैं वापस आते हैं बिल्कुल सही तुम तो लोग बता रहे हो सीमेंट का मतलब बाइंडिंग मटेरियल बिल्कुल सही सभी लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही सोच रहे हैं एकदम ठीक है ठीक है? है तो एकदम बढ़िया यहाँ पे तुम तो लोग बता रहे हो बाइंडिंग मटेरियल ठीक है तो सीमेंट का मेन काम ही होता है बांधने का जो सबको बांध के रखे ठीक है समझेंगे काम अब हम लोग को इस चैप्टर के अंदर फोकस कहां करना है सर पहले तो बेसिक समझेंगे कि सीमेंट किसने बनाया कहाँ से आया कैसे बनाते हैं ये सब चीज़ें देखनी है हम लोग को फिर हम लोग बात करेंगे कि सीमेंट आखिर बनता कैसे है ठीक है सीमेंट की मैनुफैक्चरिंग कैसे होती है वो यहाँ डिस्कस करेंगे ठीक है तुम लोग शायद पता हो कि भट्टों के अंदर सीमेंट वाले बनाने वाले लोग बहुत अरबपति लोग हैं दुनिया अपने देश में जानते हो कि सुन लोग है ना कुछ बढ़िया बढ़िया सीमेंट कंपनी का नाम पता है पता है तो कमेंट ऑफ में बता सकते हो तो वो सब सीमेंट बना के बहुत अमीर हो चुके हैं उसके बाद सीमेंट के अंदर जो हम लोग इन्ग्रीडियंट्स लेते हैं उनका फंक्शन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है वो समझना पड़ेगा हम लोग को कि सीमेंट के अंदर जो कॉन्स्टिटुन है उनका फंक्शन क्या है उसका रोल क्या है वो अच्छे से देखेंगे उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जब भट्टे सीमेंट निकल के आता है तो एकदम कह सकते हैं नया नया होता है उसके अंदर क्या होता है ठीक है उसके अंदर कंपोजिशन जब भट्टे से निकल के आता है तो कंपोजिशन चेंज हो जाता है शुरू में मिलाते कुछ है बाद में कुछ और हो जाता है प्रोसेस देखेंगे तो क्लिनकर कंपोजिशन का मतलब वो कंपाउंड होते हैं उनको हम समझना पड़ेगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक यहाँ पर टिक लगा देते हैं यार इसी से क्वेश्चन सारे बनेंगे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली तुम्हारे सीमेंट के कॉन्टीटुएंट इनिशियली क्या थे और भट्टे में डालने के बाद क्या हो गए ठीक है वो हम लोग को समझना पड़ेगा ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा सकते हैं मैनुफेक्चरिंग और इंट्रोडक्शन से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे ठीक है हालांकि छोटे मोटे बन सकते हैं उसके बाद सर सीमेंट सर भट्टे से निकल के आया है सर भट्टे भट्टा जानते हो कि नहीं किल जो होती है गर्मा गर्म होती है सर कोई भी आदमी गर्मी से निकल के आएगा तो उसको लगेगी प्यास समझ रहे हो प्यास लगती है सर उसको पानी चाहिए पागल हो रहा है सर उसका दिमाग एकदम आउट हो चुका है पानी पिएगा वो ठीक है तो पानी पी के सर अलग अलग प्रतिक्रियाएं करेगा रिएक्शन करेगा उन रिएक्शन को हमें समझना पड़ेगा तो सीमेंट का हाइड्रेशन हाइड्रेशन मतलब पानी के साथ रिएक्शन ठीक है सीमेंट किस तरह से पानी को देख के पागल होता है और क्या क्या करता है वो हमको समझना पड़ेगा ठीक है हाइड्रेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी फिलहाल इन दोनों से ज़्यादा नहीं है उसके सीमेंट के टेस्ट ये तो भैया सुपर हिट टॉपिक है ठीक है सीमेंट की गुणवत्ता अब भाई भट्टे से बनाया है सर कुछ भी बना हैं हमको क्या पता है कि नहीं हमको चेक तो करना पड़ेगा भाई सीमेंट की जो गुणवत्ता है जो क्वालिटी है वो बढ़िया है कि नहीं है ऐसा थोड़ी सर कुछ भी कुछ भी मान लेंगे है ना तो हमें उसकी क्वालिटी समझने के लिए कुछ पैरामीटर्स बनाए गए हैं कुछ टेस्ट बनाए गए हैं आई एस कोड में बहुत सारे टेस्ट दिए गए तो उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे ठीक है और फिर कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं वो हम लोग को देखेंगे फील्ड टेस्ट होते हैं कुछ कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं कुछ केमिकल टेस्ट हैं तो क्या क्या हम लोग को याद रखना है वो सब हम लोग देखेंगे फिर सीमेंट के टाइप्स आजकल नाना प्रकार के सीमेंट मार्केट में आ गए हैं मतलब मान लो ऐसा हो गया आजकल कि वहाँ पर कोई और ज़रूरत है जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं हमारे बगल में यहाँ पे एक बड़ी सी बॉर्डर वगैरह है तो अब मान लो इस वाटर में कुछ अलग काम आ रहा है तो अलग टाइप की सीमेंट किसी जगह पानी से बचना है तो पानी वाली सीमेंट किसी जगह सल्फेट से बचना है तो सल्फेट वाली सीमेंट मतलब हर एक यूज के हिसाब से अलग अलग प्रकार की सीमेंट आ गई हैं फिलहाल कुछ दस से पंद्रह सीमेंट हैं जो हमको ये समझनी है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो दस पंद्रह टाइप के सीमेंट हमें तो बताएंगे एस एस वगैरह तो एकदम आजकल ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग जो अभी अप्लाई हो रही है नए जमाने में वो सबसे क्वेश्चन बनना शुरू हो गया ठीक है थीके? तो हम तुम्हें तो फिलहाल ओवरव्यू सबका दे देंगे काफ़ी अच्छे से तुमको बता देंगे कि कौन कौन से सीमेंट हम लोग को पढ़नी है ठीक है तो टाइप्स ऑफ सीमेंट भी इंपॉर्टेंट है ठीक है दस से पंद्रह रहती है लेकिन हाँ शुरुआती छः सात तो बहुत इंपॉर्टेंट है उनसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो हम तुम्हें अच्छे से समझाएंगे पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम बढ़िया से और भाई यूजेस हर एक टाइप ऑफ सीमेंट का अपना अपना यूज़ है अलग अलग जगह अलग अलग हिसाब से अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से हम लोग अलग अलग टाइप की सीमेंट इस्तेमाल करते हैं ठीक है लो हम लोग शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन अब हम लोग बढ़ते हैं आगे बिल्कुल <coughs> सर कोर्स एंड तक कंप्लीट होगा ना नहीं एंड तक नहीं डिसम्बर एंड तक हो जाएगा बेटा ठीक है क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं हमें लग रहा है अगर क्रैश कोर्स का पूछ पूछो कब खत्म होगा तो दिसंबर एंड तक खत्म हो जाएगा फिलहाल जो अभी हमने आज बिल्डिंग मटेरियल शुरू किया है ये एक हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगा तुमको पता ही है हम अभी हमने सत्रह तारीख से छब्बीस तारीख तक तुम्हारा हाइड्रो खत्म किया है ठीक है अट्ठाईस तारीख से अब कब है यार वीकेंड दो या तीन तारीख तक ठीक है दो या तीन तारीख तक तुम्हारा बीएमसी खत्म हो जाएगा और फिर सैटरडे संडे के बाद तुम्हारा नौ तारीख तक सीपीएम कंस्ट्रक्शन अलग पार्ट खत्म हो जाएगा ठीक है सीपीएम पार्ट का जिससे तुम्हारे छोटे मोटे क्वेश्चन टेंडर वेंडर के बनते हैं तो हमारा काम नौ तारीख तक है बाकी सब चीज़ें और ओवरऑल जो तुम्हारा कैश कोर्स चल रहा है वो इकतीस दिसंबर तक खत्म हो जाएगा ठीक है चलो आज हम बात करते हैं हाँ एज जी ए के लिए भी हो जाएगा अच्छा वॉल्यूम थोड़ा कम लग रहा है तुम लोग को वॉल्यूम कम कैसे यार एकदम हम तो बहुत तेज तेज़ बोल रहे हैं अब हमें लगता है और बढ़िया हो गया होगा वॉल्यूम ठीक है इरिगेशन हाँ इरिगेशन कब होगा इरिगेशन उसके बाद आएगा ठीक है इरिगेशन इक्स इक्कीस से तीस दिसंबर तक चलेगा लेकिन वो मॉर्निंग वाले में चलेगा तुमको पता है ना क्रैश कोर्स तीन टाइम चल रहा है आठ से दस सुबह साढ़े छः से साढ़े आठ अभी जैसे ये यहाँ टाइम है शाम को और नौ से ग्यारह तीन टाइम चल रहा है क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट हैं सब लोग मिल कवर कर रहे हैं तो हमारा जो इक्कीस से तीस दिसंबर है उसमें सुबह के टाइम इरीगेशन चलेगा ठीक है एक बार हम टाइमिंग फिर भी चेक कर लेंगे लेकिन अभी जो हमको याद आ रहा है वो यही है फिलहाल ठीक है चलो अब हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन आई होप कि सभी के कमेंट ठीक है हाँ सिक्स टू सेवन क्लास में हो जाएगा और क्या बेटा बिल्कुल तभी तो छोटी वीडियोस छोटी वीडियो कह रहे हैं हम क्रैश कोर्स का मतलब क्या है कि हम लोग सिस्टमेटिक लो वे में कम वीडियोस के अंदर सारा सिलेबस कवर कर ले क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए मतलब तो तुम्हें ज़्यादा भटकना पड़े बस यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि तुम लोग नोट्स हम जैसे पिछली बार तुमने तुमको बताया था नोट्स तुम्हें ये सब मिल जाएगा ये सब तुम्हें मिलेगा बस तुम्हें मन लगा के सुनना है और रोज़ इनको रिवाइज़ करना है ठीक है रिवाइज नहीं करोगे दो तीन बार तो याद नहीं कर पाओगे इतना सारा डेटा एकदम दिमाग में जाता है सब हिल जाता है पूरा सिस्टम ठीक है तो दो तीन पॉइंट है रिवाइज़ करना बढ़िया से ठीक है प्रीवियस प्रीवियस क्वेश्चन लगा लेना हाँ एक और बात सभी लोग से रिक्वेस्ट ये है कि तुम जब ये सब पढ़ लोगे तो अभी आज ही जाके जब ये लेक्चर ख़त्म होगा ई का जो पी वाई क्यू है पी वाई क्यू मतलब प्रीवियस क्वेश्चन है वॉल्यूम वन ठीक है वॉल्यूम वन वॉल्यूम वन जरा लगा लेना ठीक है वॉल्यूम वन सीमेंट लगाना ज़रूर एकदम आज एकदम प्रॉमिस हो रहा है भाई प्रॉमिस कर लो बहुत सारे बच्चे लाइव चल रहे हैं प्रॉमिस हो रहा है ठीक है चलो बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है चलो ठीक तो प्रॉमिस हो गया सर आज क्लास देखने के बाद हम लोग ई का वॉल्यूम वन हम लोग बढ़िया से लगाएंगे सीमेंट चैप्टर तो तुमको अगर खुद से प्रैक्टिस करनी तो तुम वॉल्यूम लगा सकते हो वरना डी पी पी से तुमको बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे सीमेंट गाने शुरू करते हैं एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ असदिन अच्छा ये तो अट्ठारह उन्होंने सीमेंट बनाया इसके पहले भी हम लोगों को कभी कुछ जोड़ना उड़ना था तो चूना चलता था लाइम लाइम जानते हो भाई ऐसे ऐसे करते हो देखे हो किसी को नहीं इधर यूपी बहुत ज़्यादा होता है ठीक है लोग जो है लाइम लाइम के वैसे बहुत सारे काम होते हैं यार लाइम मतलब एक ट्रिवेंडस कह सकते हैं मटेरियल uh, है जिसका काम बिल्डिंग में भी आता है लोग खाते भी हैं है ना मतलब बहुत सारे काम है लाइम तो मतलब समझ लो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जान है है ना मतलब बहुत सारे काम है अभी हम दसियों नाम दसियों काम हमारे दिमाग में आ रहे हैं ठीक है ठीके? चलो फिलहाल छोड़ते हैं अभी के लिए तो सर जैसे मान लीजिए हमने तो सर सुना है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था हमने सुना है कि उन्होंने कुछ बनवाया था मतलब भाई बिल्डिंग वगैरह या बड़ी बड़ी इमारतें आज से थोड़ी बन रही हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो गई ये सब तो बहुत पुराने टाइम से बनी हुई है तब सीमेंट तो था नहीं सीमेंट तो सर सिर्फ अट्ठारह सौ चौबीस में आया तो उसके पहले क्या होता था पहले सिर्फ लाइम होता था लाइम है ना लाइम से ही हम लोग चिपकाने का, का काम करते थे लाइम है जिप्सम है ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती थी पहले लेकिन फिर इन्होंने लगाया दिमाग इन्होंने सीमेंट आ, क्या किया इन्वेंट किया क्या किया इन्होंने वो समझते हैं इन्होंने लगाया दिमाग ठीक है इन्होंने लाइम स्टोन क्ले और पानी तीन चीज़ें ली देखो तुम थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो ये लाइम स्टोन है जो जिसके अंदर थोड़ा कैल्शेरियस मटेरियल ज़्यादा रहता है सी एस सी ओ थोड़ी तुमने सुना होगा ठीक है वाइट रंग के जो पत्थर रहते हैं ठीक है ये हमारे लाइम स्टोन है क्ले तो सबने देखी होगी यार सभी के घर में अगर गमले हैं तो गमले में जो मिट्टी होती है वो सिंपल क्ले है ठीक है सूख जाती है तो कुछ इस प्रकार की दिखती है तो इन्होंने इसको इसको पानी को लिया उसको गर्म किया साथ में ठीक है गर्म किया ठीक है सर बिल्कुल तो मतलब ये हमारा कैल्शेरियस कंपाउंड ये आर्ग्लेशियस कंपाउंड पानी के साथ मिला के उन्होंने बनाया सीमेंट ठीक है हाई टेम्परेचर में भी, भी लेके गए तो भाई मजा ही आ गया सर अपने दोस्त को उन्होंने दिखाया कि भाई इसके अंदर तो जो मटेरियल बनाया सीमेंट उसके अंदर तो बहुत ज़बरदस्त बाइंडिंग प्रॉपर्टी है दिमाग चला दोस्त के साथ गए तुरंत पेटेंट कराया पेटेंट जानते हो ना पेटेंट मतलब इनका हक हो गया सीमेंट के ऊपर समझ रहे हो अब पेटेंट करा एकदम मस्ती मस्ती सर उसके बाद से आज तुम देखते ही हो सीमेंट ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा उसके बाद से लाइम लाइम तो तुम लोग है भी हो गया अब तो सब जगह सीमेंट 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 है ना मजा आ गया इनको बन गया अरा अपना ठीक है तो क्रेडिट इनको जाता है अच्छा इन्होंने नाम रखा पोर्टलैंड सीमेंट ऐसा क्यों रखा पोर्टलैंड सीमेंट नाम क्यों रखा क्योंकि इन्होंने देखा ये पोर्टलैंड की खदानें हैं यूके की बात है पोर्टलैंड एक जगह है ठीक है वहाँ पे जो पत्थर है उसका जो कलर है वो इनके सीमेंट से मैच करा ठीक है पोर्टलैंड एक जगह है जहाँ के जो पत्थर हैं वहाँ का कलर इनके इन्होंने जो आविष्कार किया है उसके सीमेंट से मैच किया तो इसलिए इन्होंने नाम रख दिया पोर्टलैंड सीमेंट ठीक है क्या रखा पोर्टलैंड सीमेंट समझ गए और ये तुमको ने बताया देखो इतनी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग यहाँ देख सकते हो तुम ठीक है अब भाई ब्रिटिश राज था जमाने में तुम तो लोग जानते ही हो दो सौ तीन सो साल पहले सब ब्रिटिश ब्रिटिश थे पूरी दुनिया भर में तो इन्होंने देखो इतने बड़े बड़ी इमारतें बना रखी हैं ठीक है थीके? एक सैन पॉल्स यहाँ कैथेड्रल चर्च है सेपोटा आए वाइट हॉल लंडन में है ना तो इतने बढ़िया बड़े ब्रिटिश ये सब किससे बनी है यहाँ तो सीमेंट था नहीं तो पहले जो है पोर्टलैंड स्टोन का बहुत इस्तेमाल होता था और चिपकाने के लिए लाइम इस्तेमाल चलता था ठीक है लाइम काम में आता था, था लेकिन अब फिलहाल हमारा सीमेंट बहुत आगे जा चुका है ठीक है अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल की बहुत ध्यान सुनना बहुत जरूरी बात बताने जा रहे हैं सुन लेना अगर हम लोग सर मान लीजिए हमारा दिमाग ख़राब होता है किसी दिन और हम ऐसी भटकने सड़क पर भटकते हैं कभी ठीक है सड़क पर कहीं भी चले जाएँ पृथ्वी पर कहीं भी चले जाओ तुम कोई भी मटीरियल उठाओगे मान लो सड़क से तुमने मिट्टी उठाई मान लो तुमने कोई पत्थर उठाया रॉक उठाया तुम चढ़ गए वहाँ पहाड़ों पे तुम चले गए समुद्र में नदियों में कुछ भी मिट्टी उठाओ या पत्थर उठाओ उसके अंदर तीन चार चीजें ही होनी है क्या बोल गए सर आप मतलब आप कह रहे हैं सर इट्स मैजिक इट्स मैजिक मतलब पृथ्वी पे कोई भी मटीरियल आप उठाइए रॉक हो स्टोन हो धूल हो सॉइल हो कुछ भी हो डस्ट हो सर सबके अंदर चार पांच चीजें हैं सर क्या वो चार पांच चीजें है? सुनते हैं बहुत ध्यान से उनके सबके अंदर क्या है सर आज तो रहस्य खुलने वाला है बहुत बड़ी चीज एक है लाइम भैया देखो बोलना शुरू करो जग जाओ बहुत इंपॉर्टेंट होता रहे हर चीज के अंदर बेसिक कॉन्सिडेंट ऑफ ऑल द मटीरियल्स ऑन एंड इनसाइड अर्थ सरफेस आर पहला लाइम सी ए देखो यार ऐसा है ना हर आदमी को अकेला रहना पसंद नहीं है अब कैल्शियम भाई थे अपना कैल्शियम भाई को पसंद आ गया ऑक्सीजन चिपक गए जाके बॉन्डिंग हो जाती है भाई बॉन्ड बन जाता है ठीक है अकेले कोई रहना चाहता है अब ऐसे ही सिलिका भाई दुनिया में सिलिका सबसे ज़्यादा है एस आई ओ टू की अबेंडेंस का तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है अभी ठीक है एस आई ओ टू सबसे ज्यादा ठीक है फिर तुम्हारा सिलिका हो गया एल्यूमिना फिर और बताओ क्या है आयरन ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड मतलब है एफ ई टू ओ थ्री इनको पहचानना शुरू करो पहले इनको पहचानना शुरू करो फिर मैगनीशिया हो गया एम जी ओ और ऐसी तमाम ऑक्साइड हैं एन ए टू ओ के टू ओ तमाम है लेकिन इनकी डोमिनेंस बहुत ज्यादा है इनकी डोमिनेंस बहुत ज्यादा है इसको दिमाग में रखेंगे ठीक है समझ गए सर तो आपने बता दिया मतलब आप कह रहे हैं इट्स मैजिक अगर हम जाके कोई पत्थर उठा के लाते हैं उसको ध्यान से देखते हैं तो उसके अंदर या तो के ये होगा या तो नहीं सब मिक्स होते हैं जैसे मान लो ये सत्तर परसेंट है ये पंद्रह परसेंट है ये पंद्रह परसेंट है इस तरह से होंगे सब ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम प्योर आ, मतलब कह सकते हैं कि एकदम प्योर लाइम का है ऐसा नहीं होगा कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा किसी का परसेंटेज कम किसी का परसेंटेज ज्यादा इस तरह चलता है ठीक है तो ये बात तुम लोग को समझ में आ सकती है आगे बात करेंगे बेटा एकदम डिटेल में बता रहे चिंता ना करो ठीक है तो ये तीनों ये सारा ये सब लोग रहेंगे अलग अलग परसेंटेज में लेकिन हाँ सर मान लीजिए कोई ऐसा पत्थर है जिसके अंदर नाइन्टी परसेंट मान लेते हैं सी ए है ठीक है दस परसेंट में बचे हुए सारे हैं दस परसेंट में एस आई ओ टू भी ये हो सब कुछ है तो इस तरह के पत्थर को पता है हम लोग क्या बोलेंगे इस तरह के पत्थर को बोला जाएगा कि सर ये जो मटेरियल है ये आपका कैल्शेरियस है यहाँ देख सकते हो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कैल्शेरियस मटेरियल। तो आज से हम समझ गए कैल्शेरियस मटीरियल का मतलब ऐसे पत्थर या ऐसी सॉइल है जिसके अंदर सी ए सी ए की मात्रा सॉरी सी ए ओ की मात्रा बहुत ज़्यादा है ठीक है बाकी सब भी हैं ऐसा नहीं बाकी सब नहीं है लेकिन उनकी मात्रा सर कम रहेगी ठीक है थीके? आसान बात है तो अच्छा इनके नाम देखो ये सब नाम याद करने हैं सर है ना ये सब नाम याद करने हैं क्या क्या है सर इसके अंदर हम देख पा रहे हैं सर इसके अंदर हम देख पा रहे हैं हमारा लाइम स्टोन है ठीक है सबको दिख रहा है हाँ सर लाइम स्टोन दिख रहा है फिर क्या है सर यहाँ पे चौक दिख रहा है ठीक है देखो जो भी चीज़ें वाइट तुमको दिखाई देती हैं अच्छी खासी ठीक है लाइम है चौक है मरीन शेल्स हैं ठीक है तुम लोग समुद्र में देखे हो वाइट रंग के होते हैं तो जो भी वाइट रंग का तुमको रॉक वगैरह दिख रहा है वो सब तुम्हारा किस कैटेगरी में चला जा रहा है कैल्शियरियस कंपाउंड्स की कैटेगरी में चला जा रहा है ठीक है आसान है बहुत टफ नहीं है इसमें कुछ भी तो कैल्शियरियस कंपाउंड हमारे हो जाएंगे ठीक है आगे बात करते हैं हम लोग सेकेंड नंबर की जिनको हम लोग बोलते हैं सिलिशियस देख लो पहले अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है सर सिलीशियस एस आई ओ टू सिलिशियस का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर सिलिका की मात्रा ज्यादा जैसे अस्सी नब्बे परसेंट मान लो क्या है मेरा सिलिका है बाकी सब कम है ऐसा नहीं है बाकी सब नहीं है, है। अब इसके एग्जाम्पल जैसे सैंड तुम देखते हो यार तुम बालू देखते हो रेगिस्तान में रेत देखते हो तो ये सब क्या है बताओ सिंपल एकदम सर ये सब ऑब्वियसली हमारा क्या है ये सब हमारा ऑब्वियसली क्या है अपना सिलिशियस मटेरियल क्योंकि इसके अंदर एस की मात्रा मतलब बहुत ज़्यादा है जैसे सैंड स्टोन और सिलिका ठीक है और कोई इसके खास एग्जाम्पल नहीं है फिर हम बात करते हैं आर्गलेशियस कंपाउंड्स की आर्गलेशियस का मतलब इसके अंदर ए एल की मात्रा ज्यादा जैसे क्ले क्ले की बात करें शेल की बात करें ठीक है शेल क्ले इसके टॉप मोस्ट कह सकते हैं एग्जाम्पल है क्ले बहुत कॉमन है जाओ भी घर के बाहर कहीं देखो मिट्टी उट्टी पड़ी है सब क्ले ही क्ले है ज़्यादातर क्ले ही तुमको देखती है ठीक है क्ले मिट्टी अपनी रहती है फिर सीमेंट रॉक है ठीक है ब्लास्ट फरनेस स्लैग है मार्ल है ये सब अलग अलग टाइप की सॉइल वॉयल है दुनिया भर की रॉक और सॉइल तो तुम इसको याद कर लेना लेकिन हाँ सर हमको एक बात समझ में आ गई कि आप दुनिया भर के जो मटेरियल्स हैं उनको आप तीन टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं कैल्शेरियस है आर्गिलेशियस और सिलीशियस है अब देखो सीमेंट जब हम लोग लेते हैं बनाते हैं तो सीमेंट बनाने के लिए सर इस्तेमाल क्या करें सीमेंट बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करें कोई बता सकता है हमको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा ये इसको गलती से भी हम लोग भूलेंगे नहीं ठीक है सीमेंट बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बताओ कमेंट करो सीमेंट बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं सर सीमेंट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इनका और इनका इनका और इनका क्यों अरे जोसेफ जी ने कहा है ना यार हमको दिमाग थोड़ी लगाना है वो आविष्कार करके गए हैं भाई उन्होंने दिमाग लगा लिया पहले तुम अच्छा देखो यहाँ पे आओ उनकी फोटो दिखाए पहले तुमको जोसेफ जी बता के गए हैं जोसेफ चाचा बताया क्या बताया उन्होंने जोसेफ चाचा ने बताया ये, ये लाइम स्टोन अब बताओ लाइम स्टोन के अंदर देखो लाइम स्टोन का नाम ही लाइम स्टोन बताया क्यों है? क्योंकि उसके अंदर लाइम है तो बताओ ये जो मटेरियल है ये कैल्शियरियस की कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे सर सत्तर से नाइन्टी फाइव परसेंट सेवेंटी टू नाइनटी फाइव परसेंट आप देखेंगे कि इसके अंदर सी ए ओ ही है बाकी कुछ बहुत कम है ठीक है बाकी सारा मिला के बचा हुआ पाँच दस परसेंट है ठीक है तो ये हमारा कैल्शियरियस में चला गया अब क्ले सर क्ले के अंदर आप देखेंगे ए एल टू ओ थ्री होता है सिलिका भी होता है लेकिन ए एल टू ओ थ्री की मात्रा बहुत अधिक है तो ये हमारा आर्गलेशियस चल गया तो जोसेफ जी की माने अगर जोसेफ जी की बात करें उनके हिसाब से कैल्शेरियस और आर्गलेशियस कंपाउंडस अगर हम मिलाते हैं ठीक है थीके? अब नॉट ओनली लाइम स्टोन लो ठीक है हम लोग ऐसी चीज़ें लेते हैं जिसके अंदर कह सकते हैं कैल्शियस कम्बाइंड कंपाउंड बहुत ज़्यादा है ठीक है तो अगर इनको इनको मिलाएंगे और पानी मिला के गर्म करेंगे ठीक है पानी मिला के गर्म करेंगे तो सर क्या बनेगा जल्दी बता दो क्या बनेगा सर हमारा बनेगा सीमेंट ठीक है तो इन शॉर्ट हमको समझ में आएगा हमको कैल्शियस और आर्ग्लेशियस कंपाउंड्स लेने हैं इसकी मैनुफैक्चरिंग समझ में आ रहा होगा सबको कुछ कठिन तो नहीं है यार इसमें है ना सबको समझ में आ रहा है एकदम सिंपल देखो दिमाग में डालना चलता है दिमाग में एकदम डालते हो चल रहा है सब कुछ क्या 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 है ठीक है अब हम इस स्लाइड को हटाने जा रहे हैं तुरंत एक क्वेश्चन पूछेंगे देखें उसका आंसर कौन देगा सब लोग जरा यहाँ पे और यहाँ पे फोकस कर लो एक क्वेश्चन हम पूछेंगे अच्छा ब्लास्ट फर्नेस के ना उनको थोड़ा सा बता देते क्योंकि आगे इस्तेमाल होगा बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो होती है वो हमारी तुम लोग जानते हो कि आयरन की मैनुफैक्चरिंग होती है ना तो एक ब्लास्ट फर्नेस होती है एक ब्लास्ट फर्नेस होती है जिसके अंदर आयरन की मैनुफैक्चरिंग होती है अब इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो कचरा मतलब जो फ्लक्स की तरह यूज किया जाता है या जो कचरा बसता है कह सकते हैं उसे बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग ठीक है और ऑब्वियसली ब्लास्ट फर्नेस का रोल ये होता है कि एफ निकल जाए ठीक है भाई आयरन का और उसके अंदर प्योरीफाई किया जा रहा है ना तो एफ हट जाए और बाकी सब जो कचरा बच रहा है वो हमारा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग कह सकते हैं ब्लास्ट फर्नेस से निकलती है इन द मैनुफेक्चरिंग प्रोसेस ऑफ आयरन आयरन स्टील इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अपने देश में तुम तो लोग शायद पता हो चाइना और इंडिया जो है बहुत लार्ज स्केल पे आयरन स्टील प्रोड्यूस करती है ठीक है चलो फिलहाल उधर नहीं जाना है वापस आ जाओ तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के अंदर सर एफ ई टू मात्रा कम है लेकिन आप उसके अंदर देखेंगे सी एल टू थ्री सिलिका ये सब होता है ठीक है एल टू थ्री मात्रा अच्छी खासी होती है तो मतलब कुल मिला के सर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग आप कह सकते हैं एक तरह है। है से बाई प्रोडक्ट है ठीक है बाई प्रोडक्ट है कहाँ से आयरन इंडस्ट्री से ठीक है अब जैसे हम हम बोलें कि सर जो आपका बिजली बनती है नेशनल एन टी पी सी का नाम सुना उन्होंने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन क्या करती है बताओ कोयले को लेकर जलाती है कोयले को ले जलाती है उसको एकदम कह सकते हैं गर्म करती है जला के भाप बनाती है पानी को वो भाप टर्बाइन घुमाती है टर्बाइन से बनती है बिजली ठीक है सब जानते हैं बात तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में हमारा वेस्ट मटेरियल क्या है फ्लाई एश बहुत सारा कोयला जो बनता है राख बनती है ठीक है वैसे ही हमारे जब आयरन इंडस्ट्री के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है जो बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं वो क्या है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हो गया फ्लाई एस हो गया इतना सारा वेस्ट बनता है इतना सारा वेस्ट अरे सर हम लोग जिम्मेदार लोग हैं तो उस वेस्ट मटेरियल को हमने क्या किया यहाँ पे इस्तेमाल करना शुरू किया ठीक है उस वेस्ट मटेरियल को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं चलो ठीक है सर अब हम आगे बढ़ते हैं अब हमारा सवाल सुनो ध्यान से ठीक है तो हमारा सवाल यहाँ पर यह है एम ए आर एल मार्ल जो है ठीक है वो किस कैटेगरी में जाएगा कैल्शीरियस आर्ग्लेशियस सिलेशियस ठीक है जल्दी बताओ उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं सीमेंट की मैनुफैक्चरिंग के स्टेप्स बहुत आसान है कुछ भी नहीं है तुरंत समझ जाओगे पूरा का पूरा बता दो भाई <coughs> हाँ सीमेंट रॉक अब देखो यहाँ पे एक बच्चे ने बोला सीमेंट रॉक दोनों जगह है तो कोई दिक्कत नहीं है उसी सीमेंट रॉक अब उसको सीमेंट रॉक है तो उसके अंदर कैलशीरियस भी आ भी है है ना कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिसके अंदर सीमेंट जैसा कह सकते हैं कॉम्पोनेंट होता है फिफ्टी फिफ्टी रहेगा हाँ चलो भाई बिल्कुल सही बता रहे सब लोग बिल्कुल सही तो ये सब याद रखना है ठीक है हमको दो चीजें बहुत जरूरी याद रखनी है ब्लास्ट स्लैग रहा है आर कहाशियस में मार्ल कहा रहा है आर कहास में शेल देखो इनका हिट कौन है इनके हिट लोग कौन है मरीन शेल्स, ठीक है? मरीन शेल्स हो गए कंकड़ वंकड़ ये सब इसी में आएगा मरीन शेल्स हैं लाइम स्टोन ठीक है ये इधर ही आना है पक्की खबर बाकी शेल और क्ले और ब्लास्ट फेरनेस लैग इनको याद कर लेना है इतना इतना जो यहाँ लिखा है याद हो गया और इनका तो नाम सुनते ही तुम बता दोगे इतना कुछ कठिन नहीं है ठीक है चलिए सर एक क्वेश्चन अपना तैयार हो गया अब सर आज मुझे बता दीजिए सीमेंट बनती कैसे है सीमेंट मैंने देखी तो बहुत है मैंने बहुत सारी बोरियाँ देखी हैं सर सीमेंट की लेकिन मुझे आज तक पता ही नहीं चला बनती कैसे है आज मुझे बताइए सर आज मेरा रहस्य जो है पर्दा उठाइए तो देखो भैया ऐसा है बहुत सिंपल प्रोसेस है ऐसे ऐसे, ऐसे जाएंगे और देखो सीमेंट बन गई है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है देखो सबसे पहले ऑब्वियसली हम लोग क्या करना है बहुत सारे रॉ मटेरियल लेके आना है ठीक है अब देखो रॉ मटेरियल में क्या करेंगे सर अपना भाई डंपर वंपर लेंगे ट्रक व्रक लेके जाएंगे बढ़िया से जहाँ पे आपको लाइम स्टोन वाला पत्थर मिल रहा है और क्ले मिल रही है उठा के भर के लेके चले आएंगे ठीक है सर लेकिन हाँ उनको जब लेके आएंगे उनको स्टोर करेंगे तो हम प्रपोर्सन करेक्ट करेंगे ऐसा नहीं है कि भाई लाइम सर आपने बढ़ा दिया सिलिका आपने डाला ही नहीं ऐसा नहीं करेंगे सर दोनों की मात्रा जितनी चाहिए ठीक है जैसा कि अस्पतिन जी बता के गए हैं जोसेफ चाचा जैसा बता गए हैं उस हिसाब से रेशियो लेंगे ठीक है रेशियो कितना लेना है हम तुमको याद कराएंगे कोई दिक्कत नहीं अभी सुनते चलो बस कुल मिला के सर हम लोग जो है रॉ मटेरियल उठा के ले आए ट्रकों में जो है लाद के सर ले आए बढ़िया से ठीक है उनको स्टोर किया स्टोर करने के बाद तो उनका प्रपोर्शन सही किया ठीक है देखो लिखा हुआ है हम उनकी मात्रा को एकदम उचित तरीके से मिलाए जुलाएंगे और फिर हमारा कहेंगे कि रॉ मटेरियल तैयार है ठीक है तो रॉ मटेरियल के प्रपोर्सन को करेक्ट करेंगे उसके बाद पीसना शुरू करेंगे ठीक है पीसेंगे पीसना बहुत जरूरी देखो पीसते क्यों है तुम बताओ हम लोग यार खाने में जब हम लोग खाना बनाते हैं देखते हैं मैं घर में मम्मी खाना बनाती हैं तो उनका सिस्टम ये है कि हर चीज़ पीसी देती है मिक्सी के अंदर बढ़िया टेस्ट आता है ठीक है कह सकते हैं कि जब तुम किसी चीज़ को बहुत फ़ाइन करते हो एकदम पीसते हो तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता है सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिएक्शन बढ़िया होगी एक अब तुम देखो सीमेंट जो तुम्हारा तुमने देखा हो सबने सीमेंट यार सीमेंट सबने देख रखा है ग्रे रंग का अपना अरे वही जो कभी कभी हम लोग लगा लेते हैं मुँह पे हैं वही होता है नहीं यार सीमेंट देखा है फ़ाइन होता है बहुत 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 फ़ाइन ठीक है क्यों ताकि सर रिएक्शंस जो हो पा रही हैं पानी के साथ वो अच्छे से हो पाए ठीक है बाइंडिंग बहुत बढ़िया तरीके से कर पाए तो उसको पीसना जरूरी होता है पीसने से क्या होता है एक बढ़िया सा मटेरियल हम लोग को देखने को मिलता है ठीक है तो हम उसे करेंगे पलवाइज़ पल्वराइज मतलब उसको पीस के पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे ठीक है तो जो भी रॉ मटेरियल आप लाए उनको आपने उचित मात्रा में मिलाया और पीस दिया सिंपल पीसते कहाँ हैं पीसते हम लोग बॉल मिल्स के अंदर तुमको थोड़ा दिखाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कुछ इस तरह की मिल्स होती हैं अब इन मिल्स में क्या होता है ना यार बड़ी बड़ी कह सकते हैं बॉल पड़ी रहती हैं अब क्या होगा जब ये घूमती हैं ठीक है अब बॉल तो भारी रहती है वो किसी पत्थर पे गिरेगी तो पत्थर के दो टुकड़े होंगे फिर गिरेगी तो उसके चार टुकड़े होंगे तो जब ये घूमती रहती घूमती रहती घूमती रहती जो बॉल्स भारी भारी उसके अंदर पड़ी रहती हैं वो बॉल्स जो है सबको कुचल देती हैं और हमारा कह सकते हैं एक यूनिफॉर्म सा पाउडर जो है तैयार हो जाता है ठीक है चलिए सर पाउडर आपने कर लिया तैयार अब क्या करेंगे ये बॉल मिले ठीक है बॉल मिल बोलते हैं या ट्यूब मिल बोलते हैं घूमते घूमते सर काम हो रहा है यहाँ पे

ये जो बॉल मिल तुम बता रहे हो ये कुछ हद तक उसके जैसी लॉस एंजलिस जैसी ठीक है तो हाँ इसको क्या पढ़ रहे थे हम चलो किलन मजाक बहुत हो गया इसको पढ़ते हैं किल ठीक है सर किल मतलब हो गया भट्टा भट्टे के अंदर सर हम लोग तापमान को बढ़ाते हैं ठीक है अब ऐसा क्यों सर आपको तापमान बढ़ाने में सर क्या मजा आ रहा है ठीक है और उससे इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तो इसका इफेक्ट हम लोग चलो आगे समझते हैं देखो जब भी तुम गर्म करोगे जब भी तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे टेम्परेचर को हज़ार पंद्रह सौ तक लेके जाओगे तो दो चार चीज़ें ही होंगी चाहे तुम्हारे साथ हो चाहे तुमको जला दें जहाँ तक किसी भी चीज़ को ले लो देखो दो चार चीज़ें होती हैं या तो सर हमारा ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन होगा या उसके अंदर का पानी है तो वो सारा पानी उड़ जाएगा ठीक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पूरी तरीके से निकल जाएंगे ठीक है तो दो चार चीज़ें हैं जो हमारी होना शुरू होती हैं उसका ऑक्सीडेशन उक, को तो तो बता ही दिया कुछ चीज़ें होंगी जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होंगी वो सिंपल कंपाउंड में टूट जाएंगी कुछ चीज़ें होंगी जुड़ नहीं सकती थी वो जुड़ जाएंगी फ्यूजन हो जाएगा ठीक है तो कई सारी चीज़ें होने लगती हैं जो हम लोग टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं ठीक है फिलहाल हम यहाँ पर इस प्रोसेस को बोलेंगे कैल्सिनेशन ठीक है क्या बोलेंगे कैल्सिनेशन कैल्सिनेशन का मतलब क्या है कैल्सिनेशन का यहाँ पे मतलब क्या है अच्छा तुम पहले जरा भट्टे की इमेज देखो ये भट्टा कैसा सर? है सर हॉरिजॉन्टल है ठीक है भट्टे के एक छोर से इसको यहाँ पे खोल के आग दिखाई गई है बहुत जोर की आग निकल रही है सर यहाँ से ठीक है वैसे तुम सीमेंट इंडस्ट्री के अगर भट्टे देखोगे तो कुछ भट्टे वर्टिकल भी होते हैं और कुछ जो है हॉरिजॉन्टल भी होते हैं ठीक है थीके? अब इसके अंदर वो पाउडर आएगा और ये भट्टा बराबर घूमता रहता है क्या भाई घूमता रहता है घूमता रहता है और गर्म भी होता रहता है तो कह सकते हो ये घूमता हुआ गर्मा गर्म घूमता हुआ गर्मा गर्म सुरंग है घूमती हुई गर्मा गर्म सुरंग है उस पाउडर के लिए जो इसके अंदर आ रहा है अब वो पाउडर जब इसके अंदर आता है वो पाउडर एक छोर से दूसरे छोर तक आता है और फिर बाहर हो जाता है ठीक है तो जब ये घूमती है तो क्या होता है वो जो पाउडर है वो पाउडर थोड़ा जुड़ने लगता है क्या करने लगता है जुड़ने लगता है जैसे तुम लड्डू देखे लड्डू लड्डू जानते हो हाउ हाउ लड्डू इज़ बनिंग क्या बोल रहे हैं सर आप लड्डू बनता कैसे है लड्डू कैसे बनता है उसके अंदर मसाला तैयार होता है लड्डू का जानते ही सब खोया और चीनी नहीं पता नहीं क्या हमको नहीं पता डालते हैं बहुत सारी चीज़ें और फाइनली उसको जो जो जोड़ा जाता है घुमा घुमा कैसे गोल गोल करते हैं ना वैसे ही यहाँ पे उस पाउडर को यहाँ पे जब गर्मी मिलती है बहुत सारी तो जब गर्मी मिलती है तो उसके अंदर चिपकने वाली करैक्टरिस्टिक डेवलप होती हैं और वो घूम भी रहा है तो गर्मा गर्म सर लड्डू निकलने लगते हैं है ना ये सर आप क्या पढ़ा रहे हैं गर्मा गर्म लड्डू निकल के बाहर आते हैं और उन लड्डुओं को पता है क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं क्लिंकर क्या बोलते हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या बोलते हैं उसको <laughs> बताओ कमेंट बॉक्स में क्या बोलते हैं उसको क्लिंकर बोलते हैं गर्मा गर्म तुम यहाँ देख सकते हो उसका रंग अगर तुम देखो इसका रंग भी देखो थोड़ा तो तो सा लाल रंग का दिख रहा एक दम, है एकदम है ना यहाँ थोड़ा बड़ा कर देते हैं ये देखो लाल रंग का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार स्क्रीन भी विजिबल होगा ये एक अभी ये ठंडा नहीं हुआ लेकिन बाकी वाले ठंडे हो गए हैं ठीक है अब धीमे धीमे जब ये ठंडा होगा तो देखो इस तरह का देखो अभी कम मतलब कह सकते हैं ठंडा होना शुरू हो गया और फिर एंड में जाके एकदम तुम्हारे सीमेंट जैसे रंग का हो जाएगा ठीक है तो ये कूलिंग शुरू हुई है ये कूलिंग खत्म हो रही है तो देखो थोड़ा सा बैंगनी रंग के होंगे और फिर अपने ठंडे हो जाएंगे तो ये हमारा इस भट्टे से निकलता है बाहर मतलब अंदर सर ऐसा हुआ कि जो चीज़ें थी वो फ्यूज़ हुई आपस में फ्यूज़ होने लगी ठीक है टेम्परेचर कहाँ तक पहुंचाते हैं सवाल ये है कोई बताएगा मैं किसी को पता है टेम्परेचर कहाँ तक एग्जाम में सवाल पूछता है अब तुमसे गेट में ये पूछ लेंगे कि बताओ यहाँ पे टेम्परेचर कहाँ तक पहुंचा ठीक है तो तुम बता दोगे आराम से ठीक है चलिए सर समझ गए क्लिनकर बना लड्डू बना अब इस लड्डू को क्या करेंगे सर हम लोग इस लड्डू को लेके आएंगे बाहर जब ठंडा हो जाएगा ठीक है करीब आधे से पौन घंटे में अगर ये लड्डू ठंडा होता तो अच्छी बात है बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है ठीक है पता लग एकदम पाँच मिनट ठंडा हो तुरंत तो बाहर निकलना नहीं कम से कम इसको आधे से घंटे आधा पौन घंटा देना है जिससे सर ये आराम से अपनी कूलिंग करे उसके बाद हमारे पास ये लड्डू बने हैं अब ये सीमेंट है यही सीमेंट है बेटा इसको ध्यान से देखो और देखो इसको और देखो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो गौर से देखो यार इसको सर यही क्या है यही है सीमेंट अब इसी को हम क्या करेंगे जो लड्डू बना लड्डू 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 चलो ज़्यादा हो गया है क्लिंकर अब बोलेंगे ठीक है समझाने के लिए बस बता रहे थे इसको पीस देंगे और इसमें जिप्सम मिलाएंगे जिप्सम मिलाएंगे या और भी चीज़ें जो हम मिलाना चाहते हैं कुछ भी मिनरल एडिटिव्स आजकल तुमको तुमने बताया है भाई जमाना तो सर आजकल नया चल रहा है आजकल जो जरूरत है उस हिसाब से चीज़ें मिला जाती है ना आजकल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चलते हैं प्रयोग चलते हैं क्लिंकर बन के आया नहीं उसमें पचास तरह की छिड़खानी कर देंगे कभी ये मिला दो वो मिला दो ऐसा कर दो वैसा कर दो क्या क्या मिलाते हैं थोड़ा बाद हम लोग आगे करेंगे जब नाना प्रकार के सीमेंट हम लोग पढ़ेंगे आगे ठीक है अलग अलग टाइप के बहुत सारे सीमेंट हम लोग को देखने हैं आज ही ठीक है आज नहीं कल देखेंगे शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे तो कहानियाँ बता रहे थे कहानी क्या बता रहे थे हाँ क्लिंकर आया लड्डू आया सर गर्मा गर्म ठंडा हुआ आधा पौन घंटे में उसको हमने पीसा और उसमें अलग अलग टाइप के मिनरल एडिटिव ज़रूरत के हिसाब से मिला देंगे ठीक है अगर मान लो कोई अलग टाइप की तुमको सीमेंट चाहिए तो कुछ अलग चीज़ मिला देंगे कुछ और चाहिए तो कुछ अलग मिला देंगे ठीक है तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर यहाँ से कुछ भी हो सकता है मतलब यहाँ से हम इसके अंदर अपना अलग अलग एडिटर्स मिला के अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज़ हम सीमेंट के अंदर कह सकते हैं ऑप्टेन कर सकते हैं वहाँ से ठीक है तो अलग अलग रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम अलग अलग एडिटर्स मिलाते हैं फिलहाल जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो मिलाना ही मिलाना है उसको अवॉइड नहीं कर सकते जिप्सम्स हम जानते ही हो गए सी एस ओ फोर कैल्शियम सल्फेट और उसके असर जब पीस दिया आपने जिप्सम इसमें मिला दिया जो मिलाना था बस सीमेंट आपका तैयार है बस आप बोरी में उसको पैक करिए और फिर अपना मार्केट मतलब क्या गोडाउन में स्टोर करिए बस और फिर बिक जाएगा कि नहीं बोरी बनती बढ़िया है बोरी बनती बढ़िया क्या लिखा रहता है इस पर इस पर लिखा रहता है कि चंपा सीमेंट चंपा सीमेंट लियो कि नहीं लियो तुम लोग हैं यही सीमेंट याद आ रही है हमको चंपा सीमेंट और पता नहीं कौन कौन सीमेंट आती है बहुत सारे अलग अलग नाम रहते हैं सीमेंट की बोरी शायद इस समय लगभग लगभग चार सौ रुपये के आसपास चल रही है ठीक है हमें जहाँ तक लगता है इतनी है क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब कुछ एक बार कंस्ट्रक्शन करवाया था तो उस समय साढ़े तीन सौ रुपये की थी लगभग चलो फिलहाल समझ गए सर मोटी मोटी सारी बात यहाँ पे समझ में आ गई है कि क्या होता है फिलहाल तुम एक चीज़ समझो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्सिनेशन का इस कैल्सिनेशन सर हुआ क्या ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से हमारे पास एक ऐसी चीज़ निकल के आई जिसके अंदर ज़बरदस्त बाइंडिंग प्रॉपर्टी है यहाँ तक तो समझ में आ गया कि नहीं सबको चलो बहुत बढ़िया टेम्परेचर सभी को याद करना है ठीक है चलो बहुत बढ़िया ठीक है अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ यहाँ पे कैल्सिनेशन की थोड़ी बात करेंगे कैल्सिनेशन तो मतलब क्या है कि हम किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं लेकिन पिघला नहीं रहे हैं हमने किसी चीज़ को गर्म किया लेकिन वो सॉलिड से लिक्विड में नहीं हुई सर ना 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 हमने उसको सर इतना ही गर्म किया कि वो लिक्विड में नहीं हुई उससे बस अब देखो होता है क्या ना जब जैसे मान लो कोई चीज़ बहुत एकदम पिघले स्टेज में आती है तो वो जुड़ सकती है आपस में जुड़ना शुरू हो जाता है फ्यूजन शुरू हो जाता है ठीक है पूरी तरह से नहीं लेकिन यहाँ पे हल्का हल्का आप कह सकते हैं कि सरफे से लोग इंट्रैक्शन करना शुरू कर देते हैं जब हम किसी सब्सटेंस को बहुत हीट करते हैं हाई टेमप्रेचर में बिलो मेल्टिंग पॉइंट के मतलब हम उसको पिघला नहीं रहे हैं ठीक है तो इससे क्या होगा हमारा जो सब्सटेंस है वो फ्यूज़ करेगा जुड़ के लड्डू जैसा वो बनने लगेगा ठीक है अब तुम सोचो गोल गोल घूम रही है गोल गोल घूमे जा रही तो वहाँ पर जुड़ जुड़ के वो लड्डू जैसा बनने लगेगा सिस्टम ठीक है और इन दिस प्रोसेस हमारा सी ओ टू इवॉल्व होता है थोड़ा सा हम तुमको और बताते हैं जैसे सर आपने बताया हमको कि जो हम लोग लाइम स्टोन लेके आए ना जोसेफ चाचा से पूछा तो बताए भैया लाइम इस्तेमाल करो लाइम में क्या होता है लाइम जान लो क्या होता है सी ए सी ओ थ्री बहुत जरूरी बात है इसको गर्मा दोगे ना अगर इसको अगर हीट दे दोगे टेम्परेचर यहाँ लिखाओ अच्छा ये टेम्परेचर पहले याद कर लो यार देखो पता है इतनी कहानी सुना रहे, कुछ आएगा नहीं आएगा ये टेम्परेचर सभी लोग कमेंट बॉक्स में अगर लिख देंगे कि भट्टे के अंदर जो सीमेंट का भट्टा है उसमें टेम्परेचर कितना रखा जाता है एक बार ज़रा सभी लोग कमेंट कर दें एक क्वेश्चन है ये अपने आप में बता रहे हैं बहुत ज़रूरी बात है बेटा यहाँ लिख दो फटाफट सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बता दें कितना टेम्परेचर हम लोग सीमेंट के भट्टे में रखते हैं ये अपने आप में एक सवाल है ठीक है सीमेंट में ईंट में हर जगह मतलब भट्टे गट्ठे बेचन लोग को याद करना है वहाँ का अलग बताएंगे अभी फिलहाल इसका याद करो ये एक क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर वन ठीक है हाँ सर तो कहानी आप ही बता रहे थे चूना पत्थर चूना पत्थर मतलब क्या लाइम है ना लाइम को अगर आप गर्म कर देंगे तो इसमें से सी निकलती है तो ये लाइम आपका सी बनाएगा और सी के साथ आपकी सी ओ टू निकल जाएगी गैस है ना तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इन दिस प्रोसेस सी ओ टू गैस निकलती है और ये जो हमारा बनता है लाइम इसी को हम लोग सी ओ बोलते हैं लाइम बोलते हैं लेकिन सर पता ये जो आदमी है ना ये सर बोल देते हैं चलो बहुत प्यासा है प्यासा इसलिए सर इसको एकदम गर्मा गर्म करके आप बाहर निकालें इसका दिमाग ख़राब हो गया एकदम इतना प्यासा है सर इतना प्यासा है पानी देख के बौरा जाता है एकदम ठीक है चलो आगे बात करेंगे इस बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे ठीक है मतलब कुल मिला देखो भट्टे के बाद क्या होता है ना भट्टे से निकलने के बाद आदमी का कर... भाई जिस चीज़ की कमी कर दी तुमने एकदम गर्मा गर्म कर दी वो सब तो जिस चीज़ की कमी कर दोगे तो यार आदमी दिमाग वही चलेगी है कि नहीं अब तुमको तुम्हारे जीवन में जैसे किस चीज़ की कमी है बताओ तुम्हारे जीवन में किस चीज़ की कमी है सर हमारे जीवन में हमको जो लग रहा है हमें लगता है कि शायद पैसे की कुछ कमी हो या सरकारी नौकरी कमी हो तो दिन भर दिमाग वही चल रहा है कि नहीं अभी वीडियो पर क्यों चिपके हुए हो हमको इतना शिद्दत से क्यों देख रहे हो हमसे प्यार थोड़ी है पेपर निकालना है सर सरकारी नौकरी चाहिए तो जिस चीज़ की कमी है दिमाग वही सब चलता है सेम उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है ना ये पूरी प्रोसेस बनी हुई है ठीक है इसको तुम नोट्स में ही देख लेना थोड़ा सा एक लाइन में समझा देते हैं ये देखो क्वेरी के अंदर गए यहाँ शुरू करते हैं थोड़ा दिख रहा होगा ठीक है सामान वामान सामान कह रहे हैं वही लाइम स्टोन और क्ले उठा के लेके आए यहाँ पे देखो गोडाउन में स्टोर किया ठीक है फिर यहाँ पे गोडाउन से निकालने के मटेरियल को करेक्ट किया मतलब प्रपोर्शन उसका सही किया देख सकते हो तुम लोग ठीक है फिर इसको बिन्स में रख के यहाँ लेके आए कहाँ पे रॉ मिल के अंदर फिर रॉ मिल से हमने डाला इसको भट्टे में ये देख सकते हो भट्टा है ठीक है भट्टे में कोयला वयला देख के कोयला वयला देख के यहाँ पर गर्मी पैदा की जाती है फिर जब भट्टे से आगे बढ़ाइए ठीक है भट्टे से सर ये आगे बढ़ा यहाँ पर आया फिर क्लिंकर बने क्लिंकर को यहाँ पे ठंडा देखो भट्टे से निकलने के बाद यहाँ पे क्लिंकर को ठंडा किया जा रहा है यहाँ से कूलिंग की जा रही है ठीक है कूलिंग की जा रही फिर क्लिंकर को यहाँ पे स्टोर किया गया क्लिंकर को पीस के यहाँ पे स्टोर किया गया फिर आगे बढ़े ठीक है क्लिंकर को यहाँ पीस के क्लिंकर को यहाँ पीसा गया पीसने के बाद इसको जाके सीमेंट के साइलो होते हैं बड़े उसके अंदर सीमेंट को स्टोर कर दिया गया जिप्सम में गया और उसके बाद यहाँ पे पैकिंग करके बोरियों में भर के भेज दिया गया ठीक है तो ये पूरा प्रोसेस है जो तुमको पता चली गया है एकदम आसानी से अब होते हैं दो प्रोसेस ठीक है कितने प्रोसेस सर हमारे पास एक है नया जमाना एक है पुराना जमाना अच्छा बताओ अस्पदिन जी ने आ, अभी हम एक सवाल पूछते हैं जोसेफ चाचा ने जो हमारा सीमेंट बनाया है उसमें पानी मिलाया था कि नहीं मिलाया था उन्होंने देखो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं दो प्रोसेस एक है ड्राई प्रोसेस यहाँ लिखा है और एक है ड्राई ड्राई होकर दिया एक है वेट प्रोसेस ठीक है क्या किया इसने यार ये पीपीटी इन लोगों को दे देते हैं ना तो ये लोग ठीक है अच्छा दो पेज में कर दिया है ठीक है तो पहले हम लोग ड्राई प्रोसेस समझेंगे फिर हम लोग वेट प्रोसेस समझेंगे हमको बस इतना बताओ कि आदिकाल जमाने में ठीक है बहुत पुरानी बात है जब जोसेफ चाचा थे तो उन्होंने पानी मिलाया था कि नहीं उनका प्रोसेस ड्राई था कि वेट था ये बताओ मैं चलो उनका प्रोसेस ड्राई था कि वेट था हाँ सभी लोग कह रहे मिलाया था है ना तो जब मिलाया था बिल्कुल मिलाया था है ना अभी तुम लोगों को याद ही आ रहा है तो वो वेट प्रोसेस था वो कौन सा प्रोसेस था वेट प्रोसेस था बिल्कुल सही जवाब पहले एक काम करते हैं पहले वही बताते हैं ठीक है पहले वही बताते हैं फिर नए जमाने पर आएंगे तो वेट प्रोसेस पहले समझते हैं इसमें कुछ नहीं करना है बहुत सिंपल है कुछ भी तुम तो अपने आप पढ़ के ही समझ जाओगे पूरा इनको लो उनको लो भाई यारगे सर आपने बताया शेल के लिए लेके आ सकते हैं यहां पे हमने बताया लाइम स्टोन लेके आ सकते हैं लेके आए उनको पीसा चलिए सर पीस दिया ये साइलो जानते हो क्या होता है साइलो बड़े बड़े टैंक होते हैं बस साइलो जो है बड़े बड़े टैंक होते हैं पानी का नाम सुनते ही जो है पानी की प्यास लग गई हाँ <coughs> तो क्या हुआ इन्होंने कैल्शियस में वो लाइमस्टोन उठाया और यहाँ पे तुम्हारा क्ले वगैरह आ गया अब इसको पीस पास देखो पीसा ना, पीसना बहुत जरूरी है हर चीज देखो पीसने का काम यह है घर में सब्जी बने पीस डालो है कि नहीं सीमेंट बने पीस डालो जब पीसेंगे रिएक्शन बढ़िया होती है सर्फेस एरिया बढ़ता है होमोजेनिटी बढ़ती है एक तरह से कह सकते हैं ठीक है थीके? इसको सर क्रश करा इसको वॉश में लेके आए और यहाँ पे इकट्ठा करा इकट्ठा करा अब इनको जब हम लोग यहाँ पर दोनों को मिक्स करेंगे भाई इनका मान लो थर्टी परसेंट इनका मान लो सेवेंटी परसेंट मिक्स करेंगे तो यहाँ पे पानी मिला देंगे ठीक है वेट ग्राइंडिंग वेट ग्राइंडिंग मतलब पानी डाल के पीसो जैसे सब्जी बनती है सब्जी में क्या होता है पानी डाल के पीसो है ना अब कीचड़ बन जाए यार तुम जब क्ले लेके आए हो क्ले तो मिट्टी है ये तुम्हारा लाइम है कीचड़ नहीं बन जाए कीचड़ मतलब इंग्लिश में अगर कीचड़ को क्या बोलते हैं स्लदी बोल रहे हैं लोग ठीक है तुमको यहाँ पे कीचड़ सा सब्सटेंस दिखाई देगा लेकिन कीचड़ बढ़िया है दाग अच्छे हैं सर दाग नहीं लग रहा है यहाँ पे फिलहाल कीचड़ है तो वो कीचड़ अच्छी पता है क्यों है क्योंकि सर सब कुछ पानी जैसा मिक्स हो गया और होमोजुनिटी बढ़ गई है ठीक है होमोजुनिटी बढ़ जाती है जिससे हमारा जो स्लरी है उसके अंदर सही कंपोजिशन निकालना थोड़ा सा आसान और बढ़िया हो जाता है ठीक है तो ये चीज़ है पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है फिर हम जो हमने कंपोजिशन को सही करके जो कीचड़ अभी तैयार किया है उसको हम लोग स्टोर करेंगे ठीक है उसको स्टोर कर लेंगे कुल मिला के पीस के पानी मिला कीचड़ बना दे रहे हैं सर आप हैं अब उसको भट्टे में लेके जाएंगे ठीक है जो हमारी करेक्टेड स्लरी थी कीचड़ थी उसको हम फीड कर रहे हैं अपने भट्टे के अंदर भट्टा घूमता हुआ होना बहुत ज़रूरी है ठीक है अपर एंड से अब एक चीज़ और है क्योंकि सर ये मिट्टी जो आपने कीचड़ तैयार करी गीली है तो हमको टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा ठीक है थोड़ा ज़्यादा साइड में और फिर ऑब्वियसली जब ये घूमता रहेगा तो वही जो आपकी कीचड़ थी उसका पानी वेपोरेट अब भाई चौदह सौ पंद्रह सौ समझते हो टेम्परेचर कितना ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है भाई चौदह सौ पंद्रह सौ में तुम तो राख ही बन जाओगे एक बाल का डॉट भी नहीं बचेगा तुम्हारा समझ रहे हो हड्डियाँ हड्डियाँ बच जाएँगी लेकिन शायद ठीक है नहीं हड्डियाँ तो सर जो है सौ डिग्री बचती हैं नहीं हड्डियाँ बच जाएंगी हड्डियाँ तुम्हारी बच जाएंगी सौ डिग्री कहाँ चाहे थोड़ी बना रहे हैं हाँ तो बता क्या रहे थे कि स्लरी जो है तुम्हारी कन्वर्ट होगी क्लिंकर में फिर उन क्लिंकर जो वही गर्मा गर्म लड्डू निकलेंगे सर उनको पीसेंगे उसमें दो तीन परसेंट जिप्सम मिला देंगे फिर उसको हम लोग सीमेंट बोलेंगे उसको साइल बंकर बड़े बड़े बंकरों में आ, सीमेंट को स्टोर करके पैकिंग प्लांट में भेज देंगे एक चीज हम लोग को बस याद रखनी है यहाँ पे कि टेम्परेचर जो है हम लोग थोड़ा हायर साइड रखेंगे क्यों क्योंकि पानी है पानी को एडिशनल ये तुम्हारा जोसेफ अस्पिन वाला तरीका है अस्पिन जी ने भी पानी जोसेफ चाचा ने भी पानी मिलाया था तो ये हम लोग को याद रखना है चौदह से पंद्रह मतलब हायर साइड तेरह से पंद्रह बताया तो चौदह से पंद्रह सौ सौ चलेगा ठीक है अब ड्राई में आ जाओ जरा ये तो चलिए सर आपने वेट प्रोसेस समझा दिया ड्राई की अगर बात करें तो देखो ड्राई में सेम चीज़ यहाँ भी पीसा वहाँ भी पीसा देख रहे हो ना हम सर लाइम स्टोन उठा के लाए बड़े बड़े पत्थर वहाँ पे क्ले उठा के लाए मिट्टी ठीक है पीसा उनको हमने अच्छे से ग्राइंडिंग की वही बॉल और ट्यूब मिल्स और बनाया था उसको स्टोरेज किया और पानी नहीं मिलाया सर यहाँ पे इनको भी हमने मिक्स किया करेक्ट रोस लेकिन पानी नहीं आया कहीं यही फ़र्क है समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो तो बताओ हमको टेम्परेचर कम किस में रखना पड़ेगा वेट में कि ड्राई में क्यों भाई बताओ टेम्परेचर कम किस में रहेगा सर पीडीएफ को वाइट बैकग्राउंड में दे दीजिए ब्लैक वाला प्रिंट नहीं होता है शायद हमें लगता है कि तुम ऑनलाइन अगर डालोगे पीपीटी को बैकग्राउंड वाइट कन्वर्ट करें तो हो जाएगा शायद लेकिन यार अब यहाँ पे सब सब ब्लैक ही ब्लैक पे चल रहा है यार क्या बताया जाए चलो कर देंगे वाइट एक बार है ना अगली मीटिंग में इसको डिस्कस कर लिया जाएगा प्रिंट की से तो दिक्कत कई बच्चों ने बोला वैसे यार ये है ना ब्लैक में लेकिन फील बढ़िया आती है हाँ तो बता क्या रहे थे कि टेम्परेचर कम किस में रखेंगे कि ड्राई में सब लोग सही सोच रहे हैं बिल्कुल सही तो करेक्ट रोशन असर में उसको मिक्स किया फिर हम उसको थोड़ा प्री हीटिंग करते हैं थोड़ा उसको पहले हीट करते हैं ये एक फ़र्क है ठीक है एग्जॉस्ट गैसेस जो रहती हैं उससे हम लोग उसको प्री हीट करते हैं 800 डिग्री सेल्सियस तक जो आपने मसाला तैयार किया है ठीक है पानी नहीं मिलाया सर कीचड़ नहीं बनाया है यहाँ पे उसके बाद सर आपका जो रॉ मिक्स है जिसको आपने प्री हीट किया उसको रखेंगे फिर भट्टे के अंदर डालेंगे ठीक है और भट्टे में सर हम लोग ऑब्वियसली जो हीट देते हैं वो कोयले वोले से देंगे फिर लड्डू बनेंगे फिर लड्डू को सर खा ले अरे क्या बता रहे हैं सर को भूख लग रही है लड्डू बनेंगे लड्डू खाएँगे नहीं लड्डू में सर जिप्सम मिलाएंगे और पीसेंगे ठीक है लड्डू को देखो क्या करना है लड्डू जो बन के निकले हैं ठंडे होने के बाद तो उसको पीसा जाएगा भाई क्या किया जाएगा सर पीसा जाएगा ठीक है लड्डू को सर आप बढ़िया पीसीए ग्राउंड का मतलब क्या है पे ग्राउंड का मतलब ग्राइंडिंग ग्राउंड ये ग्राउंड वो खेलने वाला मैदान नहीं है कि चौका छक्का मार रहे हैं ग्राउंड मतलब क्या है ग्राइंडिंग जैसे ना ग्राइंड ग्राउंड ग्राउंड वैसे वाला ठीक है तो ग्राइंडिंग है ये और फिर उसका सीमेंट सालों भर के पैकिंग करके बेच देंगे ठीक है समझ गया कुल मिला सर हो गया दो प्रोसेस ड्राई और वेट लेकिन हाँ ड्राई प्रोसेसर तुम लोग सही बताया अभी कि टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा कम रहेगा तेरह सौ से चौदह सौ तेरह सौ से चौदह सौ ठीक तो ये हो गया अच्छा एक चीज़ हमको समझो अब अगर तुम तो हम पूछें कि एक्चुअल में हीटिंग क्यों की बता दो कोई मान जाए हम एक्चुअल में हीटिंग की क्यों है ये बताओ जल्दी बता दो हमें नहीं ड्राई में आठ नहीं रखेंगे सुन तो चलो पहले ड्राई में आठ नहीं रखेंगे आठ तो बस प्री हीटिंग की है जैसे होता क्या कि तुमको तो तेरह सौ तक पहुँचाना है तो धीमे धीमे पहुँचाएंगे एकदम से तेरह तो पहुँचा देंगे पागल हो जाओगे तुम है कि नहीं अब जैसे हमको मान लो बहुत बड़ा और सब्जेक्ट पढ़ाना है तो उनको पहले थोड़ा बताएंगे थोड़ा बताएंगे माहौल बनाएंगे है ना हमको दो दो घंटे ढाढ़े घंटे क्लास लें तो पहले आधे घंटे के लेंगे फिर एक घंटे इस एक बात है प्री हीटिंग हुई है यहाँ पे प्री हीटिंग प्री हीटिंग मतलब पहले माहौल बनाया जा रहा है पहले बता दे जा रहा है उसको आगे जाओगे तो मौत है पहले थोड़ा हल्का हल्का मजा लो धीमे धीमे हाँ तो बता क्या रहते हैं हाँ कि हीटिंग क्यों क्योंकि बताएगा अच्छा अच्छे से मिक्स हो सके बहुत बढ़िया और क्या अच्छे से क्या मतलब होता है प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ कॉन्सिट्रेंट गलत हो गया और बताओ एक लड़के ने लिखा है फ्यूजन एक लड़के ने लिखा है फ्यूजन चलो ये आंसर बहुत अच्छा लगा मैं संदीप ने लिखा है कुणाल ने लिखा है अक्षय ने फ्यूजन एकदम सही आंसर है जिस जो जो कमेंट बॉक्स में फ्यूजन बोल रहा है ना वो एकदम परफेक्ट आंसर है ठीक है फ्यूजन ही सब कुछ है फ्यूजन के बिना सीमेंट सीमेंट नहीं बनेगा

भट्टे के अंदर पता नहीं क्या गोल गोल घुमा दिया गर्मी दे दी और पता नहीं क्या क्या हुआ सर तो होगा क्या फ्यूज़ जुड़ जाते हैं इनके दो दो तीन तीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं ठीक है तो आप जुड़ जाते हैं इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे देखो कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका देखो तीन कैल्शियम ऑक्साइड और एक एसआई टू आपस में फ्यूज़ हो गए हैं चपक गए हैं ऐसा मान लो जुड़ गए हैं फ्यूज़ हो गए हैं फ्यूजन हुआ है इनके अंदर ठीक है तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हो गए चार तीन सी के एक एस टू का ठीक है और बिना इन कंपाउंड्स के तो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी आती ही नहीं है ना फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है तो तुमको ये समझ में आना चाहिए कि रॉ मटेरियल जो रॉ मटेरियल हमने लिए थे अभी रॉ मटेरियल तुमको दिखा देते हैं सारे कौन कौन से हैं को हम लोग जब भट्टे में डालते हैं तो सर फ्यूजन होता है मेरे ठीक है तो दो तीन बच्चे फ्यूजन बताने हैं बिल्कुल सही है यही आप तुमको बताना है तो रिजल्टेंट कुछ कंपाउंड बनते हैं और वही कंपाउंड जो बनते हैं ये चार हैं यहाँ पे चार मेन कंपाउंड बनते हैं लड्डू जो होता है लड्डू लड्डू तो लड्डू उसके अंदर चार मेन कंपाउंड है थोड़े बहुत दो तीन और होते हैं उसके बारे में बात कर लेंगे तो इनको बोलते हैं क्लिंकर के अंदर क्या है क्लिंकर के अंदर ये चार महाशय बैठे हुए हैं महाशय बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं इनके बारे में समझना पड़ेगा तो रॉ मटेरियल के अंदर फ्यूजन होता है समझ गए लेकिन सर फ्यूजन से पहले की अगर बात करें फ्यूजन से पहले भट्टे से पहले की बात जब आप वहाँ पे ट्रक लेके गए थे ठीक है ट्रक वगैरह पूरा लाद के लाए थे बहुत सारा सामान वामान तब क्या लेके आए थे वो बताइए ये बहुत ज़रूरी है यहाँ से बनेंगे कुछ प्रश्न बना देते हैं स्टार सभी लोग जग जाएं और क्वेश्चन का जरा आंसर दें ठीक है पहला होता है लाइन क्या है भाई लाइम ठीक है तुम लोग ने पढ़ रखा होगा एक ट्रिक रहती है इसके अंदर सलीम करके होता है ना अरे भाई अनारकली वाले सलीम है ना इसमें एस का मतलब क्या है सिलिका ए का मतलब एल्यूमिनियम एल का मतलब लाइम आयरन ऑक्साइड मैगनीशिया भाई पांच लोग तुमको बताएं दुनिया में कुछ भी उठाओगे कहीं से कुछ भी उठाओगे तो उसके अंदर यही चार पांच चीज़ें होंगी है ना बात हो चुकी है तो सलीम में ये ऑर्डर तो एक्जैक्टली वैसे ब्रिक का है ब्रिक की अगर हम ईट ईट देखे हो नहीं घर में सब लोग लाल रंग वाली तो उसमें क्या होता है सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है फिर एलुमिना होता है फिर लाइम इसी ऑर्डर में होता है उसके अंदर लेकिन यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे लाइम की मात्रा सबसे ज़्यादा है याद रखना बहुत ज़रूरी बात बोल रहे हैं सुने कि नहीं सुने सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है यहाँ पे लाइम की सर तो इस एल को पीछे कर दो लसाइम कर दो लसाइम ठीक है इसको याद रख लेंगे ऐसे तो सलीम में एल उठा के पीछे कर दो बाकी सब वही है तो लाइम सबसे ज़्यादा है सर है ना लाइम इज़ बहुत बहुत ज़्यादा करता क्या है सर है ना इसका परसेंटेज देखो सीमेंट के अंदर तिरसठ परसेंट कितना तिरसठ परसेंट जो है ये है ठीक है साइंटिस्ट कैसे बने बहुत बढ़िया सवाल आया है पेपर दो और क्या करोगे साइंटिस्ट के पेपर दो जो आते हैं ना जैसे इसरो वाला है ना इसरो हम हम भी हम कह सकते हैं साइंटिस्ट है क्यों, है क्योंकि उसमें सिलेक्शन हो गया था ना इसरो एक बार इसरो निकालना ऐसे हमारे सबसे काफ़ी आसान है पेपर बहुत रिपीटिव टाइप का था है ना सीटें लेकिन बहुत कम रहती हैं कॉम्पटिशन बहुत लगभग बाईस तेईस हज़ार लोग फॉर्म भरते हैं और सीटें सिविल में आती हैं मुश्किल से दस बहुत किस्मत अच्छी तो बीस आ जाएंगी है ना सीट सिविल में कम आती हैं चलो उसके बारे में कभी अलग सच्चाई बताएंगे तुमको अभी इधर आ जाओ पहले बता क्या रहे थे आप भूल गए सर साइंटिस्ट चक्कर में हाँ लाइम करता क्या है लाइम जानते हो क्या है लाइम थोड़ा सा थो 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 आराम आराम है थोड़ा धीमे धीमे वाला सिस्टम है सर इसका ठीक है और देखो ये ऐसा है ना तुमने सुना होगा जल्दबाजी काम सुनो कि नहीं कहावत सुनी है जल्दबाजी का काम किसका होता है जल्दबाजी काम किसका होता है बताओ हो जरा हमने सुना है सर जल्दबाजी काम शैतान का होता है और जो आराम से एकदम अरे ठीक है भाई कर लें तो तुम करो पहले फिर हम आराम से धीमे धीमे करते हैं तो वो है लाइन तो ये जो है बढ़िया स्ट्रेंथ देखो जो चीज़ आराम देखो हम तुमको याद करा रहे हैं कैसे होगा याद ठीक है लाइन सोचते तुम्हारी आना चाहिए हौले हौले क्या याद आना चाहिए सर हौले हौले हले होले कैसे सर देखिए यहाँ पे ये स्ट्रेंथ कंट्रोल करेगा ठीक है हॉले हॉले सर सपना चल रहा है स्ट्रेंथ कंट्रोल करेगा क्रैक व्रैक कम करेगा ठीक है क्रैक व्रैक जो है यहाँ पे कम करेगा अगर सर आप लाइन की मात्रा को घटाएंगे अगर आप लाइन की मात्रा को कम करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ भी घटेगी क्योंकि सर ये तो हौले हौले वाला आदमी है जो एकदम धैर्य वाले लोग होते हैं उनको आप कम करेंगे तो जाहिर सी बात स्ट्रेंथ कम होगी है ना और जब आप इनको कम करेंगे तो सेटिंग टाइम भी डिक्रीज़ होगा भाई जो लोग धीमे लोग हैं जो धीमे लोग हैं उनको आप कम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सर चीज़ें जल्दी होने लगेंगी जल्दी का मतलब सेटिंग टाइम कम हो जाएगा तो इनके आ, कम होने से स्ट्रेंथ और सेटिंग टाइम कम होती है देखो लॉजिक से तुमको बता दिया तो तुम्हारे दिमाग में इतना आना चाहिए कि लाइम मतलब होले हॉले लाइम की मात्रा अगर घटेगी तो आपकी स्ट्रेंथ में भी कॉम्प्रोमाइज होगा और सेटिंग टाइम भी कम होगी और सेटिंग टाइम अगर कम हुआ सेटिंग टाइम कम होने का मतलब ये हुआ कि सर जल्दबाजी जल्दबाजी होगी तो तुम्हारे सीमेंट के अंदर तुमको क्रैक दरारें श्रिंकेज ये सब प्रॉब्लम देखने मिलेंगी लाइम बहुत जरूरी है सर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा सुनो अगर बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम है ठीक है अगर बढ़ जाएगा तो ये अनसाउंडनेस क्रिएट करता है यहाँ पे लिखा क्यों नहीं है अच्छा साउंडनेस लिखा तो वही हम कहें साउंडनेस अगर ये बढ़ा ये भी समझो अगर लाइन की मात्रा से बढ़ा देंगे ना तो भी दिक्कत है अनसाउंडनेस हो जाएगी अनसाउंडनेस का पहले मतलब समझो ये साउंड और अनसाउंड का मतलब क्या है क्या लाइन आवाजें निकालता है साउंड का मतलब क्या है यहाँ पे साउंड का क्या मतलब है साउंडनेस अनसाउंडनेस मतलब आवाजें नहीं अनसाउंड का मतलब वॉल्यूम चेंजेस होते हैं देखो लाइम पता है लाइम के साथ थोड़ी दिक्कतें हैं यार है ना हौले हौले चलता तो है सर लेकिन ससुरा पता नहीं क्या इसके साथ सिस्टम है पानी लेके पानी लेके बना देता है ये ये जो तो लाइम होता है पानी के साथ बनाता है सी ओ एच होल्ड मतलब इसकी स्लेकिंग होती है स्लेकिंग ऑफ लाइम अभी तुमको हम लाइम वाले चैप्टर के अंदर बता देंगे स्लेकिंग होती है कैल्सियम इसका कह सकते हैं हाइड्रेशन होता है और यहाँ पे इसकी वॉल्यूम बढ़ने लगती है ठीक है कुल मिला के अगर हमारे पास फ्री लाइम है फ्री लाइन अगर पानी के कॉन्टैक्ट में आएगा तो वॉल्यूम बढ़ाएगा और वो वॉल्यूम अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो दिक्कत होगी ठीक है वो वॉल्यूम अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो दिक्कत होगी सर जो हम लोग नहीं जाते हैं तो लाइन के बढ़ने से यहाँ पे अनसाउंडनेस बढ़ती है मतलब वॉल्यूम चेंजेस ज़्यादा होते हैं किसी भी चीज़ में अगर वॉल्यूम चेंजेस ज़्यादा होंगे सर ठीक है किसी भी चीज़ में अगर वॉल्यूम चेंजेस ज़्यादा होंगे अरे यार हम सीमेंट हमने लगाया हमने सीमेंट लगाया मान लो कह सकते हैं एक मीटर क्यूब वहाँ पानी आ गए किसी तरह से वो फैल के सर हो गया दो मीटर क्यूब डबल हो गया तो वहाँ क्रैक तो दिखेंगे ही दिखेंगे हैगी नहीं बात समझो अनसाउंडनेस मतलब वॉल्यूम चेंज जिसकी वॉल्यूम चेंज ज़्यादा हो रही है वो है अनसाउंड क्या है वो अनसाउंड और जो साउंड है उसका मतलब उसकी वॉल्यूम चेंज ज़्यादा नहीं हो रही वो पानी को देख के ज़्यादा पागल अगल नहीं हो रहा है ठीक है अच्छा ये सर एक चीज़ और सर ये इतना साउंड और अनसाउंड क्यों है तुमको बताया था ना भट्टे से बाहर आया है क्या बताया था भट्टे से बाहर आया है तो पागल आदमी हो गया इसका दिमाग खराब पानी देखते एकदम बौराना शुरू पानी देखते एकदम तो पागल अब पानी देख तो इतना पागल हो जा रहा है सर कि देख इतना पानी सोख ले रहा है कि अपनी वॉल्यूम डबल कर ले रहा है समझ रहे हो तो ये दिक्कत की बात है ये है बहुत दिक्कत की बात ठीक समझ गए सर फिलहाल तुमसे अगर कोई पूछे वॉट इज द मीनिंग ऑफ साउंडनेस साउंडनेस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट वॉल्यूम चेंज हमारे पास कितनी क्षमता है कि अपनी वॉल्यूम चेंज ना होने दें वो मटेरियल साउंड है और ऑब्वियसली बिल्डिंग हम बना रहे हैं तो हम थोड़ी चाहेंगे कि उसके अंदर अनसाउंड मटेरियल लगाएं भई अब टेम्परेचर बढ़ा कभी कम हुआ कभी दिन में गर्मी है रात में ठंड है कभी पानी आ रहा है पानी जम रहा है पिघल रहा है बहुत सारे पता है सारी चीज़ें होती हैं सर है कि नहीं और पता नहीं कौन कौन से मटेरियल उसके अंदर पड़े हुए हैं उनका और दिमाग ख़राब हो गया कभी है ना एलगली होती हैं एलगली रिएक्शन करने लगती हैं ठीक है एग्रीगेट के साथ उसमें हमारा एक्सपेंशन देखने को मिलता है तो अनसाउंड मटेरियल हमें पसंद नहीं सर हमें ऐसे लोग चाहिए जो जितनी वॉल्यूम लगाए थे उतनी चिपचाप बना रहे हैं ठीक है तो लाइम इंपॉर्टेंट है लाइम बढ़ना नहीं चाहिए घटना भी नहीं चाहिए घटेगा तो समस्या स्ट्रेंथ कम होगी बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ाना शुरू कर देगा अब ऐसा तो है नहीं सर स्ट्रेंथ चाहिए तो लाइम ही लाइम डाल दिए लाइम ही लाइन लाएम डाल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है और तुमको हम बताए भी थे कि सीमेंट आने से पहले लाइम ही इस दुनिया में सुपर हिट था ठीक है चलिए सर समझ गए अगला है सिलिका इसको सर बढ़िया टाइम दे दिया हम लोगों ने सिलिका की बात अब करते हैं सेकेंड नंबर पर यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड है वो सिलिका है सिलिका काम भी सर क्या है स्ट्रेंथ देना ठीक है स्ट्रेंथ देना और अगर ये बहुत ज़्यादा होगा तो सेटिंग को स्लो करेगा सिलिका को तुम तो इमेजिन कर सकते हो बालू जैसा बालू इमेजिन कर सकते हैं ना सभी लोग बालू तो देखे हुए हैं ठीक है भालू नहीं बोल रहे बालू सैंड हैं सैंड देखी ना सबने अरे सैंड तो तुमने देखा होगा सैंड के सारे दाने अलग अलग रहते हैं सैंड में सर चिपकने की कैरेक्टरिस्टिक्स कम होती है उसके अंदर बिखरने की करेक्ट्रिस्टिक ज़्यादा अलग अलग होने की कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा वो चिपकन कम है सर उसमें चिपकन इज लेस समझ पा रहे हो नहीं हाँ सर तो सिलिका स्ट्रेंथ तो दे रही है सर सैंड के अंदर ताकत तो है अच्छी खासी लेकिन अगर इसको हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से कोहिजन कम हो रहा है कोहिजिवनेस नहीं आ रही है मतलब वो चिपकन चिपकन जो आ रहा है वो आ रहा है लाइम के से ठीक है और इसका काम है कि चलिए थोड़ी सी वॉल्यूम बस बढ़ जाए स्ट्रेंथ देने में रिस्पॅॉसिबल है ऑब्वियसली लेकिन इससे कोहिजिवनेस नहीं आती बिल्कुल भी अगर तुम इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो सीमेंट की जो कोहेजिव प्रॉपर्टी है बांधने की क्षमता है वो घटेगी ठीक है तो इसको अगर हम सर बढ़ाते हैं तो हमारी फ्यूजन टेंडेंसी कम होगी और स्लो सेटिंग होगी ठीक है स्लो सेटिंग होगी ऑब्वियस ही बात है ऑब्वियस ही बात है स्लो सेटिंग की हो रही तुमको है तुमको समझाया ना हमने कोहेजिवनेस कम हो रही है यार जब रिएक्शन सही से हो नहीं पा रही है चीज़ें अलग अलग होने की कोशिश कर रही हैं तो फिर सेटिंग जल्दी कैसे होगी है ना समझ गए दूसरे नंबर पर है ये ठीक चलिए सर तीसरे पे कौन है एलुमिना ये तो बड़ा कलाकार है भाई ये तो इतना कलाकार है कि तुमको हम क्या बताएं इससे ज्यादा प्यासा तो ये है ये सबसे टॉप का आदमी है ये इतना टॉप क्लास आदमी है कि पानी को देख के अपने आप को भूल जाता है अपनी एग्जिस्टेंस भूल जा रहा है इसका नाम रखा है पागल आदमी ये क्या कर रहा है सर ये इतना पगला है पानी के लिए कि देख के वहां एकदम एक होता है ना कि चलो ठीक है पानी मिला पिया हमने चलो बहुत अच्छा प्यास बुझ गई ये तो एकदम दौड़ जाता है मतलब अपना अस्तित्व भूल जा रहा है और देखो एक बात समझ लो जो लोग एकदम से दौड़ते हैं चीजों के पीछे है ना बहुत गहरी बताने जा रहे हैं जो लोग एकदम से बहुत तेज़ी से पीछे जोड़ते हैं वो अपना सर्वनाश कर लेते हैं समझ रहे हो मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि सीमेंट के अंदर सबसे घटिया चीज़ क्या है तो वो यही है इट इज़ रिस्पॉसिबल क्विक सेटिंग अरे क्विक क्यों क्योंकि पगला गया पानी को देख के जब पगला गया तो भाई ऑब्वियसली क्विक सेटिंग होगी है कि नहीं भाई पानी को देखते ही बोराया रिएक्शन करना शुरू कर दिया तो सेटिंग जल्दी जल्दी करता है लेकिन जल्दबाजी काम किसका बताओ जल्दी बताओ जल्दबाजी काम किसका शैतान का हम ये कह सकते हैं इट इज़ द मोस्ट हार्मफुल इन्ग्रीडियंट ऑफ द सीमेंट ये कहना गलत नहीं है क्योंकि सर जब जल्दबाजी होगी तो समझी जाइए सर क्या होगा क्रैक आएंगे श्रिंकेज होगा प्रॉब्लम समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाती है ठीक है तो चलो अच्छी बात है कि इसकी मात्रा छः ही परसेंट है बहुत कम है तो ये सर पसंद नहीं आया हटाओ उसको हटाओ सर जल्दी हटाओ पसंद नहीं आ रहा है ठीक है एलुना मतलब क्या हो गया एलुना का मतलब क्या याद रखेंगे एलुना का मतलब पानी देख के बोराने वाला आदमी ठीक है सर पानी देख के जो पानी देख के बोरा जाए बहुत तेज़ी में आ जाए एकदम वो है एलुना चलिए सर समझ गए और इतना इतना खुशी मिलती है इसको पानी के साथ इतना खुशी मिलती है देखो ऐसा होता है ना चलो आगे बताएंगे अभी बढ़िया एक कहानी थोड़ी बची हुई है आगे इसको बताया जाएगा चलिए चौथा कौन है सर <coughs> चौथा कौन है कमेंट करो चौथा कौन है सर एफ कमेंट तुम लोग कहा रुक गए hmm. कोहेजन किससे आती है बता दो सर मेरे से गेट नहीं हो पाएगा अच्छा हाँ बेटा सफिशेंट रहेगा ठीक है सफ़ीशियंट रहेगा कोई दिक्कत नहीं है हाँ बता रहे थे कुछ हम बहुत ज़रूरी बात एफ ई टू कोथ्री टू कह सकते हैं कलर थोड़ी सी स्ट्रेंथ और यहाँ पे सारे मटेरियल को फ्यूज़ करने की कोशिश करता है ठीक है देखो एक बात समझो तो मैं बताते हैं ये दो बदतमीज लोग हैं थोड़े से ये जल्दी पिघलते नहीं हैं ये जल्दी नहीं पिघलते मतलब सर क्या है ना आप जब टेम्परेचर को चौदह पंद्रह सौ चलेंगे तो ऑब्वियसली तो फ्यूजन हो रहा है लेकिन सिलिका एलोने का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा और ऊपर है मतलब फ्यूज़ इतनी आराम से नहीं होते तो इनको सही से फ्यूज़ कराने के लिए हम लोग का जो काम आता है वो है Fe2O3 तो ये फ्यूजन में सर बहुत मदद करता है ठीक है सबको जोड़ के रखता है बढ़िया से फ्यूज़ कराने में हेल्प करता है ये दोनों कहते हैं नहीं हमने पिघ लेंगे हमारा तो भैया मेल्टिंग पॉइंट बहुत ऊपर है तो लाइम ये कहता है क्या नाम है आयरन ऑक्साइड अच्छा बहुत तुम उड़ रहे हो जो है अभी तुमको लेन पर लेके आते हैं ना तो फ्यूजन कराने में हेल्प करता है कलर देता है ये जो तुम्हारा आयरन ऑक्साइड है इससे तुम्हारा सीमेंट का ग्रे कलर आता है सीमेंट का जो ग्रे कलर है ठीक है उसमें उस हल्का सा ग्रीनिश टिंट भी होता है तो वो सीमेंट का ग्रे कलर किससे आ रहा तुम है तुमको बताना है आयरन ऑक्साइड से आयरन ऑक्साइड मेनली कलर के रिस्पॉन्सिबल है ठीक है हल्की सी हार्डनेस भी देता है ये ठीक है थोड़ी स्ट्रेंथ भी देता है कलर है हल्की स्ट्रेंथ है फ्यूजन करने में बहुत हेल्प करता है तीन परसेंट है मात्र सर ऐसा है तीन ही परसेंट तो क्या फ़र्क पड़ रहा है इसको इग्नोर मारिए आप जो चीज़ जिनका वैल्यू ही नहीं है ज़्यादा वो कुछ कर भी रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं फिर हमारा मैग्नीशिया ऑलमोस्ट सेम काम इसका ये भी हल्का सा कलर देता है ठीक है हार्डनेस देता है थोड़ी स्ट्रेंथ देता है लेकिन हाँ इसमें एक समस्या है सर जहाँ ज़्यादा हुआ वहीं पर अनसाउंडनेस ठीक है जहाँ ज़्यादा हुआ वहीं पर अनसाउंडनेस दिख रहा है कि नहीं अनसाउंडनेस इसको आप ज़्यादा मत करिए सर ठीक है बल्कि आई एस कोड में तो ये बोला गया है साफ साफ बोला गया एकदम कि इसको छः परसेंट से ऊपर तो लीजिएगा मत छः परसेंट से ऊपर लीजिएगा मत हमसे ना बोलना अनसाउंडनेस मतलब वॉल्यूम बढ़ जाना अच्छा देखो दो बातें याद करेंगे अब बहुत जरूरी बात बोलने जा रहे हैं सब जग जाओ एकदम जग गए कि नहीं सब लोग जग जाओ भाई बहुत जल्दी हाँ दो बातें सर बोलिए एकदम बहुत खोपड़ी में सेट करना है बात इतनी सारी बातें हो गई दिमाग घूम गया हमारा दो बातें पॉइंट नंबर वन बात नंबर वन क्या है सर इतनी सारी कहानी बताए कुछ याद ही नहीं हो रहा है सर हमें तो आप बताइए कि इस टेबल से याद क्या करना है पहले वो पॉइंट याद कर लेते हैं फिर कहानी सुनते रहेंगे सबसे पहला स्ट्रेंथ तुमसे अगर कोई पूछे चुनो इन सातों में कौन है स्ट्रेंथ देने वाला क्या बताओगे चुनो इन सातों में कौन है स्ट्रेंथ देने वाला पढ़ने तुम आए हो गेट वाला है कि नहीं जल्दी आंसर दो तुरंत शायरी बन गई यार तुम तो। इन सातों में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देने वाले कौन लोग हैं बताओ जल्दी बता दो हमको अब ये आएगा भाई ये एग्जाम में है ना और दूसरी बात करेंगे तुम लोग यार बताते बताते नहीं जगह हो कि सो गए हो हैं जगह हो कि सो गए हो पता नहीं तुम लोग का इतना कमेंट नहीं करते यार इतने सारे बच्चे लाइव हैं कमेंट करेंगे दस बारह हैं कमेंट करो भाई कमेंट करना है दिमाग में बातें सेट करनी है सब लोग जा रहे हैं एक लड़के ने तो सारे नाम लिख दिए कह जो समझना समझ लो तुम पूरा लिख डाला है भाई लड़के नहीं ऐसा नहीं है लाइम और सिलिका जो लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं ठीक है, है? लाइम सिलिका बिल्कुल सही बता रहे हो तुम लोग बहुत बड़े लिख भी देते हैं हम ठीक है बहुत बढ़िया अमित ने बताया है सभी लोग अब लाइम सिलिका के साथ जा रहे हैं देख रहे हैं पढ़ लियो तुम लोग ढूंढ लियो यहाँ पे देखो यहाँ स्ट्रेंथ लिखा है लिखा है तेज हो देखो एक तुमको बात है बहुत मज़ेदार बात मजेदार बात यह है कि बाकी कहीं स्ट्रेंथ कहीं लिखा भी होता तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा पूछो क्यों वो है ही कितना है यार भाई यही दोनों तो ज़्यादा है यही दोनों ज़्यादा है तो इन्हीं से फ़र्क भी पड़ेगा अब वो यहाँ पे लिखा है एक परसेंट और यहाँ स्ट्रेंथ लिख दें तो भाड़ में जाए हमसे क्या मतलब सर परसेंटेज भी तो होना चाहिए ना सर उसका तो मेनली अगर हमसे कोई पूछे कि सीमेंट के अंदर जो स्ट्रेंथ आ रही है वो कहाँ से आ रही है स्ट्रेंथ का मतलब जानते हो स्ट्रेंथ का मतलब बताओ पहले जरा स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ तो गाना हो गया सर स्ट्रेंथ का मतलब होता है लोड को रेजिस्ट करने की क्षमता मेनली ग्रेजुअल लोडिंग हम लोग करते हैं सोम के अंदर चलो उधर नहीं जाना अभी इधर आ जाओ साउंडनेस क्या है सर साउंडनेस मतलब जो वॉल्यूम चेंज को रोकने की क्षमता रखते हैं अगर ये बढ़ गए बताओ यहाँ पे कौन से ऐसे लोग हैं जिनके बढ़ने से वॉल्यूम में दिक्कतें आ सकती हैं वॉल्यूम अचानक से बढ़ जाएगी वॉल्यूम बढ़ने से पता है इतनी समस्या होती है सर आप खोपड़ी घूम जाएगी क्रैक पड़ जाएंगे दरारें पड़ जाएंगी फिर जब दरारें पड़ेंगी तो हर आदमी अंदर घुस जाएगा कोई केमिकल चला गया पानी चला गया सब अंदर ही चले जा रहे हैं अंदर चले गए तो फिर और समस्या फिर वो क्रैक ओपन होते जाएंगे एक्सपोजर इतना भयंकर हो जाता है कि इन्वायरमेंट के जो भी एग्रेसिव केमिकल्स हैं कुछ भी चीज़ें हैं वो सब अंदर घुसना शुरू हो जाएंगी और फिर क्या तो हम्बारा क्रैक के थ्रू सीमेंट का या कॉन्क्रीट का डिटोरेशन शुरू हो जाएगा ठीक है अच्छा <laughs> तो हम कह रहे हैं बाकी क्यों लिखे हटा दीजिए अरे हम बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं यार तुम फीलिंग समझो यार ठीक है जो देखो हम हम स्टाइल्स तुमको इसलिए बता रहे हैं ताकि थोड़ा दिमाग चला जाए ठीक है इतनी थ्योरी बीएमसी के अंदर है हम खुद पहली बार पढ़े तो हमारा दिमाग घूम गया था अब तुम लोग पढ़ाने के लिए थोड़ा सा इसमें हल्का फुल्का स्टाइल जोड़ा है हाँ तो सर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कौन है जहाँ पे साउंड साउंड लिखा हुआ है एक तो यहाँ लिखा है एक यहाँ लिखा है एक यहाँ लिखा हुआ है ना तीन जगह लिखा है इसको याद करना है सर पहला हो गया सर लाइम दूसरा हो गया मैगनीशिया एम देख पा रहे हो एम और तीसरा हमारा है सल्फर ड्राई ठीक है लेकिन तुम बताओ इसमें इंपॉर्टेंट कौन है तुम्हारे हिसाब से है ना तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन है लाइम एंड मैगनीशिया बिल्कुल सही बता रहे हो लाइम मैग्नीशिया सल्फर ड्राइक्साइड है तो तीन लेकिन 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 हाँ इसमें इंपॉर्टेंट कौन है सर लाइम फोकस पूरा लाइन पे रहेगा क्योंकि सर ये जो है सिक्सटी थ्री परसेंट है बहुत ज़्यादा है ठीक है और पानी का सर जानते ही हैं प्यासा भी है सर बहुत पानी देखते सभी पागल वैसे पानी देख के सभी पागल होते हैं पता है लेकिन पानी की जो प्रति मोहब्बत है उसमें टॉप रैंक पता है किसकी है पानी को देख के सबसे टॉप रैंक पर जो पागल हो रहा है बताओ इसमें टॉप रैंक कौन बताओ किसकी है कोई बताएगा टॉप रैंक पर पागल कौन होता है पानी देख के अपने आप को भी भूल जा रहा है वो अपने आप को भी भूल जा रहा है एकदम तुरंत टूट पड़ो अटैक कौन है वो कमेंट करो यार पानी को देखते एकदम ही मतलब टॉप रैंक पे पागल होने वाला बता दो पढ़ने आए हो तुम तो गेट वाला कौन है पानी को देख के टॉप पे पागल होने वाला ए फॉर और... ए फॉर और... एलुना एलुना है सर टॉप पे टॉप पे एलुना है सर बहुत पागल है सर इसका तो नाम ही आप खोपड़ी ख़राब रख दीजिए ठीक है अरे यार अपने आप को भूल जा रहा है ये भूल जा रहा है हम यहाँ पे करने के आए हैं है कि नहीं तुम लोग तो नहीं हो ऐसे चलिए ठीक है सर तो ये देखो हमको दो तीन बातें याद रखेंगे लेकिन हाँ स्ट्रेंथ में लाइम सिलिका हम समझ गए इनका परसेंटेज ज़्यादा है साउंडनेस हम समझ गए सर लाइम इंपॉर्टेंट है मैग्नीशिया सल्फर डाईआक्साइड से हाँ ऑब्वियसली सर वॉल्यूम चेंजेस आते हैं देखो लिखा भी हुआ है कि अगर आप मसाले में ठीक है मतलब आपका जो मसाला तैयार रहता है उसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे अगर मैग्नीशिया कंटेंट बढ़ेगा कोड ने आप लिमिट छः परसेंट सेट करी हुई है ठीक है जनली ये आधे परसेंट से चार परसेंट तक रहता है और फिर सोडा पोटैश और सल्फर डाई सोडा पोटैश का मतलब क्या है एने देखो अब ऐसा तो है नहीं सर आप पत्थर उठा के लाए हैं उसके अंदर एन और टू के ना हो ठीक है अरे जैसे ये ऑक्साइड्स हैं वैसे दुनिया में ये भी ऑक्साइड होंगे चले आएंगे सर पत्थर में थोड़ा बहुत ज़्यादातर यही होता है लेकिन थोड़ा बहुत तो ये भी आ जाएगा तो ये रेजिड्यूज हैं जो बच जाती हैं अंदर ठीक है इनके साथ अलग समस्या है तुमने देखा होगा कंक्रीट में कभी कभी वाइट धब्बे पड़ जाते हैं ठीक है बहुत सारे घरों में तुमने देखा होगा थोड़ा समय जब निकल जाता है तो जो लोग प्लास्टर ही करा रहे हैं पेंट वेंट नहीं कराते हैं उसमें तुम देखते हो वाइट वाइट धब्बे पड़ जाते हैं ठीक है तो सीलन जब आती है या मान लो नमी जब आती है तो नमी के साथ ये घुल जाती हैं मतलब पानी में ये एल्कलीज़ घुल जाती हैं ठीक है तुम जानते हो उस एन ए अगर पानी में घुलेगा तो एन और के एच बनाएगा तो ये आ, कह सकते हैं उस कॉन्क्रीट के अंदर से बाहर आएंगी पानी के साथ घुल के ठीक है तुम देखते हो ना तुम्हारे घर में कहीं तुमने देखा होगा नमी वमी पड़ी रहती है सीलन आती है ना जब तो वहाँ तुम देखते हो उसी जगह ठीक उसी जगह पे ये एल्कलीज पानी के साथ बाहर आ जाती हैं फिर पानी तो उड़ जाता है पानी तो उड़ जाता है पीछे देखेंगे कि ये सॉल्ट बच जाते हैं और आप देखेंगे वाइट धब्बे पड़ जाते हैं जो वाइट पैचेस पड़ते हैं ना अच्छा नहीं लगता यार अच्छा नहीं लगता है क्या करें हम चाहते हैं कि कम हो जाए लेकिन सर हम तो ना नमी रोक पाए और ना इनको घुसने से रोक पाए ये रहते रहते हैं नमी भी हर जगह होती, होती होती है ना तो ये जो वाइट धब्बे पड़ते हैं इसको बोलते हैं ई e फ्लोरेसेंस क्या बोलते हैं ई फ्लोरेसेंस ई फ्लोर का मतलब है कि जितना ये अलकली है घुल के पानी के साथ आ गई बाहर पानी गया उड़ सॉल्ट चिपक गए ठीक है ई e फ्लोरेसेंस तुमने घरों में तो ये भी बहुत देखा होगा ए फ्लोरेसेंस तो मतलब बहुत कॉमन चीज़ है बहुत कॉमन फिनोमिन है ठीक है ठीक है सर तो समझ गए बात और सल्फर डाऑक्साइड तो बहुत ही कम परसेंटेज है इसका तो ये सीमेंट को ये भी अनसाउंड करता है अब इसकी बात हम लोग सब समझ गए हमको मोटा मोटा समझ में आ गया सर ये पागल है देखो हम हम तुमको ओवरऑल याद करा दे रहे हैं इसका नाम है हौले होले ठीक है नाम याद करो पहले सबके ठीक है जैसे हम लोग कॉलेज में रहते हैं ना तो कॉलेज में तो हम अपने दोस्त अभी आज भी हम अगर अपने किसी दोस्त से बात करते हैं तो उसका असली नाम तो हमको पता है हम भूल ही गए असली नाम सबका नाम रखा जाता है तुम लोग शायद ये मस्ती करते हो है ना क्योंकि हमारे जो बेस्ट फ्रेंड है जिनका मतलब सबकी शादियाँ वादियाँ हो रही हैं अब तो हम लोग बात करते हैं तो उनका ओरिजिनल नाम ही बात ही नहीं करते हैं सबको कहते हैं हाँ तुम्हारा ये नाम है ठीक है जैसे एक चलो छोड़ो सुनिए बताएंगे इधर आ जाओ वापस ठीक है बड़े अच्छे दिन याद आ गए <coughs> तो इनका नाम रखा जाए ठीक है नाम रखने में बड़ा मज़ा आता है यार इनका नाम है हौले हौले क्या नाम है भाई हौले हौले होले समझते हौले ग्रेजुअली ये एकदम एकदम धहर्य की मूर्ति कह लीजिए सर इनको ठीक है इनको कह लीजिए हले हले देखो एक इमेज आनी चाहिए दिमाग में इमेज आती ना दिमाग में तो याद आती है चीज़ें ठीक है जैसे हमको लाइम ऐसे ही याद है हमको हमेशा से याद है कि लाइम मतलब हौले हो जाए तो जैसे ही हौले होता है तो हम सोचते हैं क्या क्या हो सकता है क्रैक नहीं पड़ेंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ऐसे तुम लॉजिक से अपने आप सब सोच ले जाओगे ठीक है इनकी कमी कर देंगे तो हौले हले खत्म हो जाएगा मतलब स्पीड बढ़ जाएगी स्पीड बढ़ जाएगी सेवन डिक्रीज हो जाएगा तो कुछ भी लॉजिक से तुम सोच सकते हो ठीक है फिर सिलिका की बात करें सिलिका सोचते तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए चिपकू नहीं है सर ये इसको कह सकते हैं चिपकू अचिपकू चिपकू या कुछ बढ़िया बताओ समझ नहीं आ रहा जो इसके अंदर कोहेजिव प्रॉपर्टी कम है तो क्या नाम रखा जाए इसका नाम रखा जाए चिपकू है ये चिपकने में सर काम नहीं कर रहा है लेकिन हाँ अच्छी खासी स्टैंड दे रहा है तो इसको तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर ये वो चीज़ है जो कोहेजिवनेस इम्पार्ट नहीं कर रही थोड़ा दूर दूर भगाएगी ठीक है और ये भी स्लो में इसको मान के चलो इसको भी स्लो मान के चलो इसको देखते ही देखा हाँ क्या आता है पानी पागल बौरा आदमी सर एकदम पानी देखते एकदम पागल होने लग रहा है सर है ना ये तो सर मतलब समझ लीजिए ये तो समझ लीजिए घाटे सौदा इसको तो यहाँ लाना ही चाहिए था इसको तो यहाँ लाना नहीं चाहिए था सर ये अपने आप को भूल जा रहा है स्ट्रेंथ देनी है अब ये पानी सद जाके धूम मचाया पड़ा है वहाँ पे तो इस ये लोअर कर रहा है स्ट्रेंथ ठीक है इसको कंट्रोल करने के लिए हमको अलग से चीज़ है तुमको हम बताया था जिप्सम डालते हैं हम लोग तुमको आज हम एक रहस्य बताते हैं वोड़ा यहाँ रहस्य यहाँ पे ये था कि हम लोग जिप्सम मिलाते हैं यार हम लोग तुमको बताया था ना हमने यार अभी कि एंड में जिप्सम मिलाते हैं हर प्रोसेस देखो एंड में जिप्सम मिलाया जाता है ये क्यों मिलाया जा रहा है इस पागल को रोकने के लिए पागल को इंजेक्शन देना पड़ता है ना तो इसको रोकने के लिए जो है जिप्सम मिलाया जा रहा है सोचो इतना इतना पागल हो जा रहा है ये गलत चीज़ है यार इतना इतना नहीं खोना चाहिए है ना किसी चीज़ में तुमको सिखा रहे हैं इतना किसी चीज मत खो जाओ पढ़ाई भी ध्यान लगाओ ठीक है आयरन ऑक्साइड कलर तुरंत दिमाग में कलर आना चाहिए रंग रंग देने वाला फ्यूजन कराने वाला दो चीज़ मैग्नीशिया अनसाउंडनेस मैगनीशिया अनसाउंडनेस और कलर देता है बस यही तुमको यहाँ से याद रखना है इसके दिमाग में आते ही तुमको याद आना चाहिए ई फ्लोरेसेंस यहाँ से ई e फ्लोरेसेंस याद आना चाहिए बस की समझो एक एक वर्ड में तुमको पूरा पूरा काम हो जाएगा ठीक है और इनको भूल जाओ सल्फर वल्फर भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं आएगा अब सर इनके परसेंटेज कैसे याद होंगे ठीक है चलिए या तो लसाइम तो आपने समझ आती दिया लसाइम मतलब एल एस ए आई एम याद करनी है पूरी बहुत इंपॉर्टेंट बेटा स्टार में आए डबल डबल स्टार मतलब एग्जाम में आएगा सीधे सीधे पता है क्वेश्चन कैसा है गेट में अरेंज करो कहेगा अरेंज कर दो सीधे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं है ना तो ठीक है सर कर लेंगे अरेंज कोई दिक्कत नहीं है आ जाओ इधर आ जाओ कंपोजीशन कैसे याद करना है सर देखो याद करना है जैसे हमने याद कर रखा है ठीक है हमको भी ये बहुत टाइम तक याद नहीं होता था, था हम एक इंटरव्यू देने गए थे ठीक है एक इंटरव्यू क्यों क्या था हमको याद है वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था नालको का इंटरव्यू था नालको जानते हो नालको अरे भाई एल्यूमिनियम की इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी पी एस यू है एक तो वहाँ पर इंटरव्यू में हमसे पूछा गया था बहुत लंबा इंटरव्यू चला था हमारा और काफ़ी अच्छा हुआ था उसमें बहुत अच्छी रैंक भी आई थी हमारी काफ़ी बच्चों के साथ पता भी होगा तो वहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा था सीमेंट का कम्पोजिशन परसेंटेज बताओ तो हम तो भैया खुश हम तो पूरा रटे बैठे एकदम तुरंत बता दिया हमने तो कैसे याद किया तुमको थोड़ा सा बताते हैं हम ठीक है तो बहुत सिंपल है इसमें तुम देख सकते हो सिक्सटी थ्री और ट्वेंटी तुम्हें याद करना है तिरसठ और बीस हिंदी में तिरसठ और बीस बोल रहे हैं अब इस तिरसठ में तुम देख सकते हो छ है और तीन है और यहाँ पर दो है दिख रहा है कि नहीं तुम तिरसठ बीस याद कर लो यही छः तीन दो कर दो छः तीन दो ठीक है तिरसठ बीस छः तीन दो बाकी फिर एक एक बाकी कुछ भी बोल दो एक एक परसेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक ठीक है बाकी तुम कर दो दो से कुछ कम बताना है कुछ भी बता दो कोई दिक्कत नहीं उनको तुम इसमें डेढ़ बोल दो चाहे एक बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा बाकी के लिए तुम दो से कम इस्तेमाल कर लो तो इस तरह से तुम तुरंत ही बता सकते हो तो जब उन्होंने देखा भाई लड़के ने तो एकदम लड़के मतलब हम हम सामने थे भाई कैंडिडेट ने एकदम तुरंत ही सब बता दिया तो भाई इंप्रेस हो गए है ना तो इंप्रेशन पड़ता है इन सब चीज़ों का मतलब छोटी छोटी चीज़ें तुम जो कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हो वो सब एड होती हैं कहीं ना कहीं काम आती हैं है ना चलो एक बच्चा बोल रहा है आई लव यू बोल रहा है सीधे सीधे इसने जो है एकदम नेशनल प्लेटफॉर्म प्रपोज कर दिया है सर को चलो ठीक है हम भी तुमको बहुत प्यार करते हैं यार ऐसे ही पढ़ते रहो मज़ा आना चाहिए है कि नहीं जीवन में देखो मज़ा आना चाहिए तो लड़के को पढ़ के अच्छा लग रहा है बहुत अच्छी बात है यार बहुत अच्छी बात है चलो बहुत अच्छी बात है बेटा ऐसे कमेंट हम लोग को देखने मिलते हैं तो हम लोग और मोटिवेट होते हैं ठीक है कभी कभी हम भी क्लास रखने का मन नहीं करता है तो कभी कभी लो हो जाते हैं लेकिन अभी हमको लगता है कि भाई बच्चे बहुत सारे हैं तो इतना इंटरेक्टिव इंट्रैक्टिव बना रहे से सेशन को कि तुम लोग एकदम जुड़े रहो कनेक्टेड फील करो है ना चलो बहुत बढ़िया ठीक है।, <coughs> है इधर आ जाते हैं वापस तो ये पूरा ऐसा याद हो गया और कंपोजिशन भी बहुत आसानी से याद हो गया तिरसठ बीस छः तीन दो एक बार अपने मन में बोल लो दो तीन बार बोल देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है तिरसठ बीस छः तीन दो तिरसठ बीस छः तीन दो याद हो गया सर लाइम सिलिका एलुमिना फिर आयरन ऑक्साइड और मैगनीशिया लसाइम ठीक है लसाइम करके हमने याद कर लिया इस तरह से आगे बात करेंगे अब ठीक है अच्छा <laughs> कमर ने देखो बच्चे दिमाग लगा रहे हैं ठीक है इधर आओ तुम पहले अब इधर आ जाओ क्लिकर कंपोजिशन की बात करते हैं सर हम लोग क्लिंकर कंपोजिशन सर आपने बताया था लड्डू जो बना था लड्डू गर्मा गर्म था ठीक है लड्डू सर गर्मा गर्म था आधे घंटे देखो यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ है कि अगर अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए अच्छी स्ट्रेंथ की डेवलपमेंट चाहिए तो प्रॉपर कूलिंग करनी पड़ेगी ठीक है एकदम से नहीं ठंडा होना चाहिए एकदम से उसको ठंडा नहीं करना है सर है ना बारह सौ टेम्परेचर मतलब जब क्लिंकर जस्ट बाहर आते हैं तो निकलते ही उनका टेम्परेचर जो है लगभग बारह के आसपास देखा गया है पंद्रह मिनट में वो लोग पाँच सौ छः सौ तक पहुँचे फिर अगले दस पंद्रह मिनट में रूम टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है वायुमंडल का वहाँ पहुँचे अगर ऐसा है तो सर उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप होगी और मजा सा ही आ जाएगा एकदम ठीक है और तुमको उन्होंने बताया भी था कि सर भट्टे से बाहर होने के बाद जब फ्यूजन रिएक्शन हो जाती है तो मेनली हमारे ये चार कंपाउंड बनते हैं इनको बोलते हैं बोग कंपाउंड ठीक है बोगस कहीं कहीं बोगस लिखा रहता है कहीं मतलब पढ़ लो अपने हिसाब से जो भी है ठीक है सर का प्रोनन्सिएशन इतना बहुत तगड़ा नहीं है ठीक है जो भी है वही है सर तो इसमें चार कंपाउंड बने सर क्या है चार कंपाउंड एलाइट बेलाइट फेलाइट नहीं एलाइट बेलाइट सेलाइट फैलाइट ए बी सी एफ यहाँ देख सकते हो इनके कॉमन नेम है ये ठीक है सर नाम समझ गए अब इनका एक एक करके ज़रा सिस्टम समझते हैं पढ़ना सीखते हैं पहला है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ट्राई कैल्शियम सिलिकेट क्योंकि तीन बार सी ए और एक है साई ओ टू कुल मिला के तीन ये और एक चपक गए सर चपक गए जैसे ही तो इनको बोलेंगे सी थ्री एस मतलब सी कितनी बार है तीन बार एस कितनी बार है एक बार तो इसलिए इसको प्यार से बोला जाता है सी थ्री एस ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत ध्यान सुनना बहुत अच्छा सुनो इसको पहले जरा डबल स्टार में है डबल स्टार का मतलब एग्जाम में आने की हाई संभावना ठीक है तो सी थ्री एस समझ गए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट अब अगला क्या है अगला कौन है डाई कैल्शियम सिलिकेट ठीक है डाई कैल्शियम सिलिकेट डाई कैल्शियम मतलब सी दो बार है एक बार एस है अरे नाम से ही सुन मेरा डाई कैल्शियम दो बार कैल्शियम है ना मतलब सी ए के कितने दो सी ए के कितने दो और एस आई ओ टू कितना एक ठीक है क्लियर है कॉन्सेप्ट फिर हमारा आता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ये देख रहे हो घुस गया ये इसके चिपकने से एकदम ही मैटर हो जाता है पूरा ये वही पागल है इसको गौर से देखो तुम ज़रा ठीक है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट मतलब क्या है सी ए ओ तीन बार सी ए कितनी बार तीन बार और एल्यूमिना एक बार ठीक है फिर कौन है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट बहुत सारा हो गया सर यहाँ तो सी ए चार बार एल्यूमिना एक बार एफ ई टू ओ थ्री एक बार सी एक् नहीं चार बार क्या कर रहे हैं सर सरकी एक मिनट चार बार सी ए एक बार ए एल टू ओ थ्री और एक बार एफ ई टू ओ थ्री ठीक है ये हमको याद रखना है इसमें टोटल कितने मौल, इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने ये जो आपका बड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स बना है जो भी है इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं टोटल छः चार सी ओ के एक एल टू ठीक और एक फिर तो यहाँ पे छः है टोटल यहाँ पे चार मॉलिक्यूल हैं यहाँ तीन हैं यहाँ चार हैं ठीक है मॉलिक्यूल तो जानते ही तो हो ना यार मॉलिक्यूल समझते हो ठीक है तो इन सब के नाम भी देखो ऐसे ही रखे गए हैं सी थ्री ए सी थ्री ए इसका नाम है सी फोर ए एफ ये हो गया सी फोर ए एफ ठीक है इनके नाम है एलाइट बेलाइट सेलाइट और फेलाइट तो हम समझ गए सर जो लड्डू आप निकाल लेते हैं यहाँ पे भट्टे से गर्मा गर्म इसके अंदर सर चार तो आपके बोक कंपाउंड हो गए सी थ्री एस सी टू एस ऐसे याद कर लेंगे पहले इन दोनों को फिर सी थ्री ए और सी फोर ए एफ इन चारों को दिमाग में सेट करना है बहुत जरूरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सब ठीक है इन्हीं से सारे क्वेश्चन बनने हैं और इसके अलावा कुछ एल्कलीज भी बच जाती हैं वही एन ए टू ओ के टू ओ जो वही फ्लोरेसेंस और वाइट पैचेस कॉज कर रही थी यहाँ लिखा हुआ नीचे कि बिसाइड्स दिस मेजर कंपाउंड्स एल्कलीज सोडा एंड पोटेश आर ऑल्सो प्रेजेंट हमको बात समझ में चली आ गई सर पूरी चार हैं अब जरा इनका फंक्शन समझो हमारी बात सुनना है यहाँ पे ध्यान से सब लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं हमारी बात पर बता दो जल्दी बता दो सब लोग हमारी बात बहुत ध्यान सुन रहे हैं कि नहीं इस समय तो हम समझ गए सर सी थ्री एस सी टू एस ये सब तो हैं ठीक है सभी लोग ये सब हैं कोई दिक्कत नहीं अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्ट्रेंथ के लिए कौन ज़िम्मेदार है ये चार चिपक के तो आए हैं फ्यूज होने के बाद आए तो हैं स्ट्रेंथ के लिए कौन जिम्मेदार है कमेंट कर बताओ क्वेश्चन किस टाइप के होंगे हम बताते हैं तुमको अभी बताते हैं हाँ यार टाइपिंग वाले को दे दिए क्या बताएँ चलो इधर सुनो जल्दी से हमको बताओ जल्दी कौन स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए बताओ कौन स्ट्रेंथ रिली रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पे सर स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जहाँ पे ये पगला नहीं दिखेगा ये सर इतना बड़ा पगला है इसका देख के पर क्या बताएं सर इसको इसको मत देखिए आप ये पानी के साथ जो है अलग इसकी कहानी है तो जहाँ पे ये दिख जाए वहाँ पे स्ट्रेंथ का कोई मतलब ही नहीं है देखो लॉजिक्स तुमको सब समझा रहे हैं एकदम लॉजिक नहीं मतलब याद करने का तरीका ये दोनों सर मेरे स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ठीक है ठीक और जो आप कह सकते हैं जहाँ पे गड़बड़ हो रही है जल्दबाजी हो रही है कुछ भी हो रहा है उल्टा सीधा पानी के साथ पानी को देखते सर पागल होगा अगर तुमसे कोई पूछे हम एक सवाल पूछते तुमसे आज एग्जाम में क्वेश्चन आएगा चारों का नाम लिखा होगा ए बी सी डी करके पूछेगा कि कौन है जो पानी से सबसे पहले जाके जुड़ता है फर्स्ट नंबर पर बताओ तुम तुम ऐसे ही बता सकते हो पानी में फर्स्ट नंबर से जाके कौन जुड़ता है तुम खुद सोच के तो हम लोग को लॉजिक समझा देंगे बताओ तुम आंसर दो हमें सी थ्री एस सी टू एस सी थ्री ए सी फोर है ना सबसे पहले पानी जाके कौन जुड़ेगा ये है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में मतलब समझो कि करोड़ों बार क्वेश्चन करोड़ों तो ज़्यादा हो गया इतने तो क्वेश्चन टोटल भी नहीं होंगे लेकिन हाँ बहुत बार ये पूछा गया कि पानी से पहले कौन जुड़ेगा तो ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा पागल है है ना सभी लोग बता रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर हम देख पा रहे हैं सी थ्री ए के साथ जा रहे हैं सर लोग देखो तुम कितना आराम से बता पा रहे हो है ना बहुत बढ़िया कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ भी तो ए लिखा है भाई ये भी जाता है लेकिन तुमको सोचो ना यहाँ पे चार मॉलिक्यूल तो यहाँ पे ए का परसेंटेज ज्यादा है ए का परसेंटेज जहाँ ज्यादा होगा वहीं पे दिमाग खराब होगा तो सबसे ज़्यादा ठीक है तो सर ये दोनों किसके लिए जिम्मेदार है सर ये दोनों चाहिए तो नहीं थे आ गए हैं गलती से झेलना पड़ेगा इनको है ना चाहते तो नहीं थे कि ये आ जाए भाई एल्यूमिना तो सर क्या करें मजबूरी है तो ये सब जल्दबाजी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये तो बल्कि ये समझ लो पागल आदमी है ये तो समझ कह सकते हैं हम कि इट इज पुअरेस्ट या हार्मफुल मोस्ट हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऑफ योर सीमेंट ये जो थर्ड नंबर पर देख रहे हो और ये जो चौथे नंबर पर ये पुअरेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी रखता है तो जब सीमेंटिंग कर नहीं रहा है जल्दबाजी कर रहा है कुछ काम वाम है नहीं इन लोग का अब क्या करें भाई झेलना पड़ता है होता है ना परिवार में दो लोग बढ़िया होते हैं दो लोग निकम् में निकलते हैं लेकिन ऐसा तो है नहीं फेंक देंगे वही चीज़ है यहाँ तो जल्दबाजी सेटिंग वेटिंग क्विक सेटिंग क्विक सेटिंग हो रही है जल्दबाजी हो रही है मान लीजिए आपके सीमेंट में कुछ फ्लैश सेटिंग देखने को मिल रही है क्रैक्स आ रहे हैं श्रिंकेज हो रहा है कुछ भी जल्दबाजी का काम हो रहा है तो वो सब इनकी जिम्मेदारी है ठीक है समझ गए सर अब एक एक का हम लोग फंक्शन समझते हैं फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत मजा आएगा और वही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छा इसमें सर बोल रहे हैं फ्लाई एच के बारे में दो तीन चीजें हैं तुमको पता है क्लिकर बन जाता है है ना हम लोग क्लिंकर बन जाता है सर क्लिंकर को पीसते हैं फिर आपने बताया था कुछ हम लोग उसमें मिलाते हैं कुछ हम लोग मिलाते हैं ठीक है थीके? जैसे हम लोग क्या मिला रहे हैं यहाँ लिखा हो जिप्सम तो इंपॉर्टेंट था यार इसके पागलपन को कंट्रोल करने वाला कौन है बताओ यहाँ पे सबसे पागल कौन था सबसे ज्यादा पागल कौन था सर यही बता सी थी है ना इसके पागलपन को रोकने के लिए आई जिप्सम की दीवार है ना लेकिन परमानेंटली नहीं रोक सकता ऑब्वियसली लेकिन हाँ ये है कि शुरुआत में जैसे होता है ना एकदम पानी तो पागल वह भाग रहा है एकदम पानी जरा भाग रहा है जिप्सम उसको पकड़े रखता है जिस सम कहते भैया रुको थोड़ा हल्केल के चलो लेकिन हाँ एंड तक नहीं रोक पाएगा ठीक है होता क्या जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारा ये सीथरी ये है ठीक है जैसे मान लो तुम्हारा सीथरी ये है जिप्सम इसको कवर करता है शुरू में लेकिन अल्टीमेटली तो यार पूरी रिएक्शन कंप्लीट अच्छे से हो ही जाएगी बाद में धीमे धीमे जैसे पानी मिलता रहता है तो रिएक्शन बढ़ती रहती है लेकिन हाँ शुरुआती तौर पे अगर देखा जाए कि जो जल्दबाजी है जो तेज़ी है सीथरी है कि जो पागलपन है उसका उसे कंट्रोल कर लिया जाता है एक तरह से दवाई दे, दे दी गई है उसको है ना एक तरह से दवाई और बल्कि तुम पता है सीथरी है जिप्सम के साथ जिप्सम चलो आगे तो बच जाते हैं अगर सिर्फ जिप्सम और पानी जिप्सम कह रहे हैं ये सीथरी है और पानी रहता तो वो पानी से जुड़ के तुरंत वॉल्यूम बढ़ाता बहुत ज़्यादा ठीक है वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़ती है और काफी सारे वॉल्यूम चेंजेस की वजह से स्टार्टिंग में क्रैक्स वगैरह भी बहुत पड़ सकते हैं ठीक है तो बहुत हार्मफुल चीज़ें हैं सब ये मतलब सीमेंट कहाँ सीमेंट का काम है सबको जोड़ना सीमेंट का काम सीमेंट का नाम ही सीमेंट क्यों है क्योंकि वो बाइंडिंग कर रहा है सबकी और ये जो है काम बिगाड़ने में लगा हुआ है तो इनको कंट्रोल लाल के जिस जिप्सम जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट उनसे एग्जाम पूछेगा कि जिप्सम का मेन काम क्या है तो तुम बोलोगे कि सीधरी के पागलपन को कंट्रोल करना या कह सकते हैं आसान भाषा में ठीक है ये सब नहीं बोलेगा एग्जाम में एग्जाम बोलेगा कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए शुरुआत में उसको रोक लेगा फिर बाद में धीमे धीमे जैसे जैसे ये ओपन अप होगा रिएक्शन जो है उसकी कंप्लीट हो जाएगी लेकिन हाँ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर वरना वॉल्यूम चेंजेस भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं ठीक है थीके? बहुत इंपॉर्टेंट है अगला जैसे हम लोग क्या करते हैं ना आजकल तुम्हें बताया था हमने कि थर्मल पावर प्लांट में जब कोयला जला के बिजली पैदा करते हैं तो बहुत सारा फ्लाई फ्लाईस निकलता है फ्लाई फ्लाईस एक बड़ा वेस्ट है मोदी जी बहुत सारे भाषणों बोले भी हैं फ्लाई फ्लाईस की ब्रिक बनाएंगे फ्लाई एस का सीमेंट बनाएंगे है ना तो जितनी भी सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं सीमेंट यार बनता ही है ईंट भी बहुत बनती है आजकल तो तुम देखोगे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में वो ग्रे कलर के ब्रिक नहीं लगते हैं बड़े बड़े एकदम एक एक ईंट जो है छः छः अपनी नॉर्मल जो घर में ईंट होती है ना लाल वाली उसका छः छः गुना बड़ी होती हैं वो फ्लाई एश की ब्रिक हल्की भी होती हैं बहुत मतलब हर तरह से बढ़िया हैं हर तरह से स्ट्रेंथ ले लो लाइट अलग से हैं लाइट मतलब हल्की हैं लाइट मतलब ट्यूबलाइट नहीं जल रही उसमें हल्की भी होती हैं स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है और पानी के साथ भी उसकी रेस्टेंस बहुत ज़्यादा मतलब तो हर तरह से बढ़िया है उसमें तुम्हारा ये डैम्पनेस नमी भी बहुत कम आती है फ्लाईस ब्रिक्स में मतलब काफ़ी पॉपुलर भी हो गई हैं तो ब्रिक्स में भी बहुत ज़्यादा से यूज़ करते हैं और सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर ही फ्लाईस का बढ़िया सा इस्तेमाल हो रहा है मतलब अगर सीमेंट में अंदर हम लोग वन परसेंट फ्लाई एस भी डाल रहे हैं तो कम से कम इस्तेमाल तो हो रहा है जो कोयला राख में कन्वर्ट हो रहा है वो इस्तेमाल तो हो रहा है ना तो इसको भी हम लोग सर एडिटिव या एक एडमिक्सचर की तरह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इससे वर्कीबिलिटी इंप्रूव होती है लेकिन स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा डालोगे तो स्ट्रेंथ घट भी जाएगी ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं डालना है लेकिन हाँ इससे वर्केबिलिटी हमारी बढ़ती है वर्केबिलिटी का मतलब क्या होता है आगे तुम जान ही जाओगे ठीक है वर्केबिलिटी आगे बात करेंगे अब हम लोग पहले ये जो चार थे इन चारों की कहानी समझ लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है अगली चार स्लाइड सुपर इंपॉर्टेंट तो अगले पाँच दस मिनट बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे उससे पहले तुम लोग कमेंट देख लें कुछ अगर तुम लोग के डाउट हो तो उसका रिप्लाई कर दिया फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है सर एलुना को हटा नहीं सकते हैं क्या हटा सकते थे यार लेकिन अगर उसको पूरा हटा दिए होते तो वही सीमेंट की बोरी साढ़े तीन सौ रुपये की है साढ़े तीन हज़ार की मिलती फिर तुमको घर बनाने में और दिक्कत होती है अभी तुम लोग कमाओ पुत्र बनोगे नौकरी निकालो घर बनोगे बहुत दिक्कत होगी समझ रहे हो अब पूरा मतलब देखो हम लोग हटा तो सोडा और पोटैश हो सकते थे लेकिन उसका टाइफॉइड इधर टेस्ट करने की ज़रूरत क्या है सर सीमेंट है हल्की पुल्की चाहिए दो चार आगे ठीक है सर इग्नोर इतना टेस्ट वेस्ट नहीं करते हैं कोई है ना पैसा बचाना है सर फर्जी क्या ज़रा ज़रा सी चीज़ें करने के लिए जो पूरा आप हटाई दे रहे हैं ठीक है अच्छा वर्कल्टी मतलब वर्क ईजी तो मतलब दिमाग खुला हुआ है भाई रोज तुम लोग कह रहे हैं लड़के लिखा है वर्कल्टी तो वर्क ईजी बहुत बढ़िया सही मतलब जिसके साथ काम करना आसान हो है ना लेकिन कौन सा काम वो तुमको आगे जाना पड़ेगा थोड़ा डेप्थ है उसके अंदर चलो बहुत बढ़िया हाँ फॉल सेटिंग ये सब चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चलो सर जब एलुना इतनी प्रॉब्लम कर रहा है उसको लेते क्यों हैं फिर हम सीमेंट बहुत अच्छा सवाल है शहबाज का ये सभी लोग यही पूछे पड़े हैं आप सर आपने एलुना को इतना बुरा बना दिया है कि हमको उसको देखना भी नहीं है हम नहीं देखेंगे उसको समझ नहीं आ रहा है हमें हमसे समझा रहे थे वैसे तुम एक चीज़ बताओ को यार अच्छा सवाल तुम लोग पूछ रहे हो कि एलमिना सर इतना ख़राब है तो क्यों आ रहा है सर क्यों ले रहे हैं आप उसको देखो यहाँ पे ये जो पत्थर तुम उठा के लाओगे यहाँ से जब तुम क्वेरी करोगे है ना क्वारीरिंग कर मतलब क्वारी मतलब माइनिंग कर एक्सट्रैक्टिंग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग और वगैरह ठीक है तुम बताओ यहाँ से कैसे हम एलमिना को हंड्रेड रिमूव कर दें तुम बताओ पत्थर लेके आए हैं हमको पता है सर उसमें लाइम स्टोन लाइम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी परफेक्टली हटा ही नहीं सकते हैं और परफेक्टली हटाने के लिए सर उसको केमिकली जब हम रिमूव करेंगे टेस्ट करके रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बहुत पैसा लग जाएगा और बनाना क्या है सीमेंट साढ़े तीन सौ की सीमेंट आती है ना एक बोरी वो दस हज़ार की हो जाएगी तब दिक्कत होगी ना तो इसलिए हम लोग छोड़ देते हैं उसको ठीक है इसलिए छोड़ दो काम अपना चल ही रहा है नहीं तुम चाहो तो महल अपना सोने का बनवा दो उसमें क्या है फिर तुम एक काम करो सीमेंट इस्तेमाल ही मत करो है कि नहीं पूरा घर स्टील का और सोने का बनवाओ तो बस यही बात है मतलब एलुना को रिमूव करने से पैसे की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो चला आता है अब अब एन और के ये सब भी चले आ रहे हैं ठीक है चलिए अब ये सर थोड़ी अब अगले दस मिनट हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे सर आपके साथ चल रहे कुछ प्रश्न हम पूछेंगे आंसर देंगे सब लोग ठीक है देखो भाई ऐसा है शुरू में हम दोनों स्ट्रेंथ वाले लोगों की बात करेंगे कौन C3S और C2S बहुत इंपॉर्टेंट है पहले C3S और C2S इन दोनों की बात करेंगे देखो जस्ट इसका उल्टा वो है एक एक करके पॉइंट को कम्पेयर करें दिमाग में सर सब सेट करना है बहुत ध्यान सुनना सी थ्री सर क्या कर रहा है हमारा सर ये बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी देता है मतलब बांधने की क्षमता सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है सी थ्री अच्छा सी थ्री को पढ़ाएंगे कैसे मान लो हमारे पास सीमेंट है वैसे सी थ्री एस की जो मात्रा है आप देखिए लगभग लगभग पच्चीस से पचास के आसपास जा रही है एवरेज चालीस मतलब हमारा जो क्लिंकर है लगभग चालीस सबसे बड़ी वैल्यू जो एक्वायर कर रहा है वो कौन है सी थ्री ठीक है और बढ़िया है सर बांधने की क्षमता बढ़िया है और ये तब बनता है जब हम सीमेंट को बढ़िया से पकाते हैं ठीक है बढ़िया से बर्न करते हैं मतलब हम ये कह सकते हैं कि देखो हम लोग को दो तीन छोटे छोटे पॉइंट डाल देते हैं यहाँ पे अगर सीमेंट को हम लोग अच्छे से बर्न करते हैं बर्निंग एट हाई टेम्परेचर ठीक है जब आप सीमेंट को बर्निंग एट हाई टेम्परेचर अच्छे से मतलब बर्न करते हैं ठीक है बढ़िया से लंबे समय तक तो आपकी सीथरी की मात्रा बढ़ती है ठीक ये बात हमको समझनी पड़ेगी देखो एक्चुअली क्या है सर बर्निंग एट हायर टेम्परेचर से एक और चीज होती है हमारे लाइम का कंटेंट बढ़ता है अंदर लाइम मतलब सी ठीक है अब जब सी बढ़ेगा देखो यहाँ पे पीछे देखो सी अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है तीन मॉलिक्यूल जुड़ पाएंगे आराम से भाई सी अगर बढ़ रहा है आपका अच्छे से बर्न हो रहा है तो ये देखो चार मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो जब आप अच्छे से बर्न करेंगे लाइम कंटेंट ज़्यादा फ्यूज़ होगा तो आपको ये देखने को ज़्यादा मिलेगा टेम्परेचर कम करेंगे लाइम कंटेंट इतने से कम होगा फिर इनके बनने की संभावना ज़्यादा होगी तो कम टे कम मतलब

कभी छत की ढलाई करते हैं या कुछ कॉलम वॉल कुछ ही बनाते हैं तो जो पटरे वगैरह हटा के तुरंत सात दिन में दस दिन में पटरे खुल जाते हैं जानते हो ना फॉर्म वर्क शटरिंग जीती है तो उस खोल दिया जाता है तो जो स्ट्रेंथ आ रही है वो कहाँ से आ रही है जो भी स्ट्रेंथ वगैरह आ रही है वो सब शुरुआती स्ट्रेंथ है वो सब शुरुआती स्ट्रेंथ है किसके से सीधी के से और लंबे समय में चार महीना छः महीना एक साल बाद तक जो स्ट्रेंथ आती रहती है धीमे धीमे अल्टीमेट स्ट्रेंथ को बोलते हैं या लेटर स्ट्रेंथ बोल सकते हो अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोल रहे हैं या लेटर स्ट्रेंथ बोल रहे हैं ठीक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है लेकिन हाँ इनके एग्जाम्पल तुमको या मतलब इनका काम याद रखना है बहुत ज़रूरी तो ये होता है अर्ली स्ट्रेंथ और यही अगर हम बात करें सी की तो सी देता है सर लेटर स्ट्रेंथ यहाँ देखिए लिखा हुआ है ठीक है सी क्या है कि थोड़ा धैर्य वाला आदमी इसका लगभग लगभग परसेंटेज बत्तीस परसेंट रहता है ठीक है तो ज़्यादा तो तुम्हारा सी थ्री एस और सी टू एस ही है और क्योंकि इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है इन दोनों का तो यही दोनों स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लेकिन ये आराम से चलने आला है ये कहता ऐसा है ऐसे एकदम मस्त एकदम स्टाइल में खड़ा रहेगा कहेगा जाओ पहले तुम तीनों जाओ तुम तीनों जाओ कर लो पानी से जो करना है तुम लोग को फिर तुम लोग जब कर लोगे थक जाओगे फिर हम आएंगे चार महीने बाद मतलब शुरू के दस दिन पंद्रह दिन शुरू के पच्चीस दिन तीस दिन तक जो रिएक्शनें चल रही हैं वो उन तीनों की चल रही हैं सी थ्री एस की और वो जो दोनों पागल थे सी थ्री ए और सी फोर ए एफ लेकिन ये एकदम स्टाइल में खड़े हुए दूर थोड़ा बहुत चले जाते हैं हल्का फुल्का पानी नहीं छू लिया हल्का लेकिन जब निकल जा रहा है महीना भर है ना टाइम हो जा रहा है फिर कहते हैं अब हमारी बारी आई है अब हम स्टार्टिंग करेंगे ठीक है तो ये है धैर्य वाले आदमी स्लो और जो लोग स्लो होते हैं उनके साथ सब चीज़ें बढ़िया होना शुरू हो जाती हैं ऑटोमेटिक ठीक है ये तुमको याद रखना है जैसे इसकी केमिकल लाइसेंस बढ़ती है तो इसका मेन कारण यही है कि ये स्लो है ठीक है केमिकल लाइसेंस देता है और ऑब्वियसली सर रिएक्शन थोड़ी आराम से हो रही है तो ये जो हीट इवॉल्व होती है देखो एक बहुत और है बहुत इंपॉर्टेंट कि हमारा जब सीमेंट पानी के साथ जुड़ता है हीट निकलती है ये तुम समझ लो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है देखो केमिस्ट्री अगर तुमने पढ़ी नहीं पता नहीं हमको नहीं पता तुम केमिस्ट्री कितनी के याद नहीं आते कोई भी चीज़ दुनिया में जब स्टेबल होती है तो अपनी एनर्जी को कम करता है ठीक है जैसे हम लोग अभी बहुत पागल हो रहे हैं एकदम कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में एकदम तहलका मचा सकते हैं लेकिन जैसे ही तुम शादी करा दो क्यों कहते हैं शादी में स्टेबिलिटी आ जाती है तो तुम्हारे सिस्टम की जो एनर्जी है वो धीमे धीमे नीचे आ जाएगी एनर्जी लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा है ना हम लोग स्टेबल हो जाएंगे तो जो सिस्टम बहुत अनस्टेबल है एकदम एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा है उनको स्टेबलाइज़ करना है बंधन करा दो बस खत्म है ना सेम चीज़ यहाँ पे भी है तो जब ये लोग पानी के साथ जुड़ते हैं इन लोगों को एक अलग सी एकदम तृप्ति मिलती है अंदर से एकदम क्या बताएं एकदम आत्मा खुश हो जाती है इनकी जैसे ही पानी से मिलते हैं इनकी जितनी पागलपन और जितना इनका बौरापन है कह सकते हैं वो सब एकदम ठंडा हो जाता है है ना और बहुत हाई हीट एनर्जी इवॉल्व होती है देखो जितना ही पागल आदमी होगा ठीक है एकदम पागल आदमी है एक थोड़ा कम पागल आदमी जो बहुत पागल होगा उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी जो बहुत पागल आदमी है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा तो जब वो रिएक्ट करेगा तो उसकी एनर्जी बहुत तेजी से नीचे आती है समझ तो सबसे ज्यादा हीट कौन इवॉल्व करेगा तुम खुद सोच के हो तुम लॉजिक से बता सकते हो कि सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन हाइड्रेशन मतलब पानी के साथ रिएक्शन हाइड्रेशन मतलब पानी के साथ रिएक्शन जब वो करेंगे तो सबसे ज्यादा हीट कौन इवॉल्व करेगा ऑब्वियसली सी थ्री है ठीक है तुम अगर नंबर देखो यहाँ पे इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन 500 जूल पर ग्राम है और सी टू एस क्योंकि सर आराम आराम वाला है इसका कितना है दो सौ साठ लेकिन आपने बोला टॉप रैंक किसकी होगी जो पागल होता है पानी को देख के इसकी हीट ऑफ एडिशन टॉप नंबर पे है रैंक वन सी थ्री ए कितनी आठ सौ पैंसठ आठ सौ पैंसठ बहुत ज़्यादा है ठीक है इसमें हीट ऑफ एडिशन बहुत ज़्यादा है ठीक है और इतनी गर्मी जब बनती है ठीक है इतनी गर्मी जब सर बनती है तो ऑब्वियसली क्रैकिंग की ठीक है देखो हीट जब बनेगी तो ऑब्वियसली वाटर का भी लॉस होगा वाटर का लॉस होगा तो स्ट्रेंथ कम होगी मतलब पचास तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है किसके साथ सी थ्री ए के साथ तो सी थ्री ए की हीट सबसे ज़्यादा है वॉल्यूम चेंजेस बहुत ज़्यादा है क्रैकिंग बहुत ज़्यादा होगी गर्मी की वजह से सर यहाँ पे क्रैक भी पड़ते हैं वाटर का लॉस भी होता है कई समस्याएं हैं ठीक है अल्टीमेट स्ट्रेंथ को घटाता है ये इसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ठीक है और ये सर ये आपने बताया था मुझे आज आपने आज मुझे बताया कि सर ये आपका फर्स्ट कंपाउंड है सर ये आपका कह सकते हैं फर्स्ट कंपाउंड है पानी से रिएक्ट करने लगी सब क्वेश्चन एग्जाम बनेंगे सीधे सीधे पूछा जाएगा कि फर्स्ट कंपाउंड रिएक्ट विद क्वार्टर कौन है ठीक है जी एक एग्जाम में तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये ठीक है अब जल्दबाजी होती है सर इसमें सी थ्री में सर जल्दबाजी है तो सेटिंग टाइम को डिक्रीज कर चलो यहाँ वापस बाद में आएंगे पहले उन दोनों को खत्म कर लेते हैं ठीक है सर कहानी समझ में आई बहुत सारी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको अभी इन दोनों समझ में आया वो है इनकी अर्ली स्ट्रेंथ है साथ दिन वाली स्ट्रेंथ और इनकी है लेटर स्ट्रेंथ ये हम समझ पाए ये स्लो स्लो वो फास्ट फास्ट वो जल्दी स्ट्रेंथ ये देर में स्ट्रेंथ ठीक है इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू एड स्ट्रेंथ लंबा समय लगाता है ठीक है अगला देखो यहाँ पे सी में सी थ्री क्या होता है जैसे हम क्लिंकर को पीसते हैं वो जो लड्डू बनता है उसको पीसा जाता है है ना पीसते हैं तो पीसने में आसानी करता है सी जस्ट उल्टा ये हमारा क्लिंकर को आसानी से पीसने देता है ये मुश्किल से पिछले ठीक है सर यहाँ पे फ्रीजिंग थॉइंग रेजिस्टेंस बढ़ती है ये फ्रीजिंग थॉइंग क्या होता है अरे फ्रीजिंग एंड देखो फ्रीजिंग मतलब होता है जमना ठीक है पानी का जमना और थॉइंग मतलब क्या पिघलना मेल्टिंग तुम कह सकते हो फ्रीजिंग एंड थॉइंग जमना और पिघलना की रेजिस्टेंस देखो ऐसा होता है ना पानी कहीं भी कहीं ठंडी जगह पे मान लो हम लोग मान लो कि हम लोग ठंडी जगह हैं और वहाँ पे जमना पिघलना बहुत ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉब्लम आएगी ठीक है तो जमना पिघलना ज़्यादा नहीं होना चाहिए अरे यार हम हम चाहते हैं पानी जो है सीमेंट के साथ मस्ती करे भाई उसके साथ रिएक्ट करे अब वो पानी अपना जम जा रहा है जब जम जाएगा तो रिएक्ट कैसे करेगा तुम तो बताओ खुद सोच के तो ये ये कंडीशन आनी नहीं चाहिए ठीक है तो ऑब्वियसली इसमें अगर हमको रेजिस्टेंस चाहिए हम चाहते हैं कि ये काम से हम लोग बच पाए तो सी थ्री एस अब बताइए सर ऐसा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि सी थ्री एस जो है जमने से बचा रहा है देखो सी थ्री एस ए फास्ट आदमी सी थ्री से फास्ट आदमी शुरू में रिएक्ट कर रहा है तुम देखो ना अर्ली स्ट्रेंथ लिखा ना कहाँ लिखा है जल्दी रिएक्ट करता अब ये जल्दी रिएक्ट करता तो अच्छी बात है क्यों क्योंकि पानी के जमने से पहले ही समझो बात कह है समझो जल्दबाजी है जल्दबाजी इतनी भी नहीं सर जल्दी स्टेंथ प्रोवाइड कर रहा है तो पानी के जमने से पहले ही रिएक्शन कंप्लीट कर लेगा एक बार सर रिएक्शन कंप्लीट हो गई फिर थोड़ी जम जाएगा बात समझ लो नहीं समझ रहे हो ठीक है सर ये सारे नोट्स कहाँ मिलेंगे ऐप में मिल जाएंगे बेटा ठीक है ये सब ऐप मिलेंगे हम टेलीग्राम में भी डाल देंगे अपने ठीक है टेंशन बिल्कुल मत लो बस थोड़ा सा रिमाइंडर करते रहना सब पढ़ा भी हुआ है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है हाँ तो क्लिंकर को जो है आसानी से ग्राइंड करने में हेल्प करता है बाकी फ्रीजिंग थे बढ़ाता है ये सब एकदम बुलेट पॉइंट है की पॉइंट है इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा फिर इसमें हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन है मतलब सर अच्छी खासी हीट देता है ठीक है देखो जो लोग जल्दी जल्दी हैं अर्ली अर्ली वाले लोग हैं अर्ली अर्ली वाले लोग जो जल्दी रिएक्शन कर रहे हैं उनके अंदर आप जानते हैं सर अस्थिरता ज़्यादा थी उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी तो पानी के साथ एड करके सर अपनी एनर्जी को काफ़ी कम कर लेते हैं और बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है मतलब तुम ये कह सकते हो कि सीमेंट का पानी से जब मिलन होता है सीमेंट का जब पानी से मिलन होता है तो सर आपको बहुत ज़बरदस्त हीट देखने को मिलती है ठीक है ज़बरदस्त हीट और वो फेवरेबल नहीं है वो हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे होती क्योंकि सर उस हीट से गर्मी पैदा होती है हम चाहते हैं सर उनके पीछे रिएक्शन में पानी उड़ जाता है पानी का लॉस भी होता है पानी का लॉस होगा सर क्रैकिंग आपको उसमें हनी को मतलब गड्ढे देखने को मिल जाएंगे तो ये सब चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं ठीक है थीके? हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम की ही बात है इसलिए क्या करते हैं रिएक्शन को धीमे धीमे चलने देते हैं धीमे धीमे थोड़ा सीमेंट डाला थोड़ा पानी डाला जमो फिर थोड़ा सा और इस तरह से करके मसाला बैच बैच में करके डाला जाता है ठीक है ताकि ऐसा ना हो कि एकदम से हमने बहुत सारा कॉन्ट्रीटिंग करी एक सबसे मास कॉन्क्रीटिंग करी एकदम से मास कॉन्ट्री एकदम से हीट प्रोड्यूस हो गई बहुत हीट प्रोड्यूस दिक्कत हो जाती है ठीक है मास कॉन्टिंग में प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा चलिए सब समझ गए और बाकी आ, इसकी जो क्या नाम है सॉलिबलिटी पानी में पानी में जो इसका कह सकते हैं सॉलिबलिटी है इसकी ऐसे बढ़ती है और जस्ट उल्टा सब यहाँ जाओ यहाँ पे इजी टू ग्राइंड यहाँ पे हार्ड टू ग्राइंड यहाँ पे फ्रीजिंग थ्रेशन बढ़ाएगा सीथरीस में यहाँ पे डिक्रीज़ करेगा ठीक है इसकी हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन इसकी लो हीट ऑफ हाइड्रेशन ये पानी में घुलने में आसानी करता है ये पानी में घुलने में अपोजिट है ठीक है यही है और इसमें एक पॉइंट और है केमिकल लेसन बढ़ाता है ये ई के प्री में एक बार पूछा गया है ठीक है तो सी टू एस देर हॉले आराम सब कुछ धीमे धीमे सी थ्री एस जल्दी वाला वो अर्ली स्ट्रेंथ ये लेटर स्ट्रेंथ इतनी मोटी मोटी बात तो हम लोग को याद करनी है हाँ पूरा याद करना है बेटा ठीक है अच्छा हाँ तुम लोग कह रहे हो कि सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो हम बता देते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है अर्ली स्ट्रेंथ ठीक है सेवन डेज स्ट्रेंथ और यहाँ पे है लेटर स्ट्रेंथ इतना तो याद होना ही चाहिए ठीक है और इसके हम लाइन खींच देते हैं यहाँ पे दूसरा ये याद होना चाहिए फ्रीजिंग थ्र रेजिटेंस कौन बढ़ा रहा है और हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब इनमें इनमें कंपेयर करने को अगर आ जाए कि हीट ऑफ हाइड्रेशन किसके आता है तो तुमको पता होना चाहिए यहाँ से एक पॉइंट और दो पॉइंट ये दो यहाँ से याद करने हैं और सी टू एस के अंदर अल्टीमेट स्ट्रेंथ दोनों ही टर्म इंपॉर्टेंट है अल्टीमेट स्ट्रेंथ लेट स्ट्रेंथ ये याद करना है और केमिकल रेजिस्टेंस ये याद करना है ठीक है बस और हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑब्वियसली जो हॉले वाले वाले लोग हैं इनका काम कमी होता है तो ये तुम सोच ही लोगे दो पॉइंट यहाँ से याद करना है ठीक है ये दोनों मेन है बाकी सब इतना जरूरी नहीं है ठीक है कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तीसरा और चौथा खत्म करने याद उन क्वेश्चन तुमको एक्जैक्टली आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली exactly गेट में क्या क्या पूछा जा सकता है ठीक है चलो सर ये क्रैश कोर्स क्या होता है डिटेल्स भैया डिटेल में पढ़ा रहे हैं चिंता ना करो ठीक है सर क्लास के एंड में दो मिनट के लिए डाउट पूछ लो बेटा पूछ लेना कोई दिक्कत नहीं है हाँ सर अब आता है तीसरा सी थ्री ये वही है, देखिए सर गौर से देखिए इसको ये वही है जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ये सर आप समझिए इसके अंदर हमारा रूप है ये हमारा वो रूप है जब हम इंस्टाग्राम पे रील्स चलाते हैं तो रील्स में खो जाते हैं तो दो दो घंटा रील्स में लगे रहते हैं पढ़ते समय कमाल के पढ़ते समय है ना जब इसका काम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना था तब ये पानी से मस्ती करने निकल गया एकदम बहुत तेज़ी से रिएक्ट्स इमीजिएटली इमीजिएटली सर ये एकदम भागता है और रिस्पॉन्सिबल है फ्लैश सेटिंग के लिए इनिशियल सेटिंग अच्छा सेटिंग मतलब क्या होता है सर ये ये सेटिंग सेटिंग क्या मतलब है सर ये बताइए जरा सेटिंग का क्या मतलब होता है बता सकते हो कोई देखो दो चीज़ होती है सेटिंग और एक होता है हार्डनिंग सेटिंग का मतलब होता है कि आपका जो पेस्ट है सीमेंट का जो पेस्ट है वो अभी आपका प्लास्टिक स्टेज से या लिक्विड थोड़ा लिक्विड लिक्विड जैसा रहता है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट शुरू हुआ स्टेट चेंज हो रहा है जरूरी नहीं है कि अगर वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाए तो उसके अंदर स्ट्रेंथ भी आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है क्या पता तुम इतनी पतली सी लेयर बनी और तुमने उसको ऐसे नाखों से मारा तुरंत टूट गई है ना मतलब हमारा लिक्विड लिक्विड कह सकते हैं प्लास्टिक स्टेज आपकी कह सकते हैं मोर सॉलिड स्टेज में कन्वर्ट हो रही है एक तरह से ठीक है लेकिन उसमें जरूरी नहीं कि स्ट्रेंथ आ जाए लेकिन हाँ अगर स्ट्रेंथ भी इंश्योर हो रही है स्ट्रेंथ भी आती जा रही है तो उसको हार्डनिंग बोलेंगे ठीक है उसको हार्डनिंग या स्ट्रेंथनिंग बोलेंगे वो अलग चीज़ है तो सेटिंग का मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेंथ आ जाए हाँ ऑब्वियसली सेटिंग होने से थोड़ी स्ट्रेंथ तो थो आएगी ऑब्वियसली लिक्विड आपका सॉर्डिंग थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी लेकिन प्रॉपर स्ट्रेंथ जो हम चाहते हैं वो मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है तो सेटिंग और हार्डनिंग में फर्क होता है ये समझ लो सेटिंग और हार्डनिंग में फर्क है हार्डनिंग मतलब ये हो गया कि सर आपकी सफिशियंट स्ट्रेंथ हो गई है अब ठीक है सेटिंग एक तरह से कह सकते हैं हार्डनिंग का छोटा भाई है सेटिंग हार्डनिंग का एक तरह से छोटा भाई है प्रॉपर स्ट्रेंथ लेकिन नहीं आई है सर है ना जल्दबाजी अलग से है ठीक है बहुत डिटेल पढ़ा रहे हैं इतना काम चल जाएगा तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा सारे पॉइंट है भाई इसमें एकदम एक पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं अभी क्रैश कोर्स का तो मतलब तुम्हें पता है क्या होता है क्रैश कोर्स का मतलब होता है सिर्फ ये लिखो और ये लिखो बात खत्म ठीक है पूरा यूट्यूब तुम कहीं पढ़ लो कंपेयर कर लो समझ रहे हो तुम तु, तु पढ़ो बस तुम चिंता ना करो हम पे भरोसा रखो बस यार भरोसा रखो अब सब काम होगा तुम्हारा हाँ भाई क्या बता रहे थे सी थ्री ए हो गया सर सी थ्री ए हो गया है तो सीधी सर आपका क्या होगा इमीजिएटली रिएक्ट करेगा इनिशियल सेटिंग के रिस्पॉन्सवल ये पहला पॉइंट जो हम लोग याद रखना है इंपॉर्टेंट बता सकते हैं दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट तुमसे पूछेगा फर्स्ट कंपाउंड रिएक्ट विद वाटर कौन है याद रखना है और ऑब्वियसली सर जब स्पीड बढ़ती है जल्दबाजी होती है तो सेटिंग टाइम कम होगी तो सबको पता ही है और सेटिंग टाइम अगर कम होगा जल्दबाजी काम शैतान का बता चुके हैं क्रैकिंग ये सब बवाल पूरा शुरू हो जाएगा क्रैकिंग होगी श्रिंकेज होगी चाहते नहीं तो हो रहा है सर झेलना पड़ेगा सर है ना सही बात है और सुनो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात भाई वीक सल्फेट अटैक होता है सीथ्री सुनते चिल्लाना सल्फेट अटैक सल्फेट अटैक जैसे ही सर ये सीथ्री है आगे सल्फेट अटैक का पूरा टॉपिक लिखा हुआ है तो वही बता देंगे लेकिन हाँ अभी हम तुमसे बाद में पूछे सल्फेट अटैक के लिए ज़िम्मेदार कौन है बताओ बताओ एग्जाम पूछे क्वेश्चन आएगा सीधे सल्फेट अटैक के लिए जिम्मेदार कौन है ठीक है एक तो सर पाक इसको सबसे मोहब्बत हो जाती है सर कभी इसको पानी पसंद आ रहा है कभी सल्फेट पसंद आ रहा है ये इसको तो रखना ही बवाल है सर ये है ना सल्फेट दिखा उनके साथ निकल गए पानी दिखा वहाँ सर धूम मचाया लगे एकदम बहुत बेकार आदमी सर ये है ना कोई कंट्रोल वंट्रोल नहीं है इसको ये सल्फेट देखते ही और दिक्कत मतलब अपने आप को खोल देता है सर पूरा एकदम क्रैकिंग डिटोरेशन ये सारी बवाल सर यहाँ पे होने लगते हैं ठीक है सी थ्री है, है सेलाइट बहुत बेकार वॉल्यूम चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं सल्फेट से जुड़ने के बाद सर इसकी वॉल्यूम चेंजेस एकदम अलग ही लेवल पे जाते हैं लगभग दो ढाई गुना इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है ठीक है बड़ी प्रॉब्लम क्रैकिंग ये सब चीज़ें होती हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे टॉप नंबर आप पहले बता चुके हैं जब सबसे पागल आदमी है इसकी एनर्जी सर सबसे ज़्यादा थी पानी के साथ सर इसकी शादी कराई रिएक्शन कराई तो बहुत स्टेबल हुआ एनर्जी इतनी ज़्यादा लॉस हुई काफ़ी स्टेबल हो जाता है उसके बाद ठीक है और इसकी वजह से सर क्या होता है जब अच्छी खास हीट निकलती है तो उस हीट के कारण सर अच्छा खासा पानी का लॉस होता है पानी का लॉस होगा तो क्रैकिंग ये सब चीज़ें ऑब्वियसली देखने को मिलती हैं और स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा घट जाती है तो हम लोग को सर यहाँ से पॉइंट कौन से याद रखें वो तुमको बताते हैं ये ये सल्फेट अटैक और हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन तो ये तुमको याद रखना है हीट ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर तुमको हम आगे वैसे भी याद करा ही देंगे कोई दिक्कत नहीं फिर सी फोर एफ इसका परसेंटेज तो बहुत कम है नौ परसेंट ये लगभग साढ़े दस परसेंट ये नौ परसेंट चलो ये लोग बेकार लोग हैं तो ये हैं भी कम ठीक है इनकी मात्रा कम है लगभग बाकी सब तुम देख सकते हो लगभग पिछहत्तर परसेंट तक वो लोग थे ठीक है बाकी ये सब इनका एवरेज परसेंटेज थोड़ा कम है सी फोर एफ सबसे आखिरी में ये भी बेकार है पुअरेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू थोड़ा जल्दबाजी ये भी करते हैं जल्दबाजी करेंगे तो फ्लैश सेटिंग फ्लैश सेटिंग मतलब क्या है कि सर आपका लिक्विड से सॉलिड स्टेट तो कन्वर्ट हो रहा है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं आ रही जल्दबाज शुरुआत में इतनी जल्दबाजी हुई कि हमको एक लगा कि भाई मानो हाइड हो गया लेकिन है ही नहीं पैर रखा टूट गया तुरंत है ना वो चीज़ तो स्टार्टिंग की जो कह सकते हैं सेटिंग होती है फ्लैश सेटिंग जिसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती है तो वो है लेकिन हाँ ये सीथरी के मुकाबले लेस हीट जनरेट करता है कितना चार सौ बीस जूल पर ग्राम एक ग्राम अगर ये लेंगे तो इतनी हीट निकलती है और अगर इसको बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ घरम होगी क्योंकि सर इसके अंदर सीमेंटिंग वैल्यू बिल्कुल नहीं है ठीक है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें बस याद रखना फ्लैश सेटिंग फ्लैश सेटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल मेनली ये ये ठीक है ये दोनों ही हैं अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चनों पे चलते हैं उसके बाद हाइड्रेशन पे आएंगे ठीक है उसके बाद हम लोग हाइड्रेशन पे आएंगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना इसलिए हम तुमको सोच रहे हैं कराने लगे हाँ तो सभी लोग कमेंट करते चलना उसके बाद तो मेनली अपने टेस्ट बचेंगे जो हम लोग अगली क्लास टेस्ट और क्या नाम है टाइप्स बहुत टेस्ट बच रहा है बैठ रहे हैं भैया रुको एक मिनट हाँ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखे हैं चलो भाई ये तुमको अभी उन्होंने पढ़ाया नहीं है ये भी नहीं पढ़ाया है ये बताओ ये इम्पोर्टेंट है कौन सा यहाँ पे हम लोग रिटार्डर सीमेंट कलर यूज़ करते हैं सीमेंट को सी थ्री को कंट्रोल करने के कौन सी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं जो रिटार्डर यहाँ पे होगा बताओ बहुत आसान है ठीक है अभी तुमको ये पता होना चाहिए ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है ठीक है हम लोग सीमेंट के अंदर ऐसा क्या मिलाते हैं जिससे उसकी स्पीड कम होती है इसका उसका सेटिंग टाइम बढ़ता है सही है हो गया चलो जिप्सम सब लोग सही बता रहे हैं बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं कंप्लीट हाइड्रेशन की बात हो रही है हटाओ उसको सीमेंट के टाइप आ गए ये भी आ गया ये बताओ भाई इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे ओपीसी जो ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट है मेन हमारी जो सीमेंट उसमें है उसमें सबसे मेन कंपाउंड कौन कौन से हैं बहुत आसान क्वेश्चन है ये आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर बता रहे हैं आज सभी से रिक्वेस्ट है कि जो है ई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार तुम लोग लगाना सीमेंट का ठीक है इसका आंसर देंगे सब लोग फिर आगे बढ़ेंगे हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका इसका भी सब लोग बता रहे हैं ए ऑप्शन है ना बिल्कुल सही लाइम और सिलिका लाइम होता है तिरसठ बीस छः तीन दो तो आपने सब याद करा है ये है ठीक है और यही दोनों है इसके लिए स्ट्रेंथ के लिए तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट यही है ठीक है इसको याद कर लेंगे इसको हटा दो इसको हटा दो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बताओ मेन कॉन्स्टेंट रिस्पांसिबल फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ द सीमेंट बताना है भाई इनिशियल सेटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है वैसे तो इनिशियल सेटिंग के लिए देखा जाए तो सी थ्री एस अर्ली स्ट्रेंथ ये अर्ली सेटिंग है ना दोनों ही करते हैं लेकिन सबसे पहले दोनों ही लोग धीमे धीमे स्ट्रेंथ ये स्ट्रेंथ देना शुरू करता है ये ऐसा सेट करता है लेकिन ये ऐसा सेट करेगा कि स्ट्रेंथ उसका मतलब ही नहीं है ठीक है वैसे तो दोनों है लेकिन हाँ इसमें सही आंसर अगर तुमसे को पूछे कि मेन कॉन्सिडेंट कौन है जो रिएक्ट कर रहा है वो हो जाएगा यहाँ पे फोर्टीन का क्या बता रहे हो फोर्टीन का सब लोग बता रहे हैं ज़्यादातर लोग बहुत लोग यहाँ पे बी के साथ जा रहे हैं बी नहीं होगा बेटा सी होगा सी थ्री है इनिशियल सेटिंग के लिए अगर कोई जिम्मेदार है वो है सी थ्री है फर्स्ट नंबर पे रिएक्शन करेगा सेटिंग करेगा सेटिंग मतलब स्ट्रेंथ नहीं है ठीक है देखो सेटिंग और स्ट्रेंथ में बहुत हल्का ही फ़र्क है बहुत अलग सा फर्क है लेकिन उसका आंसर सीधे तुम्हें याद करना है ठीक है चलो ये तो तुम समझ ही सकते हो सीमेंट की बोरियां अगर बहुत लंबे समय तक हम लोग स्टोर करते हैं सीमेंट की बोरियां अगर बहुत लंबे समय तक स्टोर करते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ में क्या फर्क पड़ता है कोई बता सकता है यहाँ पे कोई बताएगा सीमेंट की बोरी सर अगर आपकी मान लीजिए फ्रेश है, है ना सीमेंट की बोरी की बात हो रही है हाँ भाई सीमेंट की बोरी को सर अगर हम लंबे समय तक स्टोर कर रहे हैं ताज़ा सीमेंट है नया है उसको हमने जल्दी इस्तेमाल कर लिया तो ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी देर तक रखेंगे स्टोर करके तीन महीना छः महीना एक साल तो एक एक साल दो दो साल में उसकी स्ट्रेंथ फिफ्टी परसेंट तक हो जाएगी ठीक है तो डिक्रीज़ होगा बिल्कुल सही सीमेंट की बोरी को ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं करना चाहिए पानी नमी भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है ठीक है इसको हटा दो ये आया क्वेश्चन बताओ सेवेंटीन बताओ भाई बोल रहा है हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज ऑप्टेंड रिजल्ट ऑफ हमको जल्दी अगर स्ट्रेंथ चाहिए तो क्या किया जाए बता दो हाई अर्ली स्ट्रेंथ अगर चाहिए तो क्या किया जाए सर हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ ऑफ सीमेंट इज एज अ रिजल्ट हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज ऑफेंड एज अ रिजल्ट ऑफ बताइए सर जरा हमें हाई अर्ली स्ट्रेंथ हम सीमेंट को कम पीसें या ज्यादा पीसें सर देखिए अगर आपको अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए तो रिएक्शन बढ़िया से होनी चाहिए रिएक्शन अगर बढ़िया नहीं होनी चाहिए तो आपको अच्छा पीसना पड़ेगा हमारे क्योंकि अच्छे से पीसेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा देखो ये बात समझ सकते हो तुम सभी लोग ये बात समझ सकते हैं कि फाइन ग्राइंडिंग अगर हम लोग करेंगे सीमेंट को अच्छे से पीसेंगे क्लिंकर से मतलब क्लिंकर के बाद जब लड्डू बन जाते हैं उसके बाद अच्छे से पीसेंगे तो आपका सरफेस एरिया सर बढ़ेगा यहाँ पे है ना सरफेस एरिया यहाँ पे सर आपका ये बढ़ जाएगा अपना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो सर रेट ऑफ रिएक्शन आपकी बढ़िया हो जाएगी रिएक्शन प्रॉपर हो पाएगी ज़्यादा हो पाएगी अच्छी तरीके से हो पाएगी अच्छे बॉन्ड्स बनेंगे यहाँ पे क्योंकि सर्वे बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली हाई अर्ली स्ट्रेंथ देखने मिलेगी रेट बढ़ने का मतलब क्या होता है रेट मतलब क्या पर यूनिट टाइम अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स से ज्यादा एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं ना तो ऑब्वियसली इससे अर्ली स्ट्रेंथ होगा अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएगा यहाँ पर ठीक है अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ठीक है समझ गए सभी लोग क्लियर है हम्म hmm. बढ़िया फ़ाइन और दूसरा क्या हायर उसको हम लोग ज़्यादा टेमपरेचर पर क्योंकि सर हाई टेम्पर आप जी हमने बताया कि अगर हम लोग हाई टेम्परेचर पर लेके जाएंगे तो सी थ्री एस की मात्रा बढ़ती है हाई टेम्परेचर पर सी थ्री एस की मात्रा बढ़ेगी क्योंकि सर यहाँ पे चार मॉलिक्यूल हैं उनके जुड़ने की जो एबिलिटी है फ्यूजन की एबिलीट वो ज़्यादा होल्ड तभी कर पाएंगे जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा और जब आप ज़्यादा टेम्परेचर देंगे सी थ्री एस की मात्रा बढ़ेगी और सी थ्री एस आपने बताया सर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए ठीक है तो यहाँ पे यही हो जाएगा सही बताया तुम लोग ने तो ये सब समझ सकते हैं इस सर क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं ये सीमेंट के टाइप पे आ गए हैं क्वेश्चन कुछ अब ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़रूरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी मतलब जिप्सम तो यार बहुत बार पूछा गया एग्जाम में है ना बार बार आ जा रहा है जिप्सम यूज इन सीमेंट एक्सेलरेट या रिटार्ड द सेटिंग टाइम बताओ भाई रिटार्ड द सेटिंग टाइम बाय रिएक्टिंग विद सी थ्री है क्योंकि वो सीरी के साथ जुड़ जाता है विच ए रिस्पॉन्सिबल फ्लैश सेटिंग ठीक है सीथरी है? है सर आप बता चुके हैं आज हमको इनिशियल सेटिंग के लिए फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉसिबल है फ्लैश सेटिंग का मतलब क्या होता है देखो यहाँ पे बहुत डेफिनेशन उन्होंने ब्रैकेट में देख दिया ठीक है ताकि फ्लैश सेटिंग इनिशियल सेटिंग तुमको समझ में आ जाए ठीक है इसका आंसर देंगे सभी लोग एक्सेलरेट रिटार्ड क्या आंसर होगा बताओ कमेंट करो जल्दी एक्सेलरेट या रिटार्ड बिल्कुल सही रिटार्ड होगा यहाँ पे ठीक है तो फ्लैश सेटिंग मतलब क्या है स्टिफनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट विद इन अ फ्यू मिनट्स आफ्टर मिक्सिंग ठीक है फ्यू मिनट्स के बाद ही अगर सर हम लोग यहाँ पे देखें कि तुरंत ही आप देखेंगे सर स्टिफनिंग होने लगी सीमेंट पेस्ट की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं आई है लेकिन आपका वो लिक्विड आपका सॉलिड जैसा बनने लगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लैश सेटिंग ठीक है तो वो रोकने के लिए हम लोग जिप्सम को मिलाते हैं ठीक है ये तो हम लोग को पता ही है फिर द इनक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट हाँ ये बताओ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब देखो इस जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हो गए उसके क्वेश्चन करा दे रहे हैं फिर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो टेस्टिंग और टाइप्स ऑफ सीमेंट वो आज हम लोग बाकी सारे खत्म कर लेंगे सिर्फ टेस्टिंग और टाइप्स ऑफ सीमेंट हम लोग कल पढ़ लेंगे ठीक है बाकी सब हम तुमको पढ़ा देंगे चलो आंसर बताओ इसका जल्दी ट्वेंटी थ्री का इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट ड्यूरिंग अ पीरियड क्या बोला है स्ट्रेंथ जैसे ही इसने बोला स्ट्रेंथ तो दो ऑप्शन अपने यहाँ पे दो ऑप्शन ही आएंगे फिर इन दोनों में से आंसर होना है स्ट्रेंथ के लिए क्योंकि यही दोनों जो रिस्पॉसिबल है ठीक है आगल आदमी तो होते नहीं है बताओ सी टू एस के साथ जाओ भैया सी टू एस के साथ कहा जा रहे हो सी चौदह से अट्ठाईस दिन की बात हो रही है सी थ्री एस अर्ली स्ट्रेंथ है भाई अर्ली स्ट्रेंथ सी टू एस अरे सी थ्री एस इसका आंसर होगा अर्ली स्ट्रेंथ है चौदह से अट्ठाईस दिन अर्ली माना जाता है ठीक है ये महीनों के बाद की स्ट्रेंथ है छः महीना चार महीना चार महीने से एग्जाम्पल लेना शुरू किया था हमने है ना बाद की स्ट्रेंथ हमारा देता है ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है इससे मतलब नहीं है यहाँ पे ठीक है इसका आंसर सी थ्री एस हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा सर सी थ्री एस क्लियर है तो ये सी थ्री एस बताएंगे सभी लोग सी टू एस जो बता रहे हैं गलत है जो भी लोग सी टू एस बता रहे हैं वो गलत है उससे मतलब नहीं है यहाँ पे चौदह से अट्ठाईस दिन जल्दी माना जाता है अर्ली स्ट्रेंथ सी थ्री एस अर्ली स्ट्रेंथ सी थी एस कई बार हो चुका है चलो तो यहां पे हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन देख लिए हैं अब देखो हमारे कितने टॉपिक बच रहे हैं हम लोग के आज के अगर हम लोग बात करें यहां पे, तो हम लोग ने क्या क्या कवर कर लिया अभी मैनुफेक्चरिंग हो गया पूरा ठीक है इंट्रोडक्शन पूरा कर लिया हम लोग ने सीमेंट क्या है मैनुफैक्चरिंग ड्राई प्रोसेस वेट प्रोसेस पूरा देखा और बाकी समझ लिया कैसे बनता है हर एक कॉन्सोडेंट आपने बता दिया लसाइन तेरसठ बीस छह तीन दो लाइम सर आपका स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है हौले हौले आपने नाम बताया था है ना सिलिका का सिस्टम समझ में आ गया था सब बताया तुमको तो आयरन ऑक्साइड कलर देता है मैगनीशा भी कलर देता है ठीक है लेकिन अनसाउंडनेस भी क्रिएट करता है क्लिकर कंपोजिशन में सर आपने चार बोक कंपाउंड लोग को पढ़ाई दिए हैं ठीक है थीके? इसके क्वेश्चन भी आपने बताया अभी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि फर्स्ट कंपाउंड फर्स्ट बोक कंपाउंड टू रिएक्ट विद वाटर जरा आंसर लिख दो कमेंट बॉक्स में फटाफट फर्स्ट बोक कंपाउंड टू रिएक्ट विद वाटर तो हम लोग इसको कल के लिए छोड़ रहे हैं आज इसको खत्म कर लेते हैं ठीक है पाँच दस मिनट लगेंगे इसको खत्म कर लेते हैं इन दोनों को टेस्ट और टाइप को हम लोग कल की वीडियो के अंदर निपटाएंगे ठीक है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं चलिए सर तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट जानते हैं हम लोग हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट समझा जाए बस इसको लास्ट टॉपिक खत्म कर देते हैं क्योंकि टेस्ट और टाइप इंपॉर्टेंट है और हाइड्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं तो उसको हम लोग खत्म करके एंड करते हैं ठीक है थोड़ा हो जाए तो तीन स्लाइड है बस तीन स्लाइड बस मुश्किल से दस मिनट देता हूँ मैं ठीक है ध्यान दो यहाँ पे हाँ सीथरी सब लोग सही बता रहे हैं ठीक है सर जिप्सम को ऐड करने से सेटिंग टाइम इंक्रीज करता है ना हाँ सही है बिल्कुल सही जिप्सम क्या करता है सीथरी है के पागल सीथरी एकदम भागने तैयार खड़ा है सीथरी अगर हम पानी चाहिए, पानी चाहिए पानी चाहिए पानी तो भागना चाह रहा है जिप्सम पकड़ खींचता है तो ऑब्वियसली फ्लैश सेटिंग के लिए जल्दबाजी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल सीथरी है सीथरी है जल्दी जल्दी स्टिफनिंग करेगा शुरू के कुछ मिनट्स में शुरू के कुछ मिनट्स में अभी लिखा देना फ्यू मिनट्स में मिक्सिंग हो जाएगी तो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सी थ्री अब उसको कंट्रोल कर लेंगे तो चीज़ें स्लो डाउन हो जाएंगी स्लो डाउन हो जाएंगी मतलब सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा रिटार्डर है कंट्रोल करता है किसके पागलपन को सी थ्री को ठीक है डॉक्टर साहब हैं एक तरह से कह सकते हैं चलिए सर अब हम बात करते हैं हाइड्रेशन की ठीक है तो हाइड्रेशन में क्या होता है केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विद वाटर प्रोड्यूसेस सी एस जेल ठीक है और जो सी एस जेल होता है उसको हम लोग गलत लिखा है यहाँ पे यार टोबर मोराइट कहते हैं इसको सही करना पड़ेगा एट्रिंजाइट तो सी थ्री सी एच होता है ना तो केमिकल हाँ अब देखो यार ऐसा है ना तो आज सी थ्री ऐसे मान लो सी थ्री ऐसे या मान लो सी टू ऐसे कुछ भी है इसकी अगर हम पानी से रिएक्शन करेंगे थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे अगर हम इसकी पानी से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा सी एस एच सी एस एच का मतलब हो गया सी ए ओ एस आई ओ टू और एस टू ओ तीनों का मिश्रण बनेगा इसको बोलते हैं जेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है यही रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेंथ के लिए याद रखना यही रिस्पॉसिबल है स्ट्रेंथ के लिए ठीक है और ये जो रिएक्शन होती है ना सर बहुत हाईली एक्जोथर्मिक होती है मतलब इसमें हीट अच्छी खासी निकलती है और इस जो पागल टाइप के लोग होते हैं इनकी एनर्जी कम हो जाती है क्योंकि बहुत सारी हीट निकल जाती है यहाँ पे ठीक है और ये जो जेल बनता है सर यही रिस्पॉन्सिबल है इसको बोलते हैं टोबर मोराइट जेल ठीक है क्योंकि इसका जो ढांचा है टेक्सचर है स्ट्रक्चर है वो टोबर मोराइट एक मिनरल होता है उसकी तरह होता है हाईली एक्सोथर्मिक के सर ये रिएक्शंस उसके बाद आप समझिए बहुत ध्यान से कि सी थ्री एस और सी टू एस की ही बात यहाँ पे हो रही है सी थ्री एस सी टू एस यहाँ पे आपके साथ पानी साथ रिएक्ट कर रहे हैं अभी हम वो जो पागल लोग थे उनकी बात नहीं कर रहे हैं उनको भूल जाओ अभी दिमाग से ठीक है ठीक है क्योंकि रिस्पॉन्सिबल स्ट्रेंथ लिए तो इनको ध्यान देंगे सीधी सी बात है सही है सर सी सी थ्री एस सी टू एस रिएक्ट करते हैं पानी के साथ प्रोड्यूस करते हैं सर कैल्शियम सिलिकेट लिखा हुआ है ना हाइड्रेट कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट ठीक है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट और अगर तुम देखो लिखा हुआ है सी मतलब तीन मॉलिक्यूल सी के दो मॉलिक्यूल एस आई के और तीन मॉलिक्यूल यहाँ पे पानी के ठीक है एक पेस्ट सा बन जाता है एक पतला सा पेस्ट सा बन जाता है और वो पेस्ट जो है अंदर जब सीमेंट का पेस्ट बनता है ना वो जो बालू है सैंड एग्रीगेट सबको बांध देता है सबको बंधन में बांध देता है एकदम बाइंड कर देता है बढ़िया तरीके से ठीक है तो ये हमारा हो गया सी थ्री एस टू एच थ्री विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ यही तुमको जताना था ये जो जेल है ना इस जेल को दिमाग में रख लो रिस्पॉसिबल है किसके लिए स्ट्रेंथ के लिए और ये तुमको हम वैसे बता चुके हैं यार कि आपका जो सी थ्री एस और सी टू एस है इन्हीं से सर आपकी स्ट्रेंथ आती है जब हमारा पानी से रिएक्शन होता है तो धीमे धीमे पेस्ट बनने लगता है और इस पेस्ट के से तुम कह सकते हो एक डेंसीफाइड ड्यूरेबल मास बन के तैयार होता है सीमेंट का जो फाइनल टेक्चर देखा है ना सभी लोगों ने तो वो जो डेंसीफाइड और ड्यूरेबल से मास आखिरी में बनकर निकलता है वो इसी जेल की वजह से निकलता है ठीक है तो ये तुमको पता ही जैसे जैसे सीमेंट का सेटिंग होती जाती है सर उसकी हार्डनिंग जैसे जैसे होती जा रही है वैसे वैसे, वैसे हमारा जेल स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है ठीक है अब जब ये रिएक्शन होती है सर पानी के साथ इन इन दोनों की पानी से रिएक्शन होती है तो साथ ही साथ जेल के साथ साथ हमको बाई प्रोडक्ट मिलता है सी ए ओ एच होल्ड वाइज ठीक है हमको यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में सी ए ओ एच होल्ड वाइज भी मिलता है ठीक है सी एच होल्ड वाइज जानते ही हो तो ये मिलता है लेकिन ये बाई प्रोडक्ट है ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट नहीं इंपॉर्टेंट तो जल जल था क्योंकि जल ही हमारा एक ड्यूरेबल मास बनाएगा आखिरी में ठीक है तो सी एच होल्ड अनडिज़ायरेबल भी है क्यों क्योंकि सर ये सल्फेट अटैक करता है सल्फेट अटैक क्या होता है तुमको तो भी हम समझा देंगे कोई दिक्कत बात नहीं है वो भी आज ही क्लास में हम लोग कवर करेंगे ठीक है सल्फेट अटैक भी आज ही क्लास में हम लोग कवर करेंगे तो थोड़ा ध्यान देना सी ए ओ एच होल्ड टू आइज अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट है क्योंकि इससे सल्फेट अटैक होता है अब सी टू एस जो है सर ये दूसरा धौले होले वाला ये सी ओ शोल्डर थोड़ा कम देता है ठीक है बेटर थोड़ा सीमेंटिंग प्रोडक्ट देता है देन सी थ्री एस क्योंकि सर इसमें आपका जेल सी टू एस जो है ना इसमें जेल ज़्यादा बनता है और सी ओ शोल्डर वाइस कम बनता है लॉन्ग टर्म में तो सी टू एस के सीमेंटिंग प्रोडक्ट जो है थोड़े से बेटर है लॉन्ग टर्म में लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है ठीक है मोटा मोटा दोनों लगभग लगभग सेम ही है लेकिन हाँ सी थ्री एस से सी थ्री एस से सर ये कम बनता है ये ज़्यादा बनता है जैसे मान लो तुम दोनों का सौ सौ लिया दोनों का सौ सौ ग्राम लिया तो सी टू एस जो है हौले हॉले वाला वो इसको कम बनाएगा इसको ज़्यादा बनाएगा ठीक है कम्पेरिजन है याद रखो इसको भूल जाओ हाँ यहाँ से याद क्या रखना है सर यहाँ से याद रखना है ये वाली लाइन बस इस लाइन को देख लो ये सेकेंड थर्ड नंबर की लाइन इसको याद रखना है बस ठीक है इसको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो सी एस एच जेल है सी थ्री एस और सी टू एस को जब हम पानी से रिएक्ट कराएंगे तो बनता है सी एस एच जेल जिसको हम लोग कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बोलते हैं और यही के रिस्पॉन्सिबल इसको हमें याद रखना है ठीक है अच्छी खासी हीट यहाँ पे इवॉल्व होती है अब सर जो आपकी अब से देखो हमने सी थ्री और उनको उड़ा दिया हाँ वो कर रहे रिएक्शन लेकिन हमें उससे मतलब नहीं देखो सी थ्री ए तुमको देते हैं अगर सी थ्री ए पानी के साथ रिएक्ट करेगा वैसे आगे आएगा वो भी तो जानते हो कौन सा जेल बनेगा सी एच बनेगा क्या बनेगा सी एच ये तुम्हारा जेल है, ठीक है जेल. ये CAH बनेगा। क्योंकि कैल्शियम एल्यूमिनो हाइड्रेट ठीक है समझ गए ठीक है क्लियर 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 चलो बासम में आ गई है ठीक है समझ गए अच्छा सर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट किस पे डिपेंड करता है ये जो पानी का रिएक्शन हो रही है डिपेंड किसके पर ऑब्वियसली तीन चीज़ों पे अंदर है क्या सर अंदर क्या है अंदर अगर सी थ्री एस ज़्यादा होगा सी टू एस अलग होगा तो उनका जो कंपोजिशन परसेंटेज चेंज होगा उसी हिसाब से सर इंग्रीडियंट्स है हमारा हाइड्रेशन डिपेंड करेगी है ना ऑब्वियसली सर किसी की मात्रा बढ़ाएंगे कम करेंगे तो उससे रिएक्शन पर फर्क पड़ेगा दूसरा आप अगर अच्छे से पीसेंगे सीमेंट को आप अगर सीमेंट को अच्छे से पीसेंगे तो सर्फेस एरिया बढ़ेगा सर्फेस एरिया बढ़ेगा तो ऑब्वियसली स्पीड बढ़ेगी ये बात हम लोग आज कर ही चुके हैं तभी तो सीमेंट को अच्छे से पीसते हैं और अगर अच्छे से पीसेंगे स्पीड बढ़ जाएगी तो अगर हमें जल्दी स्ट्रेंथ डेवलप करानी है स्पीड को बढ़ाना है तो सीमेंट की ग्राइंडिंग अच्छे से करनी पड़ेगी ठीक है और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ठीक है टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ जाती है ठीक है तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो हम लोग बता सकते हैं कि भाई हमारी जो पानी के साथ रिएक्शन हो रही है सीमेंट की वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है ठीक है और ये हम लोग की आज की लास्ट स्लाइड जिसको हमें याद करना है यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन एग्जाम बनेंगे बहुत ध्यान सुनना भाई बहुत ध्यान सुनना इसमें जग जाओ एकदम ठीक है पहला सवाल क्या हम दोनों के डाउट देख पा रहे हैं कई सारे आ रहे हैं आंसर करते हैं सबको चिंता ना करो इसको फोकस करो क्वेश्चन नंबर वन ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर हम सबका एक एक ग्राम लेते हैं सबका अगर हम एक एक ग्राम लेते हैं सबसे ज़्यादा हीट कौन प्रोड्यूस करता है तुम बताओ सोच के सबसे पागल कौन था जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी वही तो यार पानी से रडियड करके सबसे ज्यादा एनर्जी लूज करेगा यस और नो बताओ भाई जो सबसे ज्यादा पागल है जिसका दिमाग सबसे ज्यादा खराब था सर वही तो सबसे ज्यादा हीट लूज करेगा टॉप पे कौन है टॉप पे कौन है सी थ्री ए यार लोग बहुत मिसप्रिंट करें यार खोपड़ी खराब कर दिए चलो रुको एक मिनट इसको सही करें सी थ्री ए है यहाँ पे सी थ्री ए कितना आठ सौ पैंसठ जूल एनर्जी निकलेगी एक ग्राम रिएक्शन से एक ग्राम इसके कंपाउंड के रिएक्शन सी थ्री ए टॉप पे आठ सौ पैंसठ फिर सी थ्री एस है सर सी थ्री ए स्ट्रेंथ भी देता है लेकिन हीट भी अच्छी खास देता है तभी अर्ली स्ट्रेंथ देता है अगर हीट अच्छी खासी ना दे रहा होता तो, तो अर्ली स्ट्रेंथ ना देता है ना सी थ्री ए टॉप पे और याद कर सकते हो तुम बहुत आराम से इसको याद करो और सबसे आराम वाला कौन था सबसे आराम वाला एकदम तुम लोग जाओ पहले तुम लोग कर लो अपना कौन था सबसे आराम वाला बताओ सी टू एस तो वो लास्ट में आएगा तो, तो देखो तुम फर्स्ट और लास्ट तो समझ ही सकते हो बीच में बाकी अरेंज कर देना सी थ्री एस भी अर्ली अर्ली रहता है तो इसका पाँच सौ है आठ सौ पैंसठ पाँच सौ चार सौ बीस और दो सौ साठ दो सौ साठ तो काफ़ी कम है ठीक है तो ये हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ एडिशन की अगर सबका हम एक, एक ग्राम लेते हैं तो कौन ज़्यादा हीट देगा एक ऑर्डर याद हो गया दूसरा बोल रहा है ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड किसकी ज़्यादा स्पीड का मतलब समझते हो स्पीड का मतलब क्या होता है स्पीड का मतलब यह है कि सबको अगर मैंने दो सेकंड दिए अगर मैंने सबको दस दस सेकंड दे दिए दस दस सेकेंड दी वो सर दस सेकेंड है पूरा एक किलोग्राम उसका पागल हो गया एक किलो रिएक्शन हो गई स्पीड का मतलब क्या हुआ कि एक सेकेंड में ही किसने ज़्यादा रिएक्शन कर दी अपने मास ज़्यादा पानी से जोड़ डाला अपना मास ज़्यादा पानी से जोड़ डाला गिने समय गिने हुए समय में ठीक है यूनिट टाइम में तो एक सेकेंड में किसने ज़्यादा रिएक्शन करी स्पीड का मतलब यही होता है पर यूनिट टाइम की बात हो रही है तो कौन है यहाँ पे सबसे तेज रिएक्शन किसकी हो रही है वह है सी फोर ए एफ ऑब्वियसली देखो इसमें तुम तो बहुत आसानी से याद कर सकते हो ए वाले आगे रहेंगे ठीक है और जो स्ट्रेंथ वाले वो पीछे रहेंगे तो इसमें ये लॉजिक चलता है इसमें थोड़ा सा चेंज है सी फोर ए एफ सबसे आगे है सी थ्री ए है ठीक है तुम सोच रहे हो कि सी थ्री होना चाहिए लेकिन हाँ थोड़ा सा सी थ्री यहाँ पर हार जाता है सी फोर एफ के कम्पेरिजन मतलब अगर सबको दस दस सेकेंड दिए जा रहे हैं तो सी थ्री ए की कह सकते हैं आठ ही ग्राम रिएट कर रहा है तो यहाँ पे इसका लगभग दस ग्राम अगर दस ग्राम तो पूरा पूरा शुरू में एकदम रिएक्ट कर जाता है ठीक है तो मगर इसका ग्राफ आप देखो तुम थोड़ा सा बता देते हैं ठीक है सी फो यहाँ पर लिखा है परसेंटेज ऑफ मास कन्वर्टेड यहाँ पे टाइम है तो सी फोर ए एफ सबसे ऊपर चलता है फिर सी थ्री ए चलता है फिर सी थ्री ए चलता है और सी टू एस तो कुछ करता ही नहीं है लेकिन जब ये सब हो जाते हैं तो तब एकदम सी टू एस जोश में आता है फिर सी टू ऐसा ही है ठीक है मतलब लंबे समय बाद जब ये लोग अपना पागल हो लेते हैं उसके बाद सी टू एस जो है हमारा फॉर्म में आता है भाई उसका परसेंटेज रिएक्शन बाद में बढ़ता है ठीक है तो सबसे ऊपर सी फोर ए एफ फिर सी थ्री ए फिर ऑब्वियसली बाद में सी टू एस तो लास्ट में रह गई फिर स्ट्रेंथ की अगर बात करें इस्ट्रेंथ की बात करें तो ये तो हमें याद करना है थोड़ा सा यहाँ पे एक बदलाव आया है ठीक है थोड़ा सा अलग है इसको याद कर सकते हैं हम लोग ठीक है स्ट्रेंथ ऑब्वियसली सर ये देखिए डबल एरो ओ बना दिया तो स्ट्रेंथ के लिए तो सर यही दोनों रिस्पॉसिबल थे है ना ये अर्ली ये लेट सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कौन देता है सी थ्री ए सबसे ज़्यादा बाइंडिंग प्रॉपर्टी है ठीक है सबसे ज़्यादा सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है सी थ्री सबसे पुअर कौन है सी फोर एफ सी ए फोर एफ होगा तो पुअर सीमेंटिंग हो जाएगी सीमेंटिंग ही जब बेकार होगी तब क्या करेंगे है कि नहीं सीमेंटिंग सीमेंट काम ही बाइंड करना बाइंड ही नहीं कर पाता तो फिर क्या ठीक है तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ हो गया फिर ऑर्डर ऑफ सेटिंग टाइम अब सेटिंग टाइम सबसे कम किसका है मतलब एकदम स्पीड वाला बहुत तेज एकदम तूफान बताओ सेटिंग टाइम चलो अब बस करा जाए ठीक है डिनर टाइम हो गया बंद करते हैं चलो ये लास्ट स्टाइड टेंशन मतलब इसको बंद करते हैं एक चीज़ हमको बतानी है कोई अभी जाएगा नहीं ठीक है लास्ट ऑर्डर देख लो सेटिंग टाइम की बात करें हाँ सेटिंग टाइम में सर क्या बता रहे हैं सी थ्री ए सबसे ज़्यादा फिर सी फोर ए एफ फिर सी थ्री एस और फिर सी टू एस ठीक है सी थ्री ए सी फोर C2 एफ सी थ्री एस सी टू एस सी टू अरे यार लेकिन एक बात गड़बड़ हो गई यार एरो बना दी उधर टाइम तो भाई टाइम तो सबसे कम उसका होना चाहिए सी थ्री ए का सी थ्री सबसे फास्ट है ना इसको सही कर लो सबसे कम टाइम ठीक है सबसे कम टाइम जो लगाता है रिएक्शन में वो है सी थ्री ए फिर सी फोर एफ फिर सी थ्री एस और फिर सी टू एस सी टू एस तो बहुत टाइम लगाता है भाई आराम से एकदम ये टाइम का ऑर्डर है ना टाइम तो सबसे इसमें लगेगा ये सबसे स्लो आदमी है ठीक है तो इसको याद कर लेंगे और लास्ट में वाटर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो पानी की रिक्वायरमेंट होती है चौबीस तेईस परसेंट के आसपास ठीक है देखो जेल हमारा क्या बनता देखिए सर ये सी थ्री ऐसा है ये सी टू ऐसा है ठीक है लगभग चौबीस परसेंट पानी की ज़रूरत इसको होती है अपने मास का और लगभग इक्कीस परसेंट जरूरत इसको होती है आप एवरेज आउट करके देखें पानी की रिक्वायरमेंट दोनों कितने अपने अपने मास का लगभग साढ़े तेईस पर, तेईस परसेंट आप एवरेज इसका एवरेज लोगे तो लगभग तेईस के आसपास पहुंच जाए साढ़े बाईस से हो जाएगा तो हम लोग तेईस परसेंट मान सकते हैं ठीक है मतलब इनको अगर कंप्लीट रिएक्शन करनी है तो आपको यहाँ पे तेईस परसेंट पानी देना पड़ेगा इस तेईस परसेंट पानी को हम लोग बोलते हैं बाउंड वाटर बाउंड वाटर मतलब जेल वाटर जो जुड़ के जेल बना लेता है जो इनके साथ जुड़ के जेल बना लेता है उसको हम लोग बोलते हैं बाउंड वाटर क्या बोलते हैं भाई बाउंड वाटर याद कर लो ये नाम अरे बाउंड का मतलब क्या रिएक्शन हो गई और सर कुछ पानी होता है कुछ पानी होता है सर जो जेल पार्टिकल के जो जेल पार्टिकल के बीच में रहता है ठीक है कुछ पानी होता है जो जेल पार्टिकल के बीच में फंसा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्री वाटर क्या बोलते हैं यार फ्री वाटर लगभग लगभग पंद्रह परसेंट ये भी होना चाहिए ये जेल पोर्स में होता है जेल पोर्स मतलब सर आपका जो जेल बना जो जेल बना उसके पोर्स में जो पानी फंसा हुआ है जेल पोर्स ठीक है जेल पोर्स में जो पानी उसको हम बोलते हैं फ्री वाटर लगभग पंद्रह परसेंट ये भी होना चाहिए तो अगर आप तेईस और पंद्रह को जोड़ दें लगभग अड़तीस परसेंट ये वैल्यू आएगी तो अड़तीस परसेंट तक अगर आप पानी डालेंगे तो बढ़िया तरीके से रिएक्शन हो जाएगी मतलब वाटर बाय सीमेंट का रेशियो शुड नॉट बी लेस देन पॉइंट थ्री एट मतलब आप पानी अगर मिला रहे तो कम से कम जो भी सीमेंट का मास है उसका चालीस परसेंट तक आप लगभग लग मिलाएंगे तो पंद्रह परसेंट पानी इधर उधर फंसा रहेगा क्योंकि वो बाद में प्रोवाइड करता रहेगा जैसे जैसे हीट बने देखो हीट ऑफ रिएक्शन होगी हीट ऑफ हाइड्रेशन आएगी हीट आएगी तो पानी थोड़ा उड़ता रहेगा तो जेल से वो पानी आके इधर रिएक्ट करता रहेगा ठीक है लेकिन हाँ एग्जेक्टली कितना पानी चाहिए इनकी रिएक्शन कम्प्लीट कर लीजिए तो वो एक्जेक्टली तेईस है लेकिन प्रोवाइड हम लोग अड़तीस करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा ठीक है इसको याद करना है बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है ये चलो फिर तुम लोग कह रहे हो बाद में बताया जाए तो फिर यहाँ से अगली क्लास के अंदर हम लोग शुरू करेंगे ठीक है एक इम्पॉर्टेंट खबर यहाँ पे ये यह है हम लोग थोड़ा थैंक यू पे चलते हैं अच्छा कल अगली क्लास इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है खबर यहाँ पे अरे यार खबर यहाँ पर यह है कि कल की क्लास नहीं हो पाएगी ठीक है कल जो है सर को जाना है एक जगह है ठीक है शादियाँ वादियाँ हो रही है। हैं आजकल ठीक है जाना पड़ेगा मतलब कुछ लोग ठीक है रिश्ते में हो जाते हैं तो जाना पड़ता है तो कल की क्लास उन लोग की नहीं हो पाएगी तो इसके लिए हम माफ़ी चाह रहे हैं पहले से वेटनसडे से हमारी क्लास एकदम कंटिन्यू रहेगी बढ़िया से कोई दिक्कत नहीं ठीक है बाकी यहाँ पे एक डाउट आया है कि स्ट्रक्चरल फ्री वाटर जैसा है हाँ बिल्कुल कह सकते हैं और यहाँ पे एक आया कि, कि अच्छी रैंक के साथ साथ कौन सी स्किल डेवलप करनी चाहिए प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट यार ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है कहीं भी देखो हम तुम बता रहे हैं स्किल स्किल तो चलो सब ठीक है हो जाता है स्किल स्किल ठीक है गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें गवर्नमेंट जॉब में देखो हम हमारा अच्छा खासा हम दोस्त वो हैं बहुत हमको आइडिया है मतलब तो हमने जो देखा है जो सक्सेसफुल ऑफिसर रहे हैं ऑफिसर मतलब जो तुम अच्छे बढ़िया क्लास ए क्लास भी बन जाते हो तो वहाँ पर तुम्हें कोई पढ़ा काम नहीं आती है ये सब जो तुम पढ़ रहे हो चला गया फ़िलहाल कोई बात नहीं ये सब काम नहीं आता है वहाँ पर काम आता है कि आप कितना व्यवहार कुशल हैं लोगों को मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इन शॉर्ट तुम जितना ही मतलब लोगों को समझ पाओ लोगों को मैनेज कर पाओ छोटे तबके के लोग आते हैं उनसे कैसे बात कर पाओगे बड़े तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारे बॉस हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं ऐसी हैं चीफ साहब हैं उनके मूड को बैलेंस करना पड़ता है तो ये सब स्किल अगर सॉफ्ट स्किल की बात करें ये सब अगर डेवलप कर पा रहे तो बहुत अच्छा है ठीक है और बाकी स्किल का क्या है तुमको मान लो तुम जैसे मान लो तुम्हें तीन साल कहीं पोस्टिंग हुई अब वहाँ पर चल रही मान लो बेसिन प्लानिंग तो बेसिन प्लानिंग में तुम भाई बेसिन प्लानिंग सीख लो वहाँ पर उसके एक्सपर्ट बन जाओ वो बनाओ वी कभी ना कभी काम आ जाएगा फिर तुम्हारे तीन साल मान लो कि मान लो कैनाल की रनिंग में क्या नाम है पोस्टिंग हो गई तुमको कैनाल की रनिंग को इंश्योर करना है तो तुम तीन साल उसमें काम कर लो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा तो बट जब जो अब तुमको मान लो कल को कोई डिज़ाइन तैयार करनी है तो तुम ऑटो कैट सीख लो दो महीने डिज़ाइन बनाना शुरू कर दो तो जो भी चीज़ें एग्जाम लाइफ में आती रहती हैं सामने सामने ठीक है नई नई बॉल्स तुम्हारी तरफ आती रहेंगी उनको बस जैसे जैसे आ रहे हैं उनको खेलना सीखते रहो और वहाँ पर वो स्किल डेवलप करो लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है सॉफ्ट स्किल तुम अगर इस लायक नहीं हो कि सही से बात कर सको ईगो में जी रहे हो ठीक है अचानक से कहीं कोई इंस्ट्रक्शन आता है तो ईगो तुरंत हर्ट होता है तो वो सब चीज़ें अगर तुम अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो तो लाइफ में सब कुछ आसान है क्योंकि तुम हर चीज़ डाउन टू अर्थ रह के सीख भी सकते हो मैनेज भी कर सकते हो लोगों को भी संभाल सकते हो और सब लोग आराम से मैनेज हो जाएंगे ठीक है तो ये सब चीज़ें ज़्यादा डेवलप करनी पड़ती हैं बस और ये सब चीज़ें समय के साथ आती हैं जब दो तीन बार हम लोग फेल होंगे सबको पता है अच्छा समय तब आता है जब बहुत सारा बुरा समय पहले देखा हो तो तुम दो चार जगह गलत हो गए तुमको समझ में आएगा कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी बस वो वहाँ से धीमे धीमे चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं ठीक है चलो बस यही है फ्रेशर्स में इंटरव्यूज में क्या देखते हैं यही सब देखते हैं एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट है तुम ग्राउंडेड हो कि नहीं डाउन टू अर्थ हो कि नहीं ठीक है अब कुछ लोग आते हैं फ्रेशर में वो एकदम ऐसी हवाबाजी करने लगते हैं तो वो सब चीज़ें नेगेटिव जाती हैं ठीक है थीके? हाँ हाइड्रोलॉजी ग्राउंड वाटर कब होगा उसके लिए यार हम वीडियो डाल देंगे सर क्लास बहुत लैग हो रहा है सर आज मैथ्स नाइन टू लेवन भी नहीं हुआ है सर अच्छा तो एक काम करें बताओ फिर ये बताओ हमको सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ अगर तुम लोग इतना कह रहे हो तो हम कहो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल देंगे एक बार कमेंट लिख दो अगर 25 यर्स आ गए अभी हम गिनेंगे तुरंत 25 यर्स आ गए कम से कम तो हम रिकॉर्डेड फॉर्म में तुम्हारी कल वीडियो चलवा देंगे जल्दी बताओ एक बार ठीक है वरना फिर लाइव क्योंकि लाइव में थोड़ा कनेक्शन रहता है ना लाइव में थोड़ा कनेक्शन आ जाता है वीडियो देखो रिकॉर्डेड फॉर्म में चल जाएगी ऐसा कुछ नहीं है अब तुम जल्दी बताओ कम से कम पच्चीस यर्स चाहिए अगर तुम चाह रहे हो कि कल तुम्हारी क्लास चल जाए हम हाँ अभी क्या करेंगे क्लास एंड करेंगे इसके बाद हम इसको एक रिकॉर्डिंग कर देंगे और उसको हम तुम्हारे चलवा देंगे ठीक है चलो रिकॉर्ड नहीं ठीक है लाइव ठीक रहेगा तो फिर अब हम कल अवेलेबल नहीं रहेंगे तो पॉसिबल नहीं है ना तो सब बहुत लोग नो कह रहे हैं तो फिर ठीक है लाइव में मज़ा आता है हाँ तो वही तभी हम सोच रहे हैं इसको हम लोग परसों ही करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया ठीक है, है चलो और बाकी टेंशन मत लो टाइम मिलेगा तो हम संडे को भी कवर कर देंगे ठीक है संडे को मतलब तुम समझ लो कि नौ तारीख तक तुम्हारा सी पी एम पर्ट वाला और ये सब बी एम सी खत्म हो जाएगा हमारी जिम्मेदारी ठीक है थीके? तो कोई टेंशन नहीं चलो एक बी एस नहीं आया <laughs> एक बी एस नहीं आया आपके लिए ही तो आई हाँ ठीक है लाइव आते तो बहुत अच्छी बात है चलो फिर लाइव करते हैं ठीक है थीके? चलो एंड करते हैं सेशन को तुम लोग बढ़िया से ख्याल रखो मिडनाइट सेशन भी चलो लेंगे जल्दी अभी गेट और नजदीक आने तो देखो तो तो मज़ा आएगा भी सही बता रहे हैं अभी दिसंबर तक तुम लोग क्रैश कोर्स खत्म करो तुम पूरा माहौल में आई जाओगे सब कुछ जनवरी में क्रैश कोर्स आएगा ठीक है तब और लाइव पढ़ेंगे ठीक है रात तो एकदम मजा आ जाएगा ठीक है तो कोई दिक्कत बात नहीं है हम तो पूरा तैयार रहेंगे उस समय चलो टेक केयर अब रेस्ट वेस्ट नहीं गए शादी यदि में जाना है बस फंक्शन है अब कुछ लोग नजदीकी होते हैं जाना पड़ता है ठीक है इस समय शादियों में एकदम वो चल रहा है हुजूम है ना जहाँ देखो एकदम आवाजें आती रहती हैं एकदम बैंड वाला बसता रहता है हर जगह यही सब चल रहा है ठीक है तो बीएमसी अगले एक हफ्ते के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा चलो टेक केयर ख्याल रखो एकदम खुश रहो बढ़िया से पढ़ते रहो सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई इसको पूरा रिवाइज कर लेना नोट्स मिल जाएंगे आज ई का प्रीवियस लगाना है प्रॉमिस हुआ है भाई ठीक है प्रॉमिस हुआ कि ए का प्रीवियस लगाएंगे <coughs> चलो भाई टेक केयर एवरीवन